आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेरिवेटिव ये प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है मार्केट में अगर जाके देखोगे आज के रेट पे तो अप्रॉक्सीमेटली आज के डेट पे तो वन लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है मैं तो देख के हैरान हूँ ये अगर देखोगे तो देखिए मोस्ट एक्टिव अंडरलाइन देख रहा है ये डेरिवेटिव सेगमेंट का तीन बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी ये तीन का अगर टर्नओवर देखोगे वॉल्यूम है कुछ और इसका अगर वैल्यू देखोगे तो करोड़ में दिख रहा है आपको सिक्सटी फोर सेवेंटी सिक्स यानी कि मोटा मोटा सिक्सटी फाइव लाख करोड़ ये आ गया आपका फोर्टी टू लाख करोड़ और ये है थर्टीन पॉइंट फोर कि चलो मोटा मोटा थर्टीन लाख करोड़ देखा जाए तो एक सौ बीस लाख करोड़ की टर्न आज के रेट पर एक दिन में चलते हैं मार्केट के अंदर और वो कौन सी सेगमेंट है डेरिवेटिव सेगमेंट तो इसको अगर प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ही आपको आसान लगेंगे क्योंकि आप इसको रियल लाइफ से आप लिंक कर सकते हो और आज के डेट पे बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि हम अपने स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस सेगमेंट में ट्रेड करता है डेरीवेटिव सेगमेंट में इसको अगर एक लाइन में समझना हो कि डेरीवेटिव क्या है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट मतलब शर्त है शर्त लगाना हम लोग सीखते हैं जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच होने वाला है क्रिकेट मैच में आप शर्त लगाना चाहते हो तो शर्त लगाओगे क्या एक कोई टीम जीतेगा एक कोई टीम हारेगा अगर वो टीम जीतता है या हारता है तो आपको पैसे बनेंगे अगर आपके फेवर में मूवमेंट हुई तो मूवमेंट मतलब आपके फेवर में अगर रिजल्ट आया तो आप जीतोगे और अगर आपके अगेंस्ट रिजल्ट गया तो हार जाओगे सिंपल सी बात है तो अब इसमें हम यही चीज जानना चाह रहे हैं कि, कि किस तरीके से शर्त लगाना है मान लीजिए मैच ड्रॉ हो गया तो फिर क्या होगा मतलब आपने एक शर्त लगाया क्रिकेट मैच पे तो मैच ड्रॉ हो गए तो आपके शर्त का क्या होगा आपके शर्त भी कैंसिल हो जाएंगे एग्जैक्टली exactly वही चीज है तो वहां पे हमने किस चीजों पे आपके जो शर्त का वैल्यू होगा ना वो डिराइव किया जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट से क्रिकेट के परफॉर्मेंस से आपका वैल्यू डिराइव होगा एग्जैक्टली exactly वही चीज यहाँ पे चलता है किसी चीजों का शर्त का वैल्यू डिराइव किया जाता है अंडरलाइन के वैल्यू से इसीलिए इस, इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है डेरिवेटिव मतलब डिराइव किया हुआ वैल्यू तो अब एक लाइन में अगर समझना हो कि डेरिवेटिव क्या है कोई अगर बोलता है डेरिवेटिव क्या है तो क्या बोलेंगे हम लोग लो कॉन्ट्रैक्ट लो. शर्त है ये शर्त है किस चीज का किस चीज का शर्त है ये बाई करने का या सेल करने का क्या चीज अंडरलाइन जिस चीज को खरीदने बेचने का शर्त लगाते हैं उसको डेरिवेटिव के लैंग्वेज में इसको अंडरलाइन बोला जाता है समझ में आ गया यहां जो हमने अभी आपको दिखाया था ये था आप देखिए यहां पे क्या लिखा है मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग ये देखो मोस्ट एक्टिव क्या है ये अंडरलाइंग में से बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी ये तीन जो है ना आपको मोस्ट एक्टिव दिखा पिछले दिन के मार्केट में अंडरलाइन क्या है बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी शर्त जो है वो है फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं मार्केट में फ्यूचर या ऑप्शन तो हम लोग डेरिवेटिव में दो चीज पढ़ने जा रहे हैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव को बोलेंगे क्या है तो क्या बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज का अंडरलाइन को सेल करने का अंडरलाइन को सेल करने का तो देखिए एक बार रीड करिए डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग या अंडरलाइंग असिट्स भी बोला जाता है इसको अंडरलाइन क्या है देखते हैं अभी इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन हु परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग जैसे हमने एक सिंपल सी एक आपको लाइन बता दिया ना क्रिकेट मैच होने वाला है चलो वर्ल्ड कप का फाइनल ही होने वाला है आप शर्त लगाने जा रहे हो शर्त हमारा जो होगा वो डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द मैच पे तो मैच जो हो गया यहाँ अंडरलाइंग हो गया आपका शर्त जो है वो फ्यूचर और ऑप्शन है इसके अंदर

बोरोविंग डिपॉजिट का शर्त लगाएंगे वो इंटरेस्ट रेट का आपका डेरिवेटिव बन जाएगा वैसे बता दो इसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट यानी कि वो डेरिवेटिव ही है किसका इंटरेस्ट रेट का इसलिए उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बोलते हो खास करके डेरिवेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट है बाकी कॉमोडिटीज यहां पढ़ेंगे करेंसी यहाँ पढ़ेंगे इंडेक्स यहाँ पढ़ेंगे स्टॉक यहाँ पढ़ेंगे इंडेक्स ऑलरेडी हमने बता दिया था आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी जो बोलो कॉमोडिटीज का क्रूड ऑयल गोल्ड सिल्वर करेंसी में चार करेंसी यहाँ इंडिया में ट्रेड होते हैं डॉलर पाउंड यूरो सी एच एफ सॉरी सी एच एफ नहीं एन डॉलर यूरो पाउंड एन ये चार करेंसी जो इंडिया में ट्रेड होते हैं करेंसी में और स्टॉक में जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 स्टॉक जो है जो इंडिया में ट्रेड होते हैं देखिए कौन कौन सी स्टॉक अगर इस डेरिवेटिव सेगमेंट में है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा मैं गया यहाँ पे इसको एफ एंड ओ बोला जाता है याद रखिएगा डेरिवेटिव सेगमेंट को क्या बोला जाता है एफ एंड ओ भी बोलते हैं जैसे एफ एंड ओ लिखोगे तो भी चलेगा या एफ एन ओ भी लिखोगे तो भी चलेगा दोनों वर्ड यूज किया जाता है एफ एन ओ स्टॉक और मैं लिख देता हूं यहाँ पे एन एस सी एन एस सी में कितने जो भी एन एस सी में ट्रेड होता है वहां हो जाएगा ये देखिए कुछ यहाँ से आपको लिस्ट आ जाएंगे ये जो 200 स्टॉक है ये आपको देखोगे काउंट करोगे अगर ये तो पहले 194 हुआ करता था अब आज कितना होगा वो अब अब काउंटिंग करने का तो इतना फुर्सत नहीं है कितना होगा आठ दस बड़ा होगा ये वही हो सकता है दो सौ होगा पाँच छः बढ़ के तो एक्जैक्टली जो टोटल अगर लिस्ट काउंट किया जाए तो कितना मिल सकता है टू हंड्रेड के अराउंड होंगे आज के रेट पे ये बदलते रहते हर महीने इसमें दो चार स्टॉक जो होते आते रहते एक दो निकलते रहते तो ज़्यादातर में इसमें क्वांटिटी बढ़ते ही जा रहे घटे नहीं है अभी पिछले एक डेढ़ साल में देखोगे ये पहुंच चुका था अप्रॉक्सीमेटली 160 के अराउंड लॉकडाउन के टाइम पे वन सिक्सटी से फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच चुके हैं मोटा मोटा आपका 194 था उससे पिछले से पिछले मंथ तक जब मैंने अपना वर्च लिस्ट अपडेट किया था तो दो महीने में मैंने वर्च लिस्ट अपडेट नहीं किया अभी तो हो सकता है आठ दस और बढ़ गया होगा तो टू हंड्रेड गया होगा तो आज के डेट पर इंडिया में देखा जाए तो स्टॉक कितने हैं इसमें टू के अराउंड इंडेक्स कितने हैं आपको जो ट्रेड होती हैं तीन आपको इंडेक्स ट्रेड होते हैं जो जो आप जिसका वॉल्यूम आपको बहुत ज्यादा जो दिख रहे थे बाकी इंडेक्स में दिखता है लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलेंगे नहीं आपको तो तीन आप मान के चलना निफ्टी सेंसेक्स का वैसे कहते हैं लेकिन सेंसेक्स का मैंने कितने बार ट्रेड करने की कोशिश किया मेरे से ट्रेड नहीं हुई है तो हम कह सकते हैं पेपर पे ही रह चुका है आज के डेट पे सेंसेक्स सेंसेक्स भी नहीं ट्रेड होते हैं तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी नया नया अभी इंट्रोड्यूस हुई है फाइनेंशियल निफ्टी ये आपका तीन जो होते हैं मार्केट में ट्रेड होते हैं करेंसी में चार ट्रेड होते हैं कॉमोडिटी में बहुत सारे हैं और इंटरेस्ट रेट में तो हम बाद में देखेंगे तो देखिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेडेड इन ओटीसी और इन एक्सचेंज ऑलरेडी हमने इस टर्म टर्म्स पे डिस्कशन किया हुआ था फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं ओटीसी का मतलब ओवर दी काउंटर एक्सचेंज का मतलब एनएससी एस एक्सचेंज में जो प्राइस डिसाइड होने की जो मैकेनिज्म है वो है आपका बोली लगाने वाले बिडिंग करने वाले और जो ओटीसी में होता है वन टू वन डील किया जाता है जैसे आप देखोगे इंटरेस्ट रेट के जितने भी डेरिवेटिव है सारे ओटीसी में होता है इंटरेस्ट रेट के जितने भी डेरिवेटिव है तो टू ओटीसी में होगा यानी कि वन टू वन डील होगा अब देखोगे इसमें करेंसी की जो बात करोगे तो करेंसी की जो आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है दोनों जगहों पर होता है एनएससी हो में भी होगा और आपका बैंक में भी होगा वन टू वन डील करने वाले तो ओवर द काउंटर जो हो गया वो वन टू वन डील करने वाले कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सचेंज में बोली लगाया जाता है जैसे मान लीजिए ओवर द काउंटर में इसको अगर इसका प्राइस क्या होगा ये डिसाइड करना हो तो एक एक करके डिसाइड किया जाता है वन टू वन डिसाइड होगा ये ठीक है वन टू वन डिसाइड हो गया ओ में एक्सचेंज में जाओगे तो बेचने वाले भी दस लड़ रहा होगा खरीदने वाले भी दस लड़ रहे होंगे तो ये लड़ाई करके यहाँ पे इसका प्राइस डिसाइड होगा तो एक्सचेंज में और ओ में मेन डिफ्रेंसेज जो है प्राइस डिसाइड करने का तरीका ओ में वन टू वन डील करते हैं इसमें बिडिंग किया जाता है बोली लगाया जाता है जो जीत जाते हैं जो बायर उसको मिलते हैं जो सेलर की तरफ पार्टिसिपेट करते हैं सेलर में जो जीतता है वो सेलर सेल कर पाते वो एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन होता है ये मैंने बोला है देखिए इन ओ प्राइस निगोसिएशन इज मेड प्राइवेटली बिटवीन टू पार्टी जैसे आप बैंक में जाते हो कोई भी चीज करने के लिए कोई भी शर्त लगाने जा रहे हो सारा क्या आप के लिए OTC है सब्जी खरीदने जाते हो OTC है सोच के देखो सब्जी खरीदने गए क्या है आपके लिए ओटीसी लेकिन मान लीजिए एक ही के सब्जी बचा हुआ था चार पांच बायर पहुंच गए और सब लड़ने लगे अरे भैया मेरे को देना तो मेरे को देना एक कहते सौ रुपए किलो एक कहता रहे भाई मैं दस सौ एक सौ दस रुपए किलो देता हूं दूसरा कहते एक सौ बीस रुपए किलो दे रहा हूं अब तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया लड़ाई होने शुरू हो गया बिडिंग हो गई इस तरीके के अगर कोई ट्रेड प्राइस डिसाइड करने का मेकनिजम हो तो वो कहां पे होती है एक्सचेंज में तो यही बोल रहा है कि एक्सचेंज में जो प्राइस निगोसिएशन किया जाता है पब्लिकली वेरियस पार्टीज ये वेरियस लिखा हुआ है पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ इन का जो है वो एक्सचेंज वाले ट्रांजेक्शन है तो बोलोगे अब क्या होता है ओटीसी का और एक्सचेंज का रूल बदलते रहते हैं ओटीसी का एंड एक्सचेंज का रूल जो होता है ना अलग अलग है कॉन्सेप्ट सेम है शर्त लगाने का अगर मैं वन टू वन डील भी करूँ अगर किसी शर्त में तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा मैं मार्केट में जाऊं शर्त लगाने तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा सिर्फ रूल रूल बदल जाते हैं क्योंकि एक्सचेंज का रूल अलग चलता है वन टू वन डील करने का रूल जो है वो अलग चलता है तो अब देखिए कितने टाइप्स के डायरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ये जो हमने बोला है कि डेरिवेटिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट है तो कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे तो देखोगे मेनली है जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है और जो ओटीसी में ट्रेड होता है ठीक है जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो दो टाइप का है एक फ्यूचर और एक ऑप्शन एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दो है कौन कौन सी फ्यूचर एंड एक ऑप्शन लेकिन जो आपका ओ में ट्रेड होता है वो करेंसी के लिए और इंटरेस्ट रेट के लिए खास करके ओवर दी काउंटर वन टू वन डील जो होता है जैसे बैंक में जाके आप शर्त लगा सकते हो वो शर्त आपको या तो करेंसी का लगे या तो इंटरेस्ट रेट का लगेगा करेंसी में जो हम लोग मार्केट में शर्त लगाते हैं बैंक में वो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या करेंसी स्वैप समझ में आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड करेंसी स्वैप जो होता है ये करेंसी का ओटीसी मार्केट में शर्त लगने वाला डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट शर्त लगाया जाता है किस पे करेंसी पे शर्त लगाएंगे फ्यूचर के डेट के लिए क्या चीज का शर्त होगा खरीदने का या बेचने का लेकिन वो शर्त लगाया जाएगा एक से एक बैंक में जाएंगे हम लोग या किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या करेंसी स्वैप हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट की कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करोगे तो उसमें बहुत सारे आते हैं फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इंटरेस्ट रेट स्वैप कैप्स फॉलर सॉरी फ्लोर कॉलर और स्वैप्स इतने जो है इसमें भी इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन भी होता है ठीक है यहाँ नहीं लिखा हुआ है कोई नहीं हम आगे लिखेंगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी हो सकता है आई आर ओ भी लिख सकते हो ठीक है इंटरेस्टरेड फ्यूचर भी होता है लेकिन वो फ्यूचर फिर आपका एक्सचेंज में हो जाएगा हमने लिखा है यहाँ पे इंटरेस्टेड मैनेजमेंट चैप्टर में हम इस बातों पे डिस्कशन करेंगे सारे के सारे जितने भी हम अभी देख रहे हैं इसको इंटरेस्टेड मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे ठीक है एफ का मतलब है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट आई का मतलब है इंटरेस्टरेड स्वैप यह है करेंसी स्वैप यह है इंटरेस्टरेड स्वैप ये सब पढ़ेंगे ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट में अभी जो हम लोग पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो दो ही है वो है फ्यूचर एंड फिर ऑप्शन इसको हम लोग तीन यूनिट में डिवाइड किए हुए हैं हमने क्या किया इसको तीन यूनिट में सेग्रीगेट किया फ्यूचर का एक यूनिट ऑप्शन का एक यूनिट और फिर करेंसी के साथ फ्यूचर और ऑप्शन का एक और यूनिट इनकी तीन यूनिट में हम लोग इसको पढ़ेंगे इसका रीजन यह है कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो लास्ट में जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लग जाता है तो इसलिए हमने यूनिट बदल दिया अच्छा अब नया यूनिट है थोड़ा सा एनर्जी का हो जाएगा आ जाएंगे कि अच्छा क्योंकि होता क्या है अब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जैसे करेंसी का फ्यूचर और करेंसी का ऑप्शन पे पांच छह क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन सबसे हैवी क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते फिर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है तो क्वेश्चन पे थोड़ा कम ध्यान लग, देने लग जाते हैं तो हमने बोल दिया देखो भाई यूनिट थ्री आ गई तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगा जब भी होता है ना नया चैप्टर आते हैं थोड़ा सा एनर्जी क्या हो जाता है ज्यादा वैसे देखिए आज थोड़ा सा एनर्जी आपका क्या लग रहा है ज्यादा है क्योंकि नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो वही चीज होता है इसलिए हम यूनिट बदल रखे हैं तो कितने यूनिट में कवर करेंगे तीन पहले पढ़ेंगे फ्यूचर देन ऑप्शन देन करेंसी ऑप्शन करेंसी फ्यूचर ये रहा यूनिट वन हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके का शर्त है यानी कि हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं ये देखो ये वाले शर्त पढ़ने जा रहे हैं आपको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम जो दिख रहा है आप यहाँ पे देखोगे देखो कितने का वॉल्यूम दिख रहा है कम है ना ओनली सत्ताईस हजार करोड़ का और इसमें फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ का और ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन ज्यादा वैल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होती है यदि ज्यादा क्वांटिटी नहीं बोल सकते ज्यादा वैल्यू का जो ट्रेड होने वाला है वो कौन सी है ऑप्शन उसको हम सेकंड फेज में देखेंगे पहले हम लोग किसको देखने जा रहे हैं फ्यूचर को चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे देखिए फ्यूचर थोड़ा थोड़ा सा पहले भी सुना होगा नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए फ्यूचर का मतलब क्या हुआ बताइए डेरिवेटिव में हमें जो दो चीज़ पढ़ने हैं वो खास करके एक फ्यूचर और एक है ऑप्शन और जब ऑप्शन में पहुँचेंगे तब हम लोग देखेंगे वहाँ पे दो चीज़ हमें पढ़ना है एक कॉल और एक पुट अच्छा चलिए फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना तो नाम इसमें ऐड कर सकते हो क्या बताइए कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है हम खरीदेंगे बेचेंगे अंडरलाइन फ्यूचर डेट पे शर्त लगाएंगे आज बस खत्म हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला जा रहा है बताइए आज शर्त लगा लो कि अंडरलाइन को मैं खरीदूंगा या फिर बेचूंगा कब फ्यूचर डेट पे और जब कमिटमेंट कर लिए अपने आप का नहीं सुनेंगे तो हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और कुछ करना ही नहीं आपको तो ये देखिए हम क्या करने जा रहे हैं देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत आसान इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है बच्चों को मैं तो हैरान हो जाता हूं तो सोचता हूं ना कि डिफिकल्टीज है क्या अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहे हैं तो उसको निफ्टी सेंसेक्स नहीं समझ आता है क्योंकि आगे जहां भी जाओगे सर्त तो इतना ही है अब उसी में क्या होगा निफ्टी सेंसेक्स को बार बार क्या करेंगे उसको यूज करके कभी हेजिंग करवाएगा कभी कुछ करवाएगा कभी आर्बिट्रेज करवाएगा जो भी करे कॉन्ट्रैक्ट तो देखो एक लाइन में टेंथ क्लास का क्या सेवेंथ क्लास के बच्चे को भी समझा दिया जाए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो पांच मिनट में समझ जाएगा भाई आज पेपर पे साइन करो देखो ध्यान से क्या करना है आपको एक शर्त लगाना है क्या शर्त अकेला हो जाएगा दो पार्टी चाहिए दो पार्टी चाहिए मान लीजिए एक पार्टी ए है दूसरा पार्टी बी है दोनों ने मिलकर कुछ शर्त लगाया होगा मैंने पहले ही बोल दिया शर्त किस बात का अंडरलाइन खरीदने का या अंडरलाइन बेचने का लिखा क्या है फ्यूचर के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हो आज कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही लगाओगे ना हम कहते फ्यूचर के डेट पे खरीदेंगे या बेचेंगे अब फ्यूचर बताओ कितना फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर में करेंसी में में तो एक साल का टाइम दे रखा है, बाकी चीजों आपको थ्री मंथ का टाइम मिलेगा आपको, यानी या तो आप बाद, या बाद के लिए शर्त लगा, लगा दो उससे आगे का शर्त आप नहीं लगा सकते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन की बात कुछ और होती याद रखिएगा ऑप्शन को फ्यूचर से मिक्स नहीं करेंगे समझ में आ गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज के डेट पे इंडिया में स्टॉक एंड इंडेक्स के लिए स्टॉक एंड इंडेक्स के लिए मैक्सिमम कितने मंथ का आपका शर्त लगा सकते हो तीन महीने का एक्सचेंज में रूल चलता है कि ये जो शर्त लगेगी लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ का फ्यूचर मंथ वाइज ही होता है लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ मतलब क्या हो गया ये जो वन मंथ एंड बोल रहे हो तो जैसे मान लीजिए अभी हम स्टार्ट करते फेबर में तो लास्ट थर्सडे ऑफ फेबर होगा वो लास्ट थर्सडे ऑफ फेबर होगा एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च होगा और लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल होगा यानी कि इसके आगे का सर्ट अभी नहीं लगा सकते हो जब आपका थर्सडे चला जाएगा फेबर वाले तो उस दिन एक नया शर्त आपको ट्रेड होने लग जाएगा कौन सी डेट के लिए तो मे का लास्ट थर्सडे का मे अगर थर्सडे को एक्सपायरी क्या कहते हैं छुट्टी होते हैं तो एक दिन पहले बर्सडे को एक्सपायर करा देता है एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ भाई आप शर्त लगा रहे हो खरीदने बेचने का तो किसी एक डेट पे खरीदना बेचना होगा ना वो डेट आपको पहले से कंफर्म है लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ मैक्सिमम कितने मंथ तक थ्री मंथ तक चलिए ठीक है मिस्टर ए ने बोला कि देखो भाई मुझे खरीदना है अब स्टॉक खरीद सकते हो इंडेक्स खरीद सकते हो करेंसी खरीद सकते हो कॉमोडिटी खरीद सकते हो हाँ कॉमोडिटी में जाओगे अगर आप का तो एग्जैक्ट टाइम फिक्स मुझे नहीं पता उसमें तो बहुत सारे दिखते हैं करेंसी uh, में एग्जैक्टली वन मंथ आगे तक का मिलेगा तो हम अभी जो बात कर रहे हैं तीन महीने किसके लिए बात कर रहे हैं हम अभी बताइएगा या तो स्टॉक के लिए जो 200 स्टॉक आपके लिस्ट में होगी और एंड दूसरा कौन सी इंडेक्स इंडेक्स में आपको तीन मिलेगा निफ्टी निफ्टी बैंक फिन निफ्टी ओके तो अब देखिए इसमें हम बात करें ए और बी में तो आप देखिए मिस्टर ये कहता है मैं बाई करूंगा तो मिस्टर बी को बोलना पड़ेगा ना मैं सेल करूंगा क्योंकि आप अगर बाई करने का शर्त लगा रहे तो कोई तो आपको बेचेगा तभी तो खरीद सकते हो है ना तो ठीक है मिस्टर बी ने बोला कि मैं सेल करूंगा बोलता है सही है अब ये भी तो फाइनल करो कितने रेट में खरीदोगे और कौन सी डेट पे खरीदोगे रेट भी फाइनल करना पड़ेगा और टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा तो मिस्टर ए ने बोला कि मैं बाई करूंगा क्या बाई करूंगा पहले यह डिसाइड कर लेते हैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इसने बाई बोला इसने सेल बोला और कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाएगा किसी एक अंडरलाइन पे अंडरलाइन क्या है जिसको खरीदने बेचने का शर्त लगाया जाएगा तो हम ले लेते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई एक प्रैक्टिकल ही एग्जाम्पल ले लेते हैं क्यों ना हम ऐसा एग्जाम्पल ले ले जो सबके जुबान पे रहते हैं इंडिया में कौन सी बताओ रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा तो कोई होएगा नहीं जो इसको थोड़ा बुरे नजर से देखता होगा या जिसके जुबान पे ना होगा उसका रीजन भी है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट कैप लेके बैठा है और थोड़ा सा भरोसेमंद है वो भरोसा ना करने लायक नहीं है तो इसका भी अगर आप चेक करने जाओगे कहाँ थे हम लोग प्राइस प्राइस कितना चल रहा है इसका बताइए ट्वेंटी फोर थर्टी एट का ट्वेंटी फोर थर्टी एट का ये क्या चीज का प्राइस है देखो सामने ऊपर देखिए रेट से मार्क किया गया है इक्विटी यानी कि अगर कोई थर्टी सॉरी ट्वेंटी फोर थर्टी एट रुपीज में आज जाए तो खरीदे तो उसको इतना रुपये दे देना है उसके अकाउंट में इक्विटी शेयर आ जाएगा अब जब तक इसका मालिक बनना चाहते हो तब तक होल्ड करते रहो टाइम टू टाइम आप डिविडेंड रिसीव करते रहोगे और अगर कंपनी पैसे कमा के अगर रिटेन कर लेगा तो आपका रिजर्व बढ़ेगा तो उससे आपका मार्केट में वैल्यू भी बढ़ता रहेगा यही होता है अब हम कहते हैं कि देखो मैं अभी नहीं खरीदना चाहता आपके पास दो चॉइस था या तो जाओ मार्केट में अभी खरीदो कल डिलीवरी मिल जाएगा टी प्लस वन पे पहले टी प्लस टू चल रहे थे अब इसका भी डिलीवरी शायद टी प्लस वन पे हो गया होगा एक बार देखना पड़ेगा अब या तो कहीं पे जाकर रूल पढ़ो या ज़्यादा बेटर क्या होता है खरीद लो और चेक कर लो अगर अगले दिन डिलीवरी आ गई तो बस हो गई काम खत्म है ना चलिए तो डीमेट अकाउंट में दिख जाता है आपका तो मैं फिर सेकेंड रिपीट करूँ एक तो इक्विटी सेगमेंट हो गए अब मैं दूसरा क्या कहता हूँ मेरे पास दूसरा चॉइस ये है कि मैं आज नहीं खरीदता मेरे पास आज पैसे नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसकी प्राइस बढ़ने वाला है एक महीने बाद मेरे पास पैसे हो सकता है ध्यान सुनिएगा अभी मेरे जेब में पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास पैसे कब होगा एक महीने बाद और मैं चाहता हूं एक महीने बाद खरीदूं ओके और मुझे लगता है कि एक महीने बाद इसका शेयर प्राइस ज्यादा होगा तो या तो आप वेट कर लो वन मंथ महंगा होगा महंगे पे शेयर खरीद लेना या एक काम कर सकते हो आप क्या पता है आज जाओ और एक महीने बाद खरीदूंगा क्या है के आज शर्त लगा लो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा शेयर कब खरीदोगे एक महीने बाद या आप चाहो दो महीने बाद का भी शर्त लगा सकते हो या चाहो तो तीन महीने बाद का भी शर्त लगा सकते हो लेकिन वीकली नहीं चलते ऑप्शन में चलते वीकली कंफ्यूजन पहले दूर करो फ्यूचर में मंथ month में मंथली एंड होता मंथली एक्सपायरी होती है इसकी लास्ट थर्सडे को ऑप्शन में वीकली चलती है और वो भी इंडेक्स में सिर्फ ठीक है तो अभी वीकली वाले को अभी छोड़ो अभी मंथली चलता है तो आप मुझे बताइए वन मंथ बाद भी परचेज कर सकते हो टू मंथ बाद भी परचेज कर सकते हो थ्री मंथ बाद भी परचेज कर सकते हो है ना आप कब खरीदना चाहते हो पहले ये डिसाइड कर लो तो सोचो कि मेरे पास वन मंथ बाद पैसे आ सकता है शायद तो हमने बोला चलो वन मंथ बाद खरीद लेंगे लेकिन वन मंथ का मतलब यहां क्या होगा वन मंथ का मतलब आज से आप थर्टी डेज नहीं काउंट कर सकते टाइम फिक्स है जैसे मान लीजिए मैच अगर होने वाला है तो मैच का टाइम पहले से फिक्स होता है आपके हिसाब से मैच का टाइम नहीं बदल जाएगा वहां पे बात समझ में आ गया तो यहां पे जो डेट है ना मैच परफॉर्म होने का डेट फिक्स है कौन सी डेट है लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ हर महीने का मैक्सिमम कितने महीने तक जाता है तीन महीने तो ऐसे समझ जाओ मैच खेले जाएंगे तीन महीने आगे तक का मैच का डेट आपके पास है यार अब चौथे महीने के मैच कब खेला जाएगा उसका डेट चाहिए तो पहले ये वाले एक, एक एक्सपायर होने दो मैक्सिमम तीन मंथ ही आपका ट्रेड होगा तो अब मैं कह रहा हूं कि आपके ने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है एक महीने बाद खरीदूंगा तो एक महीने का मतलब हमेशा थर्टी डेज नहीं होगा याद रख लेना आप आज कहाँ हो आप अगर फेबर में हो तो फेबररी के एंड में ही वो एक मंथ कहलाएगा मान लीजिए लास्ट थर्सडे बनता है फरवरी का फरवरी का लास्ट थर्सडे बनता है आपका कुछ फरवरी का लास्ट थर्सडे बनता है आपका 23 ऑफ फरवरी है ना और कोई आज 18 फरवरी पे हम खड़े हैं 18 फरवरी पे हम आज स्टैंड करते हैं और ये जो 23 फरवरी को खरीदने का जो अधिकार लिया जाएगा या अधिकार गलत मैंने वर्ड यूज किया खरीदने का जो शर्त लगाएंगे उस शर्त को भी वन मंथ ही शर्त बोला जाता है मार्केट के लैंग्वेज है पहले समझ जाओ अब ये मत बोलना कि सर ये तो वन वीक का शर्त है हमें तो एक महीने वन वीक बाद खरीदना है मार्केट के टर्म में उसको वन मंथ ही बोला जाता है बात समझ में आ गया मंथ अगर कहीं पे कोई बोला जाए कि वन मंथ का फ्यूचर में लेने जा रहा हूं इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक महीने अभी जो करेंट मंथ के एंड होगा उसके लास्ट थर्सडे को मैं अंडरलाइन खरीदूंगा इस बात का मैं शर्त लगा रहा हूं बात समझ में आ गई ठीक है तो क्या ये सात दिन बाद कर ले या फिर एक महीने टाइम काउंट करके डेढ़ महीने बाद ले ले डेढ़ महीने मतलब वन मंथ सेवन वन मंथ वन वीक वन मंथ वन वीक बाद का हम लोग शर्त लगाते हैं ठीक है तो क्या मैं इसको दो मंथ बोलना पड़ेगा फिर मुझे मार्केट के लैंग्वेज में उसको डेढ़ एक महीने वन वीक नहीं बोलते मार्केट के लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे हम लोग वो दो महीने ही होगा मार्च के एंड को दो महीने ही बोलेंगे हम अभी कहाँ भी स्टैंड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो चलिए एक काम करते दो महीने बाद यहां पे बाई करेंगे या सेल करेंगे उस बात का शर्त हम आज लगाते सही है तो क्या कहते बताइए बाई करेंगे सेल करेंगे अब एक और भी चीज है मार्केट के रूल ये है कि एक क्वांटिटी खरीदने बेचने का कोई शर्त नहीं लगा सकते तो हमारे लिए अंडरलाइन क्या हो गया इसमें बताना थोड़ा पहले फटाफट फ़ड़? हम जो शर्त लगाने जा रहे हैं उसमें हमने अंडरलाइन क्या सिलेक्ट किया अंडरलाइन जो हमने सेलेक्ट किया स्टॉक लेकिन स्टॉक में भी कौन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज सीधा रिलायंस बोलते है कोई तो सब समझ आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज सही है क्योंकि रिलायंस तो बहुत सारे है तो रिलायंस में कौन सी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अब देखिए इसमें तो हमने अंडरलाइन ले लिया रिलायंस का एक्सचेंज ने अब ये कहां ट्रेड हो रहा है बताइएगा एक्सचेंज में तो इसका प्राइस जो डिसाइड हो बोली लगा के क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो वन टू वन डील तो होगा नहीं ध्यान से देखिएगा डील हो रहा है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में लेकिन ना मिस्टर ए को बी को जानता है ना बी ए को जानता है क्योंकि एक्सचेंज के अंदर कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को नहीं जानता है क्योंकि वहां ट्रेडिंग जो होता है बोली लगा के अब कैसे ट्रेडिंग होता है वो सब ऑलरेडी आपको थोड़ा सा फील कर पा रहे होंगे कैसे लड़ते रहते थे किस तरीके से बायर और सेलर की बोली फ्लक्चुएट हो रहा था अब वो सब फील नहीं कर पाओगे अभी तो आप बोलोगे कि ट्रेड करके जब ट्रेड करेंगे तो वहां पे अब ये थोड़ा ना बताने जाएंगे कि प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है वहां तो सीधा क्या करेंगे एल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे अब उतना ज्यादा जो डिटेल हमने स्टॉक एक्सचेंज में बताया था वो यहाँ पे नहीं बता सकते अब कोई बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज तो हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं था ट्रेड करने का तो डेरिवेटिव में हवन करेंगे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने फील नहीं किया इसको प्रैक्टिकली किसको डेरिवेटिव को अगर प्रैक्टिकली फील नहीं किया तो आपका भी हालत वही होने वाला है जो कुछ स्टूडेंट का होता है डेरिवेटिव मतलब ये तो हमारे बस की बात नहीं है वो इसी के लिए होता है जिसका इंटरेस्ट किस पे नहीं है मार्केट पे तो दिखाऊंगा नहीं, नहीं बता रहे चलिए हमने अंडरलाइन ले लिया एक्सचेंज ने क्या रूल बना रखा है कि देखो डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर कोई आएगा तो एक क्वांटिटी खरीदने बेचने का शर्त नहीं लगाएगा जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मुझे आज से दो महीने बाद एक शेयर खरीदना है रिलायंस का मैं शर्त लगाने जाता हूं एक्सचेंज कहते हैं इतने छोटे लोगों के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट नहीं है आपको क्वांटिटी बंडल में लेने पड़ेंगे मैं कहता तो हूं कितना बंडल में जी एक सौ डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ क्वांटिटी के हिसाब मतलब प्राइस के हिसाब से तो आपको बता दू इतना क्वांटिटी होगा मोटा मोटा आज से कुछ दिन पहले डिसाइड किया गया था छह लाख के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे यानी कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर उठाओगे तो वैसे चार से दस के बीच में मिल जाएगा लेकिन मोटा मोटा छे अज्यूम करके चलो कितने के अराउंड अब जैसे होता क्या है आज एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे क्वांटिटी डिसाइड कर दिया गया जब शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा क्वांटिटी तो फिक्स है बंडल तो ठीक फिक्स कर दिया और बाद में जाके वैल्यू बड़ा हो जाएगा कोई शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा लेकिन जब डिसाइड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कुछ दिन पहले तो वहां पर डिसाइड किया गया था मोटा मोटा सिक्स लाख ,00 के अराउंड क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो डिसाइड कर नहीं सकता ना क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा नंबर समझ में आ रहे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं यानी कि डेरिवेटिव सेगमेंट में जब कोई शर्त लगाने जाता है खरीदने बेचने का तो मार्केट में बोला गया कि देखो भाई ये क्या चलेगा क्वांटिटी में डील होगा उसके बंडल में डील होंगे हम कहते हैं अच्छा बताना भाई रिलायंस के कितने बंडल बना के रखे हो तो कहते पहले तो आप यहाँ डेरिवेटिव पे क्लिक कर लो मैंने क्लिक कर लिया डेरिवेटिव पे अब यहां पे कहते कि बताओ डेरिवेटिव में कौन सी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला कि देखो जी स्टॉक का फ्यूचर होता है ना ये ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी वाले होगा आपका स्टॉक फ्यूचर कहते एक्सपायरी डेट बता दो मैं बार बार कह रहा हूँ ना तीन ही डेट मिलेगी आपको देखो तीन डेट कौन सी मिल रहा है ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेबररी ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेबररी देखो ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेबर बनना है लास्ट थर्सडे आप चलिए मार्च में मार्च में कौन सी डेट होना चाहिए बताइएगा मार्च में होना चाहिए लास्ट थर्सडे दे देखो ट्वेंटी सॉरी थर्टियथ थर्टियथ होना चाहिए लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ है राम नवमी ठीक है तो शायद ये हॉलीडे होगी इसीलिए उससे एक दिन पहले कौन सी डेट बन जाएगा आपका ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च तो शायद यहाँ पे देखो ट्वेंटी नाइन ऑफ मार्च इसलिए दिख रहा है ये क्योंकि आ, जो आपका थर्टीथ मार्च बन रहा है रामनवमी की वजह से वो छुट्टी है मार्केट में हॉलीडे हो होंगे तो एक दिन पहले ही मैच खेला जाएगा ऐसे समझ जाओ मैच खेलने का डेट है ये और एक कौन सी मिल रहा है आपको ट्वेंटी सेवंथ ऑफ अप्रैल तो अगर मैं अप्रैल में जाऊं तो ये देखो अप्रैल का लास्ट थर्सडे कौन सी बन रहा है आपका ट्वेंटी सेवन मैक्सिमम तीन ही मंथ मिल रहा है ना कितना मंथ दिख रहा है आपको देखो एक्सपायरी डेट मैक्सिमम कितना मिल रहा है हमारे को तीन हम अभी कौन सी डिसाइड करे थे मिड वाले दो मंथ बाद वाले तो हमने ट्वेंटी नाइन्थ मार्च का डेट सेलेक्ट कर लिए अब कहते हैं यहाँ पे क्लियर करके मुझे बता दो क्या हुआ ये क्या हो गया क्लियर ही हो गए ये पहले आपसे ही वो कॉन्टेक्ट करके दे दिया होगा ठीक है कोई बात नहीं मैंने ले लिया मार्च तो ठीक है अब ये कहता है कि देखो ये रहा स्टॉक फ्यूचर जिसका एक्सपायरी है ट्वेंटी ऑफ मार्च के लिए इसका ओपनिंग हुई थी ट्वेंटी में पूरे डे में हाई गया इतने पे लो गया इतने पे क्लोज हुआ इतना पे और लास्ट ट्रेडेड प्राइस था कितने का टू फोर फाइव फोर का थोड़ा सा आप लोगों को ये फील हो रहा होगा अभी उसका तो प्राइस कुछ और दिख रहा था हमें किसका बताइएगा इक्विटी का कितना था अगर इंटरेस्ट होंगे तो आपको याद हो गया होगा प्राइस नहीं इंटरेस्ट था तो आप याद करो अब यहाँ पे मिलेगा ये रहा मैंने इस पे प्लस पे साइन पे क्लिक किया तो मुझे नीचे दिख जाएगा टेंशन मत लीजिए रहा ये देखो इस तरीके से प्राइस डिसाइड होती है इसमें बोली लगा के ठीक है यहां आ जाइए देखिए बंडल बोला गया है कितने की बंडल चल रहा है मार्केट लॉट कितने का दिख रहा है आपको टू फिफ्टी का दिख रहा है कुछ मार्केट लॉट कितना का है टू फिफ्टी का मतलब क्या हो गया कि आज अगर कोई रिलायंस का शेयर खरीदने बेचने का शर्त लगाएगा तो एक बार में उसको कितने क्वांटिटी में शर्त लगाने पड़ेंगे 250 क्वांटिटी में तो 250 क्वांटिटी और प्राइस कितना चल रहा है मोटा मोटा एलटीपी देखा आपने यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस लास्ट ट्रेडर प्राइस है टू फोर फाइव फोर तो टू फोर फाइव फोर मल्टीप्लाई बाई टू फिफ्टी मोटा मोटा मैंने बोला था ना छ लाख के अराउंड आप अगर सोच के चलोगे तो चल जाएगा लेकिन कुछ शेयर प्राइस सस्ता हो गया होगा तो चार का वैल्यू पे भी मिल रहा होगा और कुछ शेयर प्राइस महंगा हो गया होगा तो दस लाख का भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा लेकिन मोटा मोटा छह लाख के अराउंड आपको सब मिलेगा छह लाख से थोड़ा कम छह लाख से थोड़ा सा ज्यादा तो सिक्स लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड यानी कि एक बार में किसी को शर्त लगाना है खरीदने बेचने का तो कितने का छह लाख का तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है ये शर्त आप मार्केट में फील कर पाओगे खुद के पैसे लगा के अभी तो नहीं क्वालिफाई करने के बाद सोच लेंगे वो भी इसमें हाथ लगाने से पहले पहले जल के पक चुका होना चाहिए मतलब क्या हुआ मार्केट में हाथ जला के पक चुके हो फिर उसके बाद आपका घाव ठीक भी हो चुका हो तभी इसमें हाथ जलाना क्योंकि यहां जलने के बाद फिर बचोगे नहीं हाँ जी बताओ हाँ तो मैं आपको दिखाऊंगा हाँ हाँ मैं तो क्या फिर से बोलो दाए 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 तो, तो मैं तो करके भी तो दिखाऊंगा ना तो मैं इसी सेगमेंट में करता ही हूं हाँ तो मैं तो पहले जल के पक चुका हूं ना तो अब मुझे डर नहीं लगता ना क्योंकि मैं ऐसे सीधा भाग के नहीं जाता कुछ करने के लिए पहले सोचता था, समझता था, दिखता है तो एंट्री ले लेता हूँ अदरवाइज कोई बात नहीं तू अपना काम कर मैं अपना काम करता हूँ ठीक है दिखाऊंगा टेंशन मत लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी जाके फील नहीं कर पाओगे इसमें खुद ट्रेड करके क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जाता है सीधा आपका सिक्स लाख ,00 का चलिए तो कोई बात नहीं पहले सर तो लगा ले कितने का सर तो लगाएंगे बताइए अंडरलाइन रिलायंस हो गए क्वांटिटी कितना हो जाएगा बताइए क्यूटी वाई कर देता हूं आपको ढाई से टू फिफ्टी क्वान्टिटी खरीदने का याद रखना मिस्टर ए कह रहा है कि मैं बाई करूंगा रिलायंस का टू फिफ्टी क्वान्टिटी मिस्टर बी कहता है मैं सेल करूंगा रिलायंस शेयर का किस डेट के लिए हमने एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर लिया हमने एक्सपायरी क्या रखा बताइए हमने एक्सपायरी रखा मार्च एंड सीधा बोलेंगे मार्च एंड ओके मार्च एंड का हमने एक्सपायरी रखा वैसे देखा जाए तो आप डेट ले सकते हो कौन सी था ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च चलो याद रख लेते हैं यानी कि ट्वेंटी नाइन्थ मार्च को आपको यह शर्त कंप्लीट करना पड़ेगा ओके अब रहा सवाल कि कितने में खरीदे कितने में बेचे ए बी को जानता है नहीं बी ए को जानता है नहीं एक्सचेंज में नहीं जानता है लेकिन अगर ये ओ में होता तो जानता याद रखना आप ओवर दी काउंटर होता अगर वन टू वन डील करोगे तो आप एक पार्टी को दूसरे पार्टी एक पार्टी दूसरे पार्टी को जानता है लेकिन एक सेंस के अंदर कभी भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को नहीं जानता है क्योंकि वहां पे एक सेकंड किसी ने कुछ पूछा था सर फेबर में ट्वेंटी थ्री क्या है ट्वेंटी फोर्थ होना चाहिए ट्वेंटी फोर्थ होना चाहिए इट्स फ्राइडे सर एज पर यू यू शुड इन्वेस्ट दिस ह्यूज अमाउंट इन मल्टीपल शेयर रदर देन वन देन बाई वी शुड इन्वेस्ट शो बल्क इन वन शेयर ओनली तो अब इनका कहना है कि मैंने तो बोला था कि छोटे छोटे क्वांटिटी किस में लगाना चाहिए बहुत सारे में तो इतना बड़ा क्वांटिटी के एक में लगाना चाहिए तो ये बड़ा आपका ये जो है ना छः लाख ये आपका मान लीजिए किसी को सौ लाख लगाना है हंड्रेड लाख किसी को लगाना है तो क्या करेंगे बताइए छे छह लाख तो आपका एक दो कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए ना फिर तो इस तरीके से मान लीजिए किसी को सिक्सटी लाख लगाना है तो सिक्स लाख सिक्स लाख करके कितने में लगा लो आप दस में तो आपका पोर्टफोलियो बन गया अब वालों के नहीं हम तो एक ही लाख लगाना है तो ये आपके लिए सेगमेंट थोड़ा ना है फिर आपके लिए कौन सी सेगमेंट है इक्विटी फिर इक्विटी में खरीदो और फिर जाओ आप अपना होल्ड करो आप हम तो कह रहे हैं कि देखो आज खरीदना है तो एक क्वांटिटी खरीद लो एक महीने बाद खरीदने का शर्त लगाना है तो टू के नीचे की बात नहीं होगी तो फिर आप इसका मतलब ये हो गए कि आप छोटे क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो तो आज खरीदो एक दिन के बाद डिलीवरी लो आप कहते हो नहीं मैं एक महीने बाद खरीदना चाहता हूं दस शेयर तो एक महीने इंतजार करो जब एक महीना बीत जाएगा तो दस शेयर का शेयर खरीद लेना और फिर आपने में ले लेना चाहे जो भी प्राइस हो आप उस प्राइस को आज लॉक नहीं कर सकते अगर आज अगर किसी को प्राइस को लॉक करना है तो क्या होगा पूरे दो, दो सौ पचास क्वांटिटी का प्राइस लॉक करना पड़ेगा आपको बहुत अच्छा किसी ने पूछा था कि फिर ये फेबर में फिर ये क्या है ट्वेंटी फोर्थ नहीं हमारे थर्सडे देखना है हमने बोला लास्ट थर्सडे तो ट्वेंटी थ्री होगा ट्वेंटी फोर नहीं वो फ्राइडे है चलिए वापस आइए हाँ जी तो हो गई अब इन दोनों ने मिलकर क्या होगा देखो अब यहां पे ये शर्त लगाने वाले बहुत सारे लोग होंगे ये शर्त नहीं ये वाले जो शर्त है इसको लगाने के लिए अब सिर्फ मिस्टर ए मिस्टर बी नहीं होंगे यहां पे आएंगे अब लड़ाई करने सब सेलर भी बहुत सारे होंगे अच्छा अब मैं ना इस डेट पे बेचने के लिए तैयार हूं लाखों लोग आ गए लाइन में लगने कि मैं बेचने को तैयार हूं इतने रुपये पे लाखों लोग आ गए खरीदने के लाइन में लग गए लेकिन सब कह रहे कि आज नहीं खरीद रहे आज तो बस क्या कर रहे हो लोग रेट तय कर रहे रेट कंफर्म फिक्स कर रहे कि इस डेट पे कितने पे खरीदा जाएगा बेचा जाएगा तो उस तरीके से यहाँ पे ये देखो लड़ाई करके लोग प्राइस डिसाइड किए देख लो एक बार स्क्रीन आपको समझ आ जाएगा स्क्रीन मैंने कितने बार दिखा चुका हूं ये सेलर का नंबर है इधर वाले राइट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले कौन है बताइए बायर नंबर में लगे हुए हैं अब इसमें जाके प्राइस देखोगे तो सबका अलग अलग दिखेगा लेकिन देखिएगा मल्टीपल ऑफ 250 फिफ्टी दिखेगा इसमें क्वांटिटी और कुछ नहीं दिखेगा आपको देखो यहाँ पे कह रहे 250 में ये कह रहे 750 मतलब इतने कितने क्वांटिटी कितने ऑर्डर है इसके अंदर तीन यहाँ पे कितने हैं आपके चार क्योंकि दाइशो, दाइशो का चार खरीदने की तरफ सबसे महंगा खरीदने वाले का टॉप नंबर होगा जबकि टोटल क्वांटिटी ऐड करोगे तो देखो यहां पे इतना नहीं है टोटल क्वांटिटी तो हमें कम दिख रहा है लेकिन आपको स्क्रीन पे टॉप फाइव दिखती है ना मार्केट डेफ फाइव दिखती है यानी कि सब कुछ सारा सिस्टम वैसे हो गया जैसे में चल रहा था सब कुछ सेम है कुछ भी डिफरेंट नहीं है बहुत सारे उसका नंबर बाद में कब आएगा बाद में तुम बैठे रहो नंबर आएगा तो बिक जाएगा नहीं नंबर आएगा तो तुम बैठे रहो अपना कैंसिल हो जाएगा ओके तो यहां पे देखा जाए तो ये टोटल सेल क्वांटिटी है टोटल बाई क्वांटिटी है तो यहां निगोशिएट किया गया बोली लगा के और यहां पे प्राइस डिसाइड हो गए कुछ डिसाइड कर लो कितना प्राइस डिसाइड हो गए ये देखो जो लास्ट में जो प्राइस डिसाइड हो रखा है वो कितना ट्वेंटी फोर फिफ्टी फोर है राउंडिंग अप करो क्या चलो फिफ्टी फाइव कर देते हैं ठीक है ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव याद रखना कितने पे प्राइस डिसाइड हुई बताइए प्राइस जो डिसाइड हुई प्राइस जो निगोसिएट किया, किया गया प्राइस जो निगोशिएट किया गया वो कितना ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव कर देता हूं ठीक है मोटा मोटा फिफ्ट टू फोर फाइव फाइव टू फोर फाइव टू -फोर फाइव पे लड़के डिसाइड किया अब एक चीज यहां ध्यान से देखिएगा भाई आज मैं अगर खरीदता तो मुझे तो सस्ता मिल रहा था जी नहीं मिल रहा था कहा देखो सेटलमेंट प्राइस इंप्लाइड कहां है अंडरलाइन भाई अंडरलाइन दिख जा कहीं पे अंडरलाइन दिख जा कहीं पे ये रहा अंडरलाइन ये रहा देखो अंडरलाइन वैल्यू कितना है टू फोर थ्री एट क्या है अंडरलाइन का वैल्यू अंडरलाइन क्या है इक्विटी शेयर हम अभी क्या कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट था किसका इक्विटी खरीदने का जो इक्विटी आज कितने का चल रहा है टू फोर थ्री एट तो आप मुझे बताइए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गए इक्विटी से इक्विटी का प्राइस चल रहा है टू फोर थ्री एट और आपके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो आप कह रहे हो कि दो महीने बाद जो कि प्रिसाइजली महीने नहीं है मंथ वीक है क्योंकि तो हम हम आज को करते हैं और हम मार्च के एंड का मार्च एंड यानी कि लास्ट थर्सडे को हमने सिलेक्शन किया है तो काउंटिंग किया जाए डेज के बेसिस पे तो मोटा मोटा फोर्टी फाइव डेज का राउंड बनेगा आपका फोर्टी फाइव डेज भी नहीं बनेगा चालीस दिन बनेगा तो फोर्टी डेज बाद खरीदने की मैं बात फोर्टी डेज होगा ना देख लो फटाफट देख लो काउंट ही कर लो कोई बात नहीं अभी तो हमारा लंबा चलेगा ना तो काउंट कर लेते ना ट्वेंटी नाइन्थ मार्च तो पूरे उनतीस दिन ये हो गए ठीक है ट्वेंटी नाइन ये हो गए और आज हम कहाँ स्टार्ट करते हैं एटीन पे तो मोटा मोटा इसमें कितना बचा है दस दिन ये बनाए तो उनतीस प्लस दस वो तो ठीक ही तो बोला था चालीस दिन फोर्टी डेज का कॉन्ट्रैक्ट है ये यानी कि हम कह रहे फोर्टी डेज बाद खरीदूंगा तो मैं कितने में शर्त लगा रहा हूँ ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव पे और जो आज मार्केट में खरीदने जा रहा है तो उसको मिल रहा है ट्वेंटी फोर थर्टी एट पे अब किसी को नहीं पता ट्वेंटी फोर थर्टी एट तो ये लो इक्विटी पे क्लिक कर देता हूं मैं यहाँ इक्विटी पे क्लिक कर दिया उसके बाद देखो सामने प्राइस आ गए ट्वेंटी फोर थर्टी एट बड़ा सा प्राइस दिख रहा है आपको तो ये जो ट्वेंटी फोर थर्टी एट तो कुछ लोग बोलेंगे फिर फायदा कहाँ हुआ भाई फोर्टी डेज बाद में खरीदूंगा तो महंगा भी तो मिल रहा है कितना महंगा मिल रहा है बताओ ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर थर्टी एट का सेवेंटीन रुपीज महंगा है तो भाई चालीस दिन बाद खरीदूंगा तो सत्रह रुपये महंगा भी तो मिल रहा है तो कहते आपको पैसे नहीं देना भी तो आज नहीं पड़ रहा है आप सोचो आज अगर खरीदने जाते तो आज पैसे देते इसमें कब खरीदोगे आज से फोर्टी डेज बाद तो आप जो आज जो आपके पास पैसे हैं जाओ मार्केट में इसको इन्वेस्ट कर लो आज आपको खरीदना था कितना में खरीदते बताओ ट्वेंटी फोर थर्टी एट में चलो मान लो आज आप नहीं खरीद रहे हो तो जाओ इस पैसे को जाके बैंक में डिपॉजिट कर लो ठीक है तो ये रहा ट्वेंटी फोर थर्टी एट मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कहते देखो सिक्स सेवन परसेंट का तो रिटर्न मिल ही जाता आपको कितना मिलता आज बैंक में डिपॉजिट करूँ तो छः चल रहा होगा छः परसेंट का फिक्स डिपॉजिट चल रहा होगा ठीक है तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई वे छः परसेंट ये कितने दिन का होता एक साल का इतना इंटरेस्ट मिलता मैंने कर दिया डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव वन डे का हो गया मल्टीप्लाई वे फोर्टी डेज कहते हैं देखो सिक्सटीन रुपीज़ का तो मुझे इंटरेस्ट भी मिल जाता आज अगर नहीं खरीद रहे हो तो आपको इतने फोर्टी डेज में आप कितने रुपए का इंटरेस्ट कमा लेते सिक्सटीन रुपीज का 6 पर के बेसिस पे तो आप सिक्सटीन रुपीज कमाते तो आज मैंने जाके बैंक में जमा कर दिया टू फोर थ्री एट और मैं जब एक मई फोर्टी डेज के बाद उसमें से उड्रॉ करता तो मेरे पास अमाउंट कितना मिलता सिक्सटीन अब कुछ लोग बोलते हैं सर फिक्स डिपॉजिट अगर मैं फोर्टी डेज का करूंगा तो इतना इंटरेस्ट थोड़ा ना मिलेगा अरे नहीं मिलेगा तो जाओ ना लिक्विड फंड में लगा लो म्यूचुअल फंड तो पढ़ के बैठे हो ना यहाँ पे लिक्विड फंड भी आपको पाँच से छः परसेंट दे देता है लिक्विड फंड क्या कहता है बताओ जब मर्जी आप एग्जिट कर जाओ फिक्स डिपॉजिट आपको जब मर्जी एंट्री नहीं एग्जिट नहीं करने देता है लेकिन आप अगर मार्केट में चले जाओ म्यूचुअल फंड को पैसे दे दो उनको बोलो तू मनी मार्केट में लगा दे मेरे लिए ठीक है मैं फोर्टी डेज के बाद विड्रा कर लूंगा लिक्विड फंड आपको अलाउ करता है उसमें भी आपको छः परसेंट कराउन का रिटर्न दिख रहा था पाँच छः परसेंट तो आपको मुझे बताइए सोलह रुपये मिल कि नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा तो आप मुझे बताइए आपके जेब में कितने पैसे रहेंगे टू फोर थ्री एट प्लस सिक्सटीन रुपीज हो तो गए टू फोर फाइव फोर आपको कितने में दे रहा है बताइए टू फोर फाइव फाइव में ना वो आपसे ज्यादा ले रहा है ना वो आपसे कम ले रहा है अब अच्छा इस तरीके से फ्यूचर प्राइस डिसाइड होता है हाँ कोई आप एक चीज बताओ जो सामान आज चल रहा है कितने का ये देखो अंडरलाइन का प्राइस लिखता हूं मैं आपको अंडरलाइन का प्राइस अंडरलाइन प्राइस कर दो यूपी कर दो चलेगा अंडरलाइन प्राइस ठीक है कितने चल रहा था टू फोर थ्री एट का आप बोलोगे सेवनटीन रुपीज़ ज़्यादा ले रहा है मुझे सेवनटीन रुपीज़ ज़्यादा जो ले रहे हैं ना वो फेयर रेट टाइम वैल्यू ले रहा है आपसे और कुछ नहीं ले रहा है इसका मतलब अगर मैं और ज़्यादा दिन के लिए जाता इस रेट के लिए जाता तो क्या और महंगा लेता क्या हाँ और महंगा लेता क्योंकि आप मुझे बताइए अप्रैल एंड में जाओगे तो तीस दिन और बढ़ जाएगा अभी कितने दिन चल रहा है हमारे लिए फोर्टी डेज तो टोटल तो 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 कितना दिन बन जाएगा बताओ ये हमारे लिए अगर फोर्टी डेज बाद का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कितने दिन बाद का बनेगा सेवेंटी डेज बाद का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सत्तर दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें तो देखो आज कितने का मार्केट में चल रहा है टू फोर थ्री एट टू फोर थ्री एट मल्टीप्लाई बाई का हो गया डिवाइडेड बाई सेवेंटी आ रहा है कह रहे कि देखो मोटा मोटा ट्वेंटी एट रुपीज एक्स्ट्रा होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया पता है अगर वो जो प्राइस है यहां वाले के लिए अगर कोई देखे तो टू फोर थ्री एट से आपको अट्ठाईस रुपए के अराउंड ज्यादा होना चाहिए टू फोर थ्री एट प्लस टू एट यह बन रहा है आपका कितना बताइएगा टू फोर सिक्स सिक्स हम जाके मार्केट में कहते हैं अच्छा जी चलो ठीक है एक काम करना डेरिवेटिव पे मैंने क्लिक कर लिया फिर उसके बाद मैं गया इसमें स्टॉक फ्यूचर पे एक्सपायरी ले लिया मैंने सत्ताइस अप्रैल का कहता है देखो आपको लास्ट प्राइस चल रहा है आपको टू फोर सेवन टू का कितने का चल रहा है देखो लास्ट ट्रेडेड प्राइस टू फोर सेवन टू का जबकि हमने कितना सोचा था टू फोर सिक्स सिक्स थोड़ा महंगा ही है कितना महंगा है बताओ छह रुपया और महंगा ही है तो चलते रहते इतने महंगे में पांच छह रुपया को भी पता भी नहीं चलता है और जबकि प्रीवियस क्लोज था ना प्रीवियस क्लोज ने आज का जो क्लोज हुआ है वो सेवेंटी वन पे चलेगा कोई दिक्कत नहीं वो दो चार पांच रुपए का यही तो मिस प्राइसिंग है जिसको हम आगे आर्बिट्रेज में यूज करेंगे यही जो मिसप्राइसिंग थोड़ा बहुत दिख रहा है ना इसको हम आर्बिट्रेज में यूज करेंगे तो होप आपको थोड़ा बहुत फील आया प्राइस को लेके प्राइस को लेके फील आई नहीं आई तो भगवान भला करे तो शर्त लगी अभी अभी तक तो शर्त ही लगाए देखो हम लोग फोर्टी फाइव मिनट हो गए अभी तक शर्त भी नहीं लगाया हम लोगों ने बताओ तरे तरे दो दो। अब आओ ना वो वही सब तो देखना है अभी पिछले पांच छह दिन बैठ के क्या करेंगे वही तो देखना है कि अब अंडरलाइन की प्राइस गिरेगा तो क्या होगा तो आपको बताओ ये क्या है डिराइव किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू ये देखो ये इक्विटी शेयर का प्राइस नहीं पहले याद रखना पहले समझ जाओ दिमाग में सेट कर लो ये शेयर प्राइस नहीं है ये शेयर प्राइस नहीं है ये क्या चीज का प्राइस है ये शर्त का प्राइस है शर्त का प्राइस है तो शर्त का प्राइस जो है ये शर्त का प्राइस कहां से डिराइव हुई है अंडरलाइन अंडरलाइन के के प्राइस के प्राइस से से जैसे जैसे अगर कल अगर कल सोचना आप यही सब तो चीज तो जानना है इसलिए तो मैं कहता हूं क्या हो? बहुत आसान है अगर इसको प्रैक्टिकली फील करके पढ़े तो रट्टा लगा के पढ़े तो पता ही नहीं क्या होने वाला है आपका आप सोचिए ना कैसे अगर मान लीजिए कल अनहोनी हो जाता है कुछ रिलायंस के साथ भी और इसका प्राइस आ गया दो हजार पे तो कल जो लोग शर्त लगा रहे होंगे उसी फोर्टी डेज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या लगता है वो ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव में खरीदने का शर्त लगा रहा होगा बेवकूफ है वो वो मार्केट में जाएगा कितने का मिलेगा उसको रिलायंस दो हजार पे तो बोलेगा अच्छा आज से मैं फोर्टी डेज के बाद में खरीदूंगा टू फोर फाइव फाइव पे सोच के देखना कितने पे खरीदने का सोच रहा होगा बोला बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो मान लीजिए चलो एक काम करता हूँ ये कौन सी रेट की बात है ये ये आज की बात था बट वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ठीक है यही सब तुम्हें तो आगे पढ़ना है नहीं करते इतना स्टार्टिंग में इतना हैवी नहीं करते अभी ठीक है वैसे बहुत सारे लोगों को समझ आ गया समझ आ गया तो समझ आओ बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके पास आपको समझ आ गई कि क्या मैं कहने जा रहा हूं और इतना अगर समझ लिया तो समझ आओ फिफ्टी परसेंट तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गई किसकी फ्यूचर की फ्यूचर के डेरिवेटिव के नहीं फ्यूचर की 50 परसेंट आपका सिलेबस में इतना ही करना है कि कल इसकी प्राइस बदलेगी किसकी अंडरलाइन की तो कल आपको ये पता अगर चल गया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना बदलेगा तो आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लॉस गेन ही निकालना मोर देन फिफ्टी परसेंट सिलेबस में इतना ही है कि आज मैंने इतने में शर्त लगा लिया कर लेंस गिल गया दो पे बताओ कितने का कमाया है गवाया आठ मार्क्स ले लो कुछ नहीं इसके अलावा ठीक है तो अब हमें पढ़ना क्या है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन भाई मान लीजिए अब चालीस दिन की शर्त लगा के तो हम बैठे हुए हैं कल गिर गया दो हज़ार पे ये मिस्टर ये क्या कहता है मैं इतना बेवकूफ़ हो गया मैं भी चलाक हूँ मुझे ख़रीदना पड़ रहा कितने में बताओ टू फोर फाइव फाइव में अब कल रिलायंस कितने का हो चुका है दो हज़ार का जहाँ नहीं खरीदता जो करना ही कर ले जो करना ही कर ले तो एक्सचेंज कहते ऐसे तो मैं छोड़ दूंगा क्या पकड़ के रखेगा उसको पहले से ही क्यों भाग ना पाए वो तो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन वही मार्जिन आएगा फिर मार्जिन का रूल पड़ेंगे मार्जिन कैसे एडजस्टमेंट होंगे लॉस गेन कैसे एडजस्टमेंट होंगे अगर मान लीजिए किसी का मूड बदल जाता है कल जाके आज तो आपने शर्त लगाया क्या करूंगा खरीद रहा हूं अब कल आपका मूड बदल जाता है अरे भाई पैसे आने वाले तो थे मेरे पास छह लाख रुपए अब नहीं आने वाला है अब तो मैं क्या करूंगा नहीं खरीदूंगा तो मूड बदलेगा तो कैसे करेंगे शर्त के साथ यही सब छोटे छोटी, -छोटी बातें जो है क्या करना है हमें एडजस्टमेंट करते चलना है पहले एक शर्त लगा के आगे तो बढ़ जाए चलिए हमने शर्त लगा लिया कितने में शर्त लगाया बताओ अब यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगी देखिएगा आपके रजिस्टर से मैच नहीं करेगी आपके जो रजिस्टर पे लिखी होंगे ना उससे मैच नहीं करेगा अब मैं रजिस्टर पे मैच कराने जाता तो फिर मैं प्रैक्टिकली फील नहीं करा पाता तो कोई बात नहीं वहां भी कुछ होगा प्राइस जो होगा सो होगा आप क्या कर सकते हैं एक बार देखता हूं कितने प्राइस चल रहा होगा उधर उधर भी लिया होगा हमने अच्छा इसी इसीलिए हमने वहां पे किसी का प्राइस ही नहीं लिया हमने क्या लिया बताया ए बी सी लिमिटेड सीधा ए बी सी लिमिटेड ठीक है लॉट साइज ले लिया मैंने हजार रुपये का क्योंकि मैंने प्राइस रखा होगा इसका कितने का पांच का तो ठीक ही रखा है क्योंकि जो शेयर पांच का चल रहा होगा ना उसका लॉट साइज हजार ही चलेगा क्योंकि मोटा मोटा पांच लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनता है अभी हमारा लॉट साइज कितना चल रहा है 250 का 250 क्यों चल रहा है क्योंकि मार्केट का प्राइस 2400 के अराउंड है तो तभी तो छह लाख चला गया ना आपका अब आप देखो ना मार्केट में जाइए जिसका मार्केट में प्राइस पांच के अराउंड होगा ना उसका लॉट साइज आपका हजार के आसपास मिलेगा मैं दिखा देता हूं ये देखिए मार्केट में जाइए पहले इंडी पे चले जाओ इंडी पे जाने के बाद निफ्टी पे क्लिक कर लेना निफ्टी पे क्लिक कर लिया निफ्टी में बहुत सारे पचास स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा इस पचास स्टॉक के लिस्ट के अंदर तुम कहाँ चले गए भाई साहब मैंने तुम्हें बोला था कि ये निफ्टी फिफ्टी दे दे मुझे

और कोई भी एक्सपायरी ले लो सब एक्सपायरी का एक ही जैसे होता है कोई ऐसा नहीं कि एक्सपायरी का लॉट साइज बदल जाता है इस प्लस साइन पे क्लिक कर दो देखो आपको लॉट साइज मिल जाएंगे मोटा मोटा कितने का तो है बताइए ग्यारह सौ का हाँ तो ठीक है ग्यारह सौ का ये हो गया और मार्केट में प्राइस चल रहा है फाइव के अराउंड फाइव का प्राइस मल्टीप्लाई बाय ग्यारह का लॉट साइज देख लो पाँच फाइव लाख फिफ्टी के अराउंड कुछ बन रहा है तो इसका मतलब वही छः लाख के अराउंड आपको बनेगा तो जिसका प्राइस जितना कम होगा उसका लॉट साइज क्या होगा आपका उतना ही ज़्यादा होगा जिसका प्राइस महंगा होगा उसका लॉट साइज आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जैसे इसी में अगर आप जाके चेक करोगे यहाँ पे था ना एक महंगा वाले स्टॉक ये था सबसे महंगा होगा नेस्ले इसके अंदर नहीं एम आर एफ इसके निफ्टी फिफ्टी के अंदर नहीं है वैसे एम आर एफ का भी ट्रेड होता है चलो ठीक है एम आर एफ का ही ले लो बहुत सही था लग रहा है इनका एम आर एफ और पता है इसीलिए एम आर एफ अभी तक बोनस वनस नहीं दिया है कम से कम सबके जुबान पे एम आर एफ तो बाकी सब कहीं नहीं है लेकिन एम आर एफ सब जानते हैं जबकि इसकी मार्केट वैल्यू कितने मार्केट कैप देखो आप मार्केट कैप सिर्फ इसका दिख रहा है आपको फ्यूचर में क्लिक कर दिया क्या मैंने नहीं इक्विटी पे ये देखो इसका मार्केट कैप टोटल देखोगे तो थर्टी सेवन थाउजेंड करोड़ है ओनली थर्टी सेवन थाउजेंड करोड़ टोटल मार्केट कैप जबकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखोगे तो ओनली एटीन थाउजेंड करोड़ का है। सिर्फ अट्ठारह हजार करोड़ मिड कैप में भी नहीं है मिड कैप में कह सकते हो है? मिड कैप में कह सकते हो नहीं तो थोड़ा सा अगर वैल्यू कम हो जाए तो स्मॉल कैप में जाएगा तो बताओ मिड कैप को भी सब लोग याद रखते हैं इसीलिए इसीलिए वो अपना कुछ भी बॉन्ड डिविडेंट वगैरह नहीं दे रखा है अब देखो इसके डेरिवेटिव में अगर आप जाते हो डेरिवेटिव पे मैं गया और इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मैंने और इसका एक्सपायरी कोई भी ले लिया देखो इसमें कहते हैं कि लॉट साइज कितना है इस प्लस साइन पर क्लिक करना पड़ेगा तब आपको आ जाएगा कहते हैं मार्केट में दस क्वान्टिटी का है तब भी ज्यादा है कैसे देखो देखो मार्केट का प्राइस कितने का ये रहा है लास्ट प्राइस देखो 88,000 का 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 बोलो आप तो का एक शेयर और दस का मार्केट प्लॉट लाख नाइन्टी थाउजेंड है छोटा कहा है बताओ चलिए तो अब हम एक काम करते हैं अब अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं ठीक है इधर से ही पढ़ते चले क्या उधर तो आपने पढ़ लिया अब इधर से फील कर लो यानी तो एक बार फील कर लो फिर इधर आ जाओ वापस तब भी हो जाएगा चलिए एक बार फील करवा देता हूँ उधर से किधर से जो हमने लिखा था हमने शर्त लगा लिया किसने बताइए मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने शर्त लगा लिया अब ये दोनों अच्छा ये शर्त जो लगाया होगा बोली लगा के लगाया तो क्लियर हो गई क्योंकि इसने सोचा होगा किसी और प्राइस पे खरीदू इसने सोचा होगा किसी और प्राइस पे बेचू जब दोनों का बोली मैच हो गया होगा वो बोली मैच हुआ होगा कितने पे टू फोर फाइव फाइव पे अब ये दोनों किस डेट का इंतजार कर रहा होगा बताइए ये दोनों इस डेट का इंतजार कर रहा होगा अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कमिटमेंट कर ली तो अपने आप का भी नहीं सुनेंगे अब यहां पे अपने आप का नहीं सुनने हैं अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा यहां पे जाके रिलायंस का शेयर क्या होने वाला है या तो ज्यादा या तो कम हमें क्या पता क्या होने वाला है बताओ फोर्टी डेज बाद की बात है हो सकता है रिलायंस का प्राइस थ्री थाउजेंड हो जाए या हो सकता है रिलायंस का प्राइस दो हजार हो जाए सोचो अगर थ्री थाउजेंड हो जाएगा तो क्या होगा सोचो ए के लिए भाई कमिटमेंट कर लिया अपने का नहीं सुनेंगे खरीदना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि आग, आप सोचो ना इसे अगर मान मान लीजिए लीजिए तुम अगर इस पर शर्त नहीं लगाए होते तो कैश से अच्छा इक्विटी सेगमेंट को कैश सेगमेंट भी बोला जाता है पहले भी बोला था नहीं बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है कैश सेगमेंट कैश सेगमेंट का मतलब इक्विटी सेगमेंट जहां पर डिलीवरी होता है बात समझ में आ गया डेरिवेटिव सेगमेंट या एफ एंड ओ सेगमेंट बोला जाए तो वो आपका ये सेगमेंट जिसके अभी भी बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए मैं कभी बोलूंगा क्या इस सेगमेंट में गया होते समझ जाना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कौन सी सेगमेंट इक्विटी सेगमेंट स्पॉट सेगमेंट भी बोलते हैं उसको आप मुझे बताइए मिस्टर ए अगर उसी दिन भी खरीद लिया होता कितने पे टू फोर थ्री एट पे तो आज अगर मान लीजिए शेयर प्राइस दो हजार पे हो गया होता तो आपको तो वैसे भी लॉस था अगर शेयर खरीद के होल्ड करके बैठे होते तो लॉस हुआ होता कि नहीं होता आपने ट्वेंटी फोर थर्टी एट में जो शेयर खरीदा उस शेयर का प्राइस कितने पे आ गए थाउजेंड पे लॉस हुआ कि नहीं हुआ हुआ तो आज अगर आपने शर्त भी लगाए हो तो आपका दो हजार का भी सामान है ना तब भी आपको खरीदना ही पड़ेगा कितने पे टू, फोर, फाई, फाई पे आपको बता दू अब यहां पे थोड़ा सा क्या होगा दिक्कतें आएंगे आप लोगों के लिए मार्केट में आज की रूल यह हो चुकी है कि उनको शेयर लेना पड़ता है किसको मिस्टर बी सॉरी मिस्टर को मिस्टर ए को लाख जब जो कि ये पहले नहीं था बात समझ में आगे लॉकडाउन के पहले जाते तो डिलीवरी नहीं होती थी ये टू थाउजेंड नाइनटीन से स्टार्ट हुई थी कुछ रूल्स लगाना फिर मैंने बताया ना फेज वाइज चला पहले दस स्टॉक पे ट्राई किया तो हाँ पहले नहीं होता था पहले क्या होते थे पहले दस स्टॉक पे ट्राई किया फिर बढ़ाते डेढ़ बढ़ाते, बढ़ाते, बढ़ाते। तो साल, साल से तो ज्यादा ही हो चुका है कि अगर कोई फ्यूचर सेगमेंट इक्विटी में याद रखना सेगमेंट वाइज आप रूल बदल जाएगा करेंसी सेगमेंट में जाओगे डिलीवरी अभी भी नहीं हो रही है मान लीजिए आपने शर्त लगाया कि मैं आज से दो महीने बाद में डॉलर खरीदूंगा आपको डॉलर नहीं मिलेगा समझ में आ गए कॉमोडिटी सेगमेंट में जाओगे आप बोलते हो कि अच्छा जी मैं एक महीने बाद आऊंगा क्रूड ऑयल खरीदने के लिए तो डिलीवरी नहीं मिलेगी आप कहते हो एक महीने बाद में आऊंगा गोल्ड खरीदने के लिए तो फिर कहते हैं यहां चॉइस है आपके पास आपको डिलीवरी चाहिए क्या गोल्ड की या आपको डिलीवरी नहीं चाहिए अगर डिलीवरी चाहिए तो एम के सेंटर बना हुआ है फिजिकल डिलीवरी सेंटर वहां जाके आपको कलेक्ट लेना पड़ेगा गोल्ड गोल्ड सिल्वर कुछ पांच ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका डिलीवरी होती है बाकियों में डिलीवरी नहीं होता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बदलने से यानी कि अंडरलाइन बदलने से रूल बदल जाता है तो फिलहाल हम किस पे स्टिक कर रहे हैं इंडेक्स सॉरी स्टॉक पे स्टॉक का रूल आज के रेट पे क्या है आपको डिलीवरी मिलेगी अब दिक्कत क्या है देखना क्वेश्चन तो पुराना सब भी मिलेगा क्वेश्चन तो पुराने पुराने भी मिलेंगे अब पुराने क्वेश्चन में क्या होता था डिलीवरी तो नहीं होती थी दिक्कतें क्या आएंगे जो कैलकुलेशन किया गया होगा जो कैलकुलेशन किया गया होगा ना वो कैलकुलेशन की मेथड थोड़ा सा क्या हो जाएगा बदल जाएगा नेट इंपैक्ट मिस्टर ए पे कोई नहीं आने वाला है चाहे वो शेयर खरीदता तो भी या शेयर नहीं खरीदता से सेटलमेंट करता तब भी उसका सिचुएशन वही बनता सिचुएशन उनका वही बनता लेकिन जो कैलकुलेशन करने की मेथड है वो आपका बदल जाएगा तो इसमें थोड़ा बहुत का डिस्प्यूट आपको आगे दिखेंगे कि आज के रूल के मुताबिक और जो इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेज आएंगे लेकिन कोई बात नहीं मैनेजेबल है क्योंकि जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है उस पर कोई इंपैक्ट आपका नहीं आता सिर्फ प्रोसेस बदल जाता है तो अब देखिए मिस्टर ए को मैंने दो केस लिया याद रखिएगा पहला केस थ्री थाउजेंड का शेयर हो जाता है वो क्या सोच रहा होगा मजा आ गया क्यों बताइए क्योंकि उनको पे तो इतना ही करना है सिक्स लैख थर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी सिक्स लाख थर्टीन थाउजेंड से कितना बनता है सिक्स लाख थर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी इतना वो पे करेगा और दो सौ पचास शेयर लेके आ जाएगा अब मिस्टर बी का मजबूरी है उसको शेयर देना याद रखिएगा अगर मिस्टर बी ने शेयर अगर नहीं रखा है उस दिन तक तो उनके बिहा पे ब्रोकर जाएगा ऑक्शन मार्केट में इमीडिएट डिलीवरी के लिए शेयर खरीदेगा और फिर क्या करेगा उसको डिलीवरी देंगे वैसे मैं बता दूं कि अगर आपने सिक्स लाख रुपीज अगर आपके अकाउंट में नहीं होगा क्योंकि इसको खरीदना भी तो पड़ेगा ना इसी रेट पे सॉरी बेचना पड़ेगा इसी रेट पे तो मान लीजिए इतने में बेचना है मिस्टर बी को लेकिन मिस्टर बी ने सर तो लगा लिया था लेकिन इसके जेब में शेयर नहीं था उसने तो ये सोचा कि अरे फोर्टी डेज का टाइम है मेरे पास मैं कभी जाऊंगा मार्केट में और खरीद के ले आऊंगा क्योंकि उसने क्या सोच के बैठा था आने वाले टाइम पे इस बीच में तो शेयर मुझे मिलने वाला है दो हजार का ठीक है तो मैं क्या करूंगा बताओ 2000 का शेयर खरीद लूंगा और इसको डिलीवरी दे देंगे इस डेट पे जाके लेकिन वो कभी शेयर सस्ता हुआ ही नहीं और उसके डिमार्ट अकाउंट में शेयर था भी नहीं तो आप मुझे बताइए मिस्टर बी ने मिस्टर ए को शेयर कैसे देना है वो सारा काम किसका है ब्रोकर का वो ब्रोकर अपना जिम्मेदारी निभाएंगे लेकिन आज के डेट पे शेयर जाएगा अब कुछ लोग बोलेंगे अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं होगा तो उसके अकाउंट में अगर पैसे नहीं होगा तो उसके पास मेल आना शुरू हो जाता है ट्यूसडे से ही ट्यूजडे रात को ही मेल आ जाता है कब सेटलमेंट होनी है थर्सडे को उसको ट्यूसडे रात को ही पैसे मेल आ जाएगा कि देखो आपके अकाउंट में पैसे कम है पैसे डाल लो ठीक है और नहीं तो ये कौन सी दिन में आ गया मंगलवार को आ गए बुधवार को फिर चेक करेगा कितने पैसे अगर फिफ्टी परसेंट पैसे तक होंगे उसके अकाउंट में तो बुधवार को वेंसडे को छोड़ देंगे फिर उसको कुछ नहीं करेंगे ठीक है फिफ्टी परसेंट भी अगर पैसे होंगे तो फिर अगर मान लीजिए फिफ्टी परसेंट पैसे था तीन लाख अकाउंट में पैसे थे उससे ज्यादा पैसे नहीं है फिर उसको वेंसडे को फिर शाम को मेल आएगा कि अब कल आपको पूरे के पूरे सिक्स लाख रखने हैं अगर सिक्स लाख रुपये जो सिक्स लाख जितना बनता है उतने पूरे पैसे रखने हैं अगर उतना पैसे नहीं रखता है तो थर्सडे को क्या करेगा उसके अक, अकाउंट खोलेंगे ब्रोकर किसके अकाउंट मिस्टर बी का अकाउंट खोलेगा और मिस्टर बी के अकाउंट से जाएगा कौन ब्रोकर और वो सीधा वहां बाई कर लेगा क्या बाई कर लेगा ये ये रिलायंस का शेयर उसी दिन के लिए खरीद लेगा उसी दिन मार्केट से खरीद लेगा फेबर को ही लेकिन अगर उनके अकाउंट में पैसे होंगे किन के अकाउंट में छ लाख से बी के अकाउंट में छह लाख से ज्यादा पैसे हैं अगर तो फिर वो उस दिन नहीं बाई करेगा फिर फिर बोले कि कोई बात नहीं आप अपने हिसाब से डिसीजन लो मुझे क्या कहना है फिर तो फिर वो आपको तब उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखिए थर्सडे को कंफर्म हो गया कि कितने का प्राइस हो गए जो भी प्राइस है अब इसकी डिलीवरी कब होगी बताइए डिलीवरी कब होगी अब टी प्लस वन वैसे पहले टी प्लस टू होती थी तो याद रखिएगा थर्सडे को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होती थी उसकी सेटलमेंट मंडे को होती थी कैसे बताओ क्योंकि आज आपने बेचा और एक ने खरीदा टी प्लस वन हो जाएगी फ्राइडे तो फ्राइडे तो अभी एक ही दिन हुआ पहले चलते थे टी प्लस टू की सेटलमेंट तो सैटरडे संडे क्लोज हो गई मार्केट उसको काउंट करेंगे नहीं तो डिलीवरी कब दिया जाता था मंडे को लेकिन अब आज के रेट पर डिलीवरी कब दी जाती है फ्राइडे को ही डिलीवरी चला जाएगा टी प्लस वन में तो आप मुझे बताइए अब यहाँ पे थ्री थाउजेंड की प्राइस थी अब फ्राइडे को इसके अकाउंट में ढूंढने जाएगा ब्रोकर किसके अकाउंट में बी के अकाउंट में शेयर ढूंढेंगे कि भाई तुम्हारे पास शेयर है कि नहीं है अगर इसके अकाउंट में शेयर मिल गए तो बहुत बढ़िया नहीं मिला तो जाएगा ही ऑप्शन मार्केट में और उस दिन अगर मान लीजिए पैंतीस का शेयर हो गया तो पैंतीस में खरीद के डिलीवरी मिलेगी मैं करके देख चुका हूँ टेंशन मत लो आप ये काम मैं करके देख चुका हूँ मेरे को फालतू का ढाई परसेंट का नुकसान हो गए अगले दिन मंडे को जाके जब मैंने डिलीवरी देना था ना जो होगा देखा जाएगा देखते ना क्या करता है मतलब कितना का हो जाएगा कितने का हो जाएगा पॉइंट फाइव मैंने क्योंकि पॉइंट फाइव वन परसेंट होगी मुझकी गलती से क्या हो गई फाइव परसेंट का मूवमेंट हो गई तो मैंने देखा कि मेरे को खास करके वो चेक करना था सेटलमेंट क्योंकि ये सब चीज जो होते है ना जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं चेक करोगे ना तो एग्जैक्ट सिचुएसन नहीं पता लगेगा कि क्या होता है आपको तो क्या लगेगा कि अच्छा ट्वेंटी में हमने क्या करा था सब कमिटमेंट किया था बेचने का शेयर कितने का हो गया तीन हजार का तो भाई तीन हजार का शेयर मुझे इतने में बेचना पड़ रहा है मेरे को तो लॉस इतना ही होगा लेकिन रियल लाइफ में इतने का लॉस नहीं होता है रियल लाइफ में जो लॉस होगी ना फ्राइडे के प्राइस से होगी क्योंकि डिलीवरी देना कब था आपको फ्राइडे को आपने अकाउंट पे पैसे शेयर रखे नहीं थे ठीक है अब शेयर नहीं रखे हो तो आपके भी पे कौन खरीदेगा ब्रोकर अब ब्रोकर खरीदने गया अगर मान लीजिए उसको पैंतीस सौ में शेयर मिला तो आपको तो शेयर खरीदा गया पैंतीस में और बेचा कितने बताओ ट्वेंटी में तो आपको तो इतना बड़ा लॉस हो गया तो अब कुछ लोग कहते कि ऐसा काम करेगा क्यों जब उसने बेचने के लिए प्राइस रखा हुआ इतने में तो पहले से शेयर खरीद के इंतजाम करेगा तो मान लीजिए उसने बीच में ही खरीद लिया जिस टाइम पे मार्केट में ट्वेंटी फोर हंड्रेड चल रहा था तो मुझे बताया लॉस फिर इतना कहाँ हुआ लॉस तो हुआ ही फिर तो पांच पचपन रुपए का फायदा ही हो गया फिर उसको तो अगर मिस्टर बी के अकाउंट में स्टार्टिंग तो से ही फंड ना हो अभी हमने उस सिचुएशन पे गए कहा है इतना मूर्ख थोड़ा ना वो एक्सचेंज कि बिना पैसे का इसको बोलेगा तो शर्त लगा नहीं शर्त लगाने से पहले उसे मार्जिन लेंगे सिक्योरिटी मनी जो कि आएगा आज के रेट पे ट्वेंटी परसेंट का अराउंड कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट याद है कुछ इंट्रा डे में ट्रेड करने जा रहे थे कितने पैसे लेके जा रहा था बीस परसेंट आज भी इसमें आपको ट्वेंटी परसेंट प्लस ही दिखेगा ट्वेंटी परसेंट नीचे नहीं दिखेगा आपको वो मैं दिखाऊंगा अभी धीरे धीरे चले ना हम लोग एक एक करके अगर फंड नहीं रहा तो डिलीवरी नहीं करते उसी कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप कर देते बताना भी बाकी है उसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेते हैं उसी को उसी को खरीद लेते हैं तो क्या हो गया देखो आप थर्सडे को आपने बोला खरीद लिया तो उसकी सेटलमेंट भी होगी थर्सडे को उसी दिन तो आपने खरीदा भी और आपने बेचा भी है तो क्वांटिटी आपका हो जाता है नेटअप आपको दिमाग नहीं लगाना है वो सब मैं बताऊंगा अभी बिफोर एक्सपायरी कैसे एग्जिट किया जाता है वो भी बताना बाकी है तो पहले इसको निपट ले कितने में शर्त लगाया आप टू फोर फाइव फाइव पे मार्केट में प्राइस चला गया थ्री थाउजेंड क्या होगा बताइए कोई फर्क नहीं पड़ता है मिस्टर ए को शेयर मिलेगा मिस्टर बी को शेयर देना पड़ेगा कमिटमेंट कर लिया अपने आप का नहीं सुनेंगे ट्वेंटी फोर फाइव फाइव पे ही शेयर देना पड़ेगा इसको कितने रुपये पे करना पड़ेगा बताओ इसको पे करना पड़ेगा सिक्स लाख थर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी इसको रिसीव करना पड़ेगा इसको रिसीव हो जाएगा कितने पैसे सिक्स लाख थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी बात समझ में आ गई लेकिन उनको शेयर देने पड़ेंगे इसका मतलब शेयर पहले से उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा अगर शेयर नहीं होगा तो क्या होगा तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने डील किया था कि आप उसको शेयर खरीद के देना है हर हाल में जहां से लाना है ले आए फ्राइडे तक उसका इंतजार करेगा ब्रोकर फ्राइडे को अगर वो नहीं करेगा वो ऑक्सेल मार्केट में जाएगी उसके भी आप पे शेयर खरीदेंगे उनको डिलीवरी देंगे ठीक है चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अब अब आती है ईमानदारी की बात अब इन दोनों की नियत अगर इस बीच में फोर्टी डेज में खराब हो गई तो क्या होगा तो उसके लिए कुछ दिया जाता है चलिए एक काम करते हैं हमने अभी जो भी कुछ बताया है ये अच्छा ये किसकी बात है स्टॉक की इंडेक्स के केस में सिचुएशन कुछ और हो जाता है वो देखेंगे बाद में आइए इसमें हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको अब रीड करते चलते सारा चीज लिखा हुआ को पढ़ते है देखो मिस्टर ए ने बोला कि मैं शेयर खरीदूंगा मिस्टर बी ने क्या बोला कि मैं बेचूंगा वन शेयर एबीसी लिमिटेड का अब रिलायंस को हटा देते एबीसी के हिसाब करते हैं हम लोग एबीसी का कितने महीने बाद मंथ के बाद प्राइस निगोशिएट किया लड़ाई किया लोगों ने मिलके वहां बहुत सारे लोगों ने मिलके प्राइस डिसाइड किया होगा कितना प्राइस डिसाइड हो गए 500 इसको कभी भी इक्विटी प्राइस नहीं बोला जाता है इस 500 को इक्विटी प्राइस नहीं बोला जाए क्योंकि आपको पता है अंडरलाइन का प्राइस कुछ और होगा और इससे सस्ता होगा अंडरलाइन इससे सस्ता होगा मानते हो ना चेहर में बारह बज रहा है क्यों जी किसी को याद कर रहे हो चलो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फ्यूचर प्राइस इसको कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बोल सकते हैं फ्यूचर के डेट का प्राइस बोल सकते हो हाँ ये कह सकते हैं फ्यूचर प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड बोल सकते हो लेकिन एबीसी लिमिटेड का प्राइस नहीं बोल सकते हो क्योंकि एबीसी लिमिटेड का प्राइस कैश सेगमेंट में इक्विटी सेगमेंट में है, जो इससे नीचे होगा क्यों क्योंकि इसमें थ्री मंथ का टाइम वैल्यू है जैसे हमने उधर दिखाया था आपको समझ में आ गया कुछ यहां तक ओके तो अब देखिए क्या होता है आगे हमारा एक्सपायरी डेट मैथ्स के मैथ्स के परफॉर्म करने का डेट आगे प्राइस ऑफ शेयर मे बी हायर देन और लोअर देन हंड्रेड जो कि फाइव हंड्रेड क्या था हमारे लिए फ्यूचर प्राइस या कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस इक्विटी शेयर का प्राइस नहीं बोलेंगे यही सब छोटी छोटी बातें जो है ना इसी सबसे मिस्टेक होता है मैंने आपको बोला ना डेरिवेटिव क्यों डिफिकल्ट है क्योंकि डेरिवेटिव में ना बच्चे इसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है आपको देखना ना क्वेश्चन में आप खुद मिस्टेक करोगे इतना मिस्टेक करोगे क्योंकि ये भी लगता है उनको रिलायंस का ही शेयर प्राइस है और उनको ये भी लगता है रिलायंस का ही प्राइस है वो हैट ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो कभी फील नहीं किया ना जब तक देखो स्क्रीन पे देखने से क्या फायदा होता है जब ये देखते तो आपको लगता है अच्छा ये प्रैक्टिकली चल रहा है हम कुछ रट्टा नहीं लगा रहे और जब यही चीज में अगर यहां पे कितना भी घोड़ घोड़ के पिला पिलाजो ना आपको जूस बना के तब भी दिमाग में नहीं जाएगा और मैं बता दू आपको मोर देन सिक्सटी स्टूडेंट सिर्फ यहीं पर मिस्टेक करता है कहां पे पता ही नहीं चलता ये क्या है दोनों के बीच में और इतना ही नहीं अभी यहाँ पे जो प्राइस आएगी ना सिर्फ प्राइस की डिफरेंस है सारे खेल पूरे प्राइस की है यहाँ पे भी कुछ प्राइस आएगी लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो अब किसकी प्राइस है ये रिलायंस तो की रिलायंस की शेयर की प्राइस हो चुकी है तो आपको सबसे पहले यहां क्या देखना है भाई मेरा अंडरलाइन की प्राइस क्या है और शर्त क्या है शर्त अलग है अंडरलाइन अलग है अंडरलाइन डिलीवरी के लिए ट्रेड होता है शर्त में फ्यूचर डेट के लिए ट्रेड होता है समझ में आ गया हम ये कह सकते हैं यह प्राइस रिलायंस के शेयर का ही है लेकिन आज का नहीं दो महीने बाद का, फ्यूचर प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ रिलायंस ठीक है चलिए वापस आते हम लोग हम कह रहे हैं कि देखो यह है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फ्यूचर प्राइस अब आइए वापस एक्सपायरी डेट पे आ गए बट मिस्ट प्राइस ऑफ शेयर मे बी हायर और लोअर बट मिस्टर ए हैजू बाइस शेयर एट फाइव हंड्रेड एंड मिस्टर बी है फ्यूचर प्राइस प्रेजेंट शेयर लोअर एक्सेप्शनल सिचुएशन में मिलेगी अगर मिल गया तो आप नसीब वाले हो मतलब आपको ऐसा भी सिचुएशन दिख गया मार्केट में लॉकडाउन के टाइम में तो ऊपर दिखता ही नहीं था एक भी नहीं समझे बात मुझे पढ़ाने में हालत खराब हो गई थी समझाने में प्रैक्टिकली बताने के लिए क्योंकि उस टाइम पे मेरा क्लास चल रहा था और डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे टाइम वैल्यू डाला ना मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा चुका हूँ सोलह रुपए का पॉजिटिव जाता है ना तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि के थियोरी कहता है कि ऊपर होना चाहिए लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे एक भी स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं दिख रही थी अब मैं उसको कैसे बताऊं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सही पढ़ा रहा हूं बात समझ में आ गई किसी का भी प्राइस ऊपर नहीं दिख रहा था कम से कम पंद्रह बीस को चेक करके दिखाया एक का भी फ्यूचर प्राइस ऊपर नहीं था सबका फ्यूचर प्राइस क्या था नीचे अब मुझे कहना पड़ गया कि फील कर लो क्या कर सकते हो क्योंकि वहां के सिचुएशन निगेटिव सेंटिमेंट हो चुका था बासाज में आ गया जैसे अभी अगर आप चेक करने जाओगे क्या अडानी का दिखेगा नहीं अभी मार्केट संभल चुका है दिखेगा नहीं फिर भी मुझे लगता है शायद इसमें नीचे दिखे मैं एक बार दिखाता हूं आपको नहीं ये नहीं कुछ लोग को समझ आया ना इनका क्वेश्चन क्या था क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें ऐसा मिले जिसमें अंडरलाइन का प्राइस ज्यादा हो और 40 दिन बाद के फ्यूचर प्राइस क्या दिखे मुझे कम दिखे रियल लाइफ में कम दिख सकता है लेकिन उचित प्राइस उसका अभी भी कहता है ज्यादा ही होना चाहिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा अच्छा जी बताइए फोर्टी डेज का फ्यूचर प्राइस क्या होगा आपको बस एक ही काम करना है टू फोर थ्री एट चलो छोड़ो छोड़, छोड़, टू फोर थ्री एट स्पॉट प्राइस प्लस टाइम वैल्यू खत्म हो गया में नीचे आपको दिखेगा क्यों बताइए क्योंकि रियल लाइफ में तो डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है अब मान लीजिए नाइनटी परसेंट लोग इसे स्टॉक में निगेटिव हो जाए उनको लगता है आज से चालीस दिन के बाद यह प्राइस तो ऊपर किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता तो क्या होगा बताओ क्या होगा सब लोग सेल प्रेशर बढ़ेगा उसका मार्केट में प्राइस क्या दिखेगा पता है आपको नीचे दिखेगा लेकिन ऐसा सिचुएशन आज के डेट पे ढूंढना मिलेगा ही नहीं मार्केट में जो मैं कह रहा हूं अगर नसीब ठीक है आप लोगों का तो एक दो मिल जाएगा मैं दो चार ढूंढ के देखता हूं लेकिन यही चीज जब लॉकडाउन में ढूंढने जाते थे तो मुझे ये सिचुएशन नहीं मिलता था बात समझ में आ गया तो वहां पर मुझे कहना पड़ गया कि फील करो फिर मेरे को पास्ट का जो जैक्स था ना स्क्रीन वगैरह उससे मुझे उनको फील दिलाना पड़ा क्योंकि वहां मिलता ही नहीं था तो लगता था कि सब सब मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि वहां क्या था मार्केट क्या हो चुकी थी पूरे के पूरे निगेटिव सेंटीमेंट हो चुका अरे एक महीने में कोई मार्केट फिफ्टी परसेंट क्रास करते इमेजिन करो ना आप अरे इमेजिन कर ही नहीं सकते हो आज भी वो दिल वो सोचते है ना वो दिन जब सोचते जो मार्केट जो घूम रहा था जिस टाइम जो फ्लक्चुएट हो रहे थे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते अरे क्या दिन था वो जैसे इनसे इनसे पूछो अगर अर्थक्वेक की बात करें तो इनको पूछ रहा कैसे रोंगटे खड़े होते होंगे क्योंकि उन्होंने टू का अर्थक्वेक को फील किया हुआ है काठमांडू में बैठ के आज उनसे पूछना किससे जो अभी तुर्की में जो हाँ जी तुर्की में और है, कौर कौन था तुर्की एंड सीरिया उनसे जाके पूछना जो उससे बचे होंगे थोड़ा सा भी कहीं हिलेंगे ना तो अंदर से उसकी जो डर होगी ना आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते उस चीजों को उन्होंने फील किया हुआ है तो वही चीज है मैंने उस चीज को फील किया हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दो स्टॉक में नहीं लगती है दो स्टॉक में पंद्रह मिनट के लिए सर्किट लगती है खुल जाती है पहले तो मैं बता दू आपको अभी तो मैंने अदानी को उस दिन देखा था फ्यूचर को भी रोका गया था फ्यूचर को भी रोका गया तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्या बताओ स्टॉक में पंद्रह मिनट रोका लेकिन फ्यूचर नहीं रुकता था फ्यूचर नहीं रुकता था मैंने ट्रेड किया हुआ था, जिस दिन पे, इसका क्या कहते हैं इंफोसिस में उसके सीईओ ने जब रिजाइन किया था तो उसके इंफोसिस में लोअर सर्किट लगे थी कह सकते फॉर्चुनेटली मेरा उस दिन साइड की पोजिशन लिया हुआ था एक दिन पहले का बात समझ में आ गई मेरा पोजिशन क्या लिया हुआ था लोअर साइड का और दस परसेंट के लोअर सर्किट लगी हुई है किसमें इक्विटी में लेकिन फ्यूचर फिर भी वहां से पंद्रह बीस रुपए नीचे ट्रेड हो रही थी तो क्योंकि फ्यूचर में सर्किट नहीं लगती थी फर्स्ट टाइम मैंने देखा उस दिन जब आप लोगों को दिखाया था मार्केट में अडानी में भी सर्किट लगी हुई थी और फ्यूचर में भी सर्किट लगी हुई थी तो दोनों में सर्किट लगाया के लिए, फिर उसके बाद अगले बार किया गया वापस आते, की करेंगे, तो, तो इसीलिए हम थीम पे आ जाए थीम क्या था हमारा हमने एक शर्त लगाया फोर्टी डेज बाद शर्त को क्या करना था हमें एक्सक्यूट करना था जब हम शर्त लगाते जाते हैं तो वहां पे हमेशा अंडरलाइन के प्राइस से फ्यूचर का प्राइस आपको क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा अगर फ्यूज के प्राइस प्राइस से फ्यूचर का प्राइस अगर कम मिल गया तो उसका दो सिचुएशन हो सकता है एक तो या तो या या उसमें डिविडेंड हो सकता है है दूसरा उसकी बहुत ही चल रही है मार्केट में और कुछ भी नहीं हो सकता है तो अभी तो अडानी से ज्यादा तो निगेटिव सेंटिमेंट किसी और का नहीं चल रहा है अगर इसमें निगेटिव मिल गया तो मिल गया नहीं तो ढूंढ के दिखा देना नहीं मिलेगा कितने रुपए का प्राइस चल रहा है सत्रह नाइनटीन सेवेंटीन नाइनटीन चलते डेरिवेटिव सेगमेंट में और हम इनसे पूछते हैं भाई साहब फ्यूचर मुझे इसी मंथ का बता दो ये देखिए कितने रुपए का चल रहा है सेवनटीन नाइनटीन नीचे तो नहीं मिला लेकिन विदाउट वैल्यू मिला वो भी था सेवनटीन नाइनटीन कोई बात नहीं सेवन डेज बाद का ही सही ये रहा अदानी का अंडरलाइन सेवनटीन नाइनटीन और वो भी सेवनटीन नाइनटीन ठीक है मैं दो महीने बाद वाले देख लेता हूँ आ जाइए फेबर की जगह में मार्च देख लेता हूँ मार्च में कह रहा है कि देखो लास्ट प्राइस सेवनटीन सेवेंटीन ट्वेल्व सेवनटीन ट्वेल्व लो नसीब बालो मैंने बोला ना लेकिन एक चीज और याद रखना क्योंकि हमें इसके सेंटिमेंट पता था इसीलिए हमने इनको ढूंढने गए और इनका मिल गया बाकी ढूंढो ना किसी का नहीं मिलेगा ये ये सिर्फ बोली लगा के इसका इसको आप प्राइस पेपर पे नहीं निकाल सकते या न, ये आपका ये जो प्राइस दिख रहा है ना ये फेयर प्राइस नहीं है ये मिसमैच है फेयर प्राइस किसी भी हाल में 1712 नहीं हो सकता इसका फेयर प्राइस जो होगा मैं बता दूं 1719 नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई सिक्स परसेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव ग्यारह रुपये का इसमें टाइम वैल्यू होनी चाहिए तो ग्यारह रुपये का टाइम वैल्यू अगर होता तो 1719 1719 सेवनटीन प्लस ग्यारह रुपये इसका सेवनटीन का फेयर प्राइस होना चाहिए था यहाँ पे मिस कितना है मैं बता दूँ सेवनटीन थर्टी माइनस यानी कि सेवनटीन रुपीज़ का मिस प्राइसिंग है आप चाहो तो ये सेवनटीन रुपीज का आर्बिट्रेज कर सकते हो इस स्टॉक के अंदर आप क्या समझ आया आर्बिट्रेज मतलब आप ये सत्रह रुपये का प्रॉफिट इस स्टॉक में कमा सकते हो आप मिस प्राइसिंग है इसके अंदर ठीक है लेकिन वो कैसे कमाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे आर्बिट्रेज के अंदर हाँ जी एक लॉट पे नहीं एक शेयर पे तो अगर इसमें लॉट साइज कितना है देख लो आप इसके लॉट साइज आए तो ढाई है शायद इसका लॉट साइज अगर देखने जाओगे इसकी लॉट साइज है आपका ढाई की है है? तो सत्रह मल्टीप्लाई वे टू फिफ्टी एक लॉट में आपको चार हजार दो सौ पचास का आर्बिट्रेज गेन हो सकता है आपको लेकिन इसमें आर्बिट्रेज कैसे कमाएंगे वो आपको बताऊंगा आगे ठीक है चलिए तो होप आपको मिल गया बाकी किसी का भी रैंडमली ढूंढ लो किसी का भी रैंडमली नेम ले लो आप बोलो किसी का नाम जिसका नाम जानते हो आसपास की कोई कंपनी कॉर्पोरेट किसी का नाम ले लो ना इतना टाइम क्यों लगता है टीसीएस टीसीएस का तो कभी मिलेगा उसके किसी नेगेटिव सेंटीमेंट वाले ले लेते हैं ना आप पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले का तो कभी मिलेगा ही नहीं आपको देखो कितने प्राइस चल रहा है थर्टी ठीक है मोटा मोटा कितना हो गया अट अस्सी पैसे कम पैंतीस सौ थर्टी फाइव हंड्रेड का मैं डेरिवेटिव में गया और मैंने बोला कि चलो ठीक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने दो महीने बाद का ही ले लिया दो कहते हैं कितना मिल रहा है आपको थर्टी फाइव ट्वेंटी थ्री वो नी नीचे नहीं मिलेगा आप धोखे में मत जियो ना आप जोमेटो उसमें है नहीं जो अभी नया नया जो लिस्टिंग हुई ना वो सब आपको ये दो के लिस्ट में नहीं मिलेगा आपको अडानी पावर का मुझे आइडिया नहीं है अडानी पावर देख लेता हूँ अडानी पावर हाँ तो वो सब का तो अगर उसका होगा तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा अडानी पावर होगा शायद इसमें ठीक है उसमें डेरिवेटिव में नहीं है डेरिवेटिव में अगर डेरिवेटिव में होता तो देखो यहाँ पे इक्विटी के बगल में क्या और क्या एक टाइप दिखता है आपको डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है मतलब ये अडानी पावर डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं हो दो लिस्ट में ये नहीं है एस एल बी जो है ना स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग वो आपको पढ़ाना है मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा आप स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग हाँ जी बताइए हिंदुस्तान नहीं होगा हिंदुस्तान अच्छा एक बार हम मैंने बोला था ना कि वो आया है शायद क्या था स्पेलिंग एच ए एल हाँ वो था वो मैंने बताया था ना आपको ऐड हुई है मैंने कभी नहीं देखा था इसको यह है डेरिवेटिव में मतलब इसको मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो जब लिस्ट नहीं पढ़ रहे थे मैं लग रहा है ये कौन सी आगे मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना तो ये अभी अभी ऐड हुई होगी कितने पे चल रहा है छब्बीस बत्तीस छब्बीस बत्तीस फ्यूचर छब्बीस बत्तीस देख लो अड़तालीस नहीं मिलेगा किसी का भी ठीक है अब आप लोग ये ट्राई करते रहेगा सिर्फ निगेटिव सेंटिमेंट वाले कोई से स्टॉक बहुत ज्यादा निगेटिव सेंटिमेंट होगी तभी उसका फ्यूचर प्राइस क्या दिखेगा आपको स्पॉट से नीचे अदरवाइज स्पॉट से नीचे नहीं दिखेगा जब भी कभी आपको फ्यूचर प्राइस निकालना है एक चीज लाइन याद कर लेना आज की प्राइस में टाइम वैल्यू मुझे क्या कर देना है एड कर देना है बस सिंपल और कुछ नहीं करना है हाँ डिविडेंड का एडजस्टमेंट अभी मैंने आपको नहीं बताया है इसमें कुछ डिविडेंड की एडजस्टमेंट होती है तो माइनस किया जाता है डिविडेंड वही बस एक एक्स्ट्रा रह गया अदरवाइज तो आपका फ्यूचर प्राइस निकालना काम खत्म भी हो चुका है लेकिन एग्जाम में कभी बिना डिविडेंड का शेयर वो मिलता नहीं है बिना डिविडेंड का मिलेगा ही नहीं वैल्यूएशन करना शर्त लगाने के टाइम पे अभी फ्यूचर में आपको एफडी डी इसलिए मिलेगा क्योंकि हम जो अपॉर्चुनिटी मिस करे हो सिर्फ छह परसेंट का इसीलिए आपको रियल लाइफ में छह परसेंट से मैच हो रही है आपको छह परसेंट से मैच हो जाएगी सारे क्योंकि अगर आज हम शेयर नहीं खरीद रहे तो हम कितना मिस कर रहे आज अगर पैसे नहीं लगाते तो कहीं जाकर डिपॉजिट करोगे आप तो डिपॉजिट पर कितना मिलेगा आज के डेट पे आपको नॉर्मली फेयर कहता है छह परसेंट से ज्यादा नहीं मिलेगा इसलिए मार्केट में आपको छह परसेंट का ही टाइम वैल्यू मिलेगा तो एक साल का लोगे तो फिर यहां ये खरीद कहां पाओगे आप तो फोर्टी डेज के टाइम वैल्यू वो ले रहे हो फोर्टी डेज बाद का एक्सपायरी ले रहे हो आप कह रहे हो कि मैं रिलायंस खरीदूंगा फोर्टी डेज बाद और एक साल का फिक्स डिपॉजिट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा तो तो आप लोन मैंने तो बोला मैंने कहाँ बोला मैंने तो पहले ही बोला हम ले ले रहे ना उसकी मैं म्यूचुअल फंड की लिक्विड फंड का रेट ले रहा हूँ लिक्विड फंड का भी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट अराउंड चल रहा था बात समझ में आ गई आपको थोड़ा और कम लेना है तो कम ले लो कोई दिक्कत नहीं तो थोड़ा कम ले तो आपका टाइम वैल्यू कम दिखता तो उस केस में क्या होगा बताइए थोड़ा सा मिसप्राइसिंग दिखेगी उस मिसप्राइसिंग से आप आर्बिट्रेज कमाने जाओ और कुछ नहीं करना है आगे तो मिस्टर मिस्टर ए और बी को 500 पे कॉन्ट्रैक्ट तो बस ऐसे समझ जाओ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है सलमान खान की कमिटमेंट कमिटमेंट कर ली तो अपने आप का नहीं सुनेंगे ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग ये देखिए फॉर स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम थ्री मंथ मैंने क्या बोला है इंडेक्स के लिए और स्टॉक के लिए फ्यूचर कहा गए स्टॉक एंड इंडेक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम कितने दिन के लिए मिलेंगे थ्री मंथ के लिए लेकिन करेंसी के लिए फ्यूचर कितने दिन का लिया मिलेगा ट्वेल्व मंथ के लिए जो कि मैंने फॉरेन एक्सचेंज में भी दिखाया था एक बार लास्ट फिर से दिखा देता हूं क्योंकि हो सकता है उस टाइम उतना अगर ध्यान पे ना हो आपको तो मैं जाऊंगा बट पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे यूएसडी आई सेलेक्ट करना पड़ेगा यूएसडी आई करूंगा तभी जाएगा वो ठीक है ये मैंने ले लिया और यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में ले लूंगा करेंसी फ्यूचर का सही है यूएसडी आई का एक्सपायरी डेट वैसे मैंने बहुत बार दिखा रखा है फिर भी ये लास्ट टाइम दिखा देता हूं लास्ट में देख लीजिए एक साल आगे तक का आपको मिल जाएगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको अलाउ करता है एक साल तक के कॉन्ट्रैक्ट को इसीलिए यहां पे आपको कितने दिन आगे तक का मिल जाएगा अभी हम फेबर में खड़े हैं देखिए आपको जनवरी टू तक का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा सही है और वहां भी टाइम वैल्यू आ रहा था याद है आपको वहां पर भी टाइम वैल्यू एड करते थे हम लोग फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का डिफरेंस बस इतना ही है कि फॉरवर्ड किया जाता है मार्केट में फ्यूचर किया जाता है एक्सचेंज में वहां पे वन टू वन डील होती है किसी भी डेट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे कहां पे? बैंक में जाइए आप बैंक को बोलो कि मुझे थर्टीएथ मार्च को आना है काम चल जाएगा आप बैंक को बोलो फिफ्टींथ मार्च को चाहिए फिफ्टीथ मार्च को डॉलर डिलीवरी दे देंगे लेकिन जब आप एक्सचेंज में जाओगे कहते आपके हिसाब से डेट नहीं चलेगा इसकी डेट में से सेलेक्ट करना पड़ेगा अब दिक्कत क्या आएगी देखिएगा आपको मान लीजिए मैं चलो मान लीजिए मैं ट्वेंटी में चला गया ट्वेंटी में चला गया कौन सी डेट यहाँ दिख रहे मुझे ट्वेंटी ऑफ जनवरी लेकिन आपको मान लीजिए पेमेंट करना था या पेमेंट आना था बीस जनवरी को अब क्या करोगे लो अगर मैं बैंक में जाता तो ट्वेंटी जनवरी को मेरा डिलीवरी हो जाता और वहाँ डिलीवरी होता वहाँ डिलीवरी होता यहाँ डिलीवरी होता ही नहीं है यहाँ डिलीवरी नहीं होता है तो आप मुझे बताइए मुझे 20 जनवरी को मुझे डॉलर चाहिए तो सबसे पहले तो यहाँ शर्त नहीं लगा 20 जनवरी का कहते नहीं हमारे पास तो सिर्फ 29 जनवरी का ही मैच चलते हैं तो कहते अब हम क्या करें ट्वेंटी जनवरी को तो फिर मार्केट की जो रूल चलता है रूल के मुताबिक मुझे ट्वेंटी जनवरी को इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना पड़ेगा फिर यहाँ से जो लॉस गेन आएगा वो लेके और जो बाहर देना या लेना है वो करेंसी लेके फिर मुझे जाना पड़ेगा ओटीसी में वो स्पॉट में ही जाना पड़ेगा तो ये रूल मुझे वहां मैचिंग कराना है और यही जो प्रोसेस है वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है करेंसी में जाके जिसको मैंने थर्ड यूनिट में डाल दिया आपको करेंसी ऑप्शन करेंसी फ्यूचर जानबूझ के उधर किया है ताकि हम लोग पहले बाकी सब का फ्यूचर पढ़ लेते हैं और करेंसी का फिर क्या करेंगे थर्ड यूनिट में जाके हम उसको मैच करेंगे सही है चलिएगा तो इधर आ जाओ मैक्सिमम ट्वेल्व मंथ के लिए ये मिलेगा मैक्सिमम थ्री मंथ के लिए अब आइए आगे फॉर स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायरी डेट इज लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ सही है फॉर करेंसी फ्यूचर एक्सपायरी डेट इज थर्ड लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ याद करने की जरूरत नहीं है आपको वो उसके लिए जो कुछ जानना चाहते हैं कि सर कैसे आया तो रूल बना रखा है उसने थर्ड लास्ट वर्किंग डे लास्ट वर्किंग डे कौन सी होता है मंथ का लास्ट वर्किंग डे कौन सी होगा फ्राइडे अब वो तो डेट देखना पड़ेगा सही बोल रहे चलो मैं चला जाता हूँ किसमें जनवरी वाले में है ना ट्वेंटी फोर पर चले जाते हैं हम लोग ट्वेंटी फोर जनवरी जनवरी पे था ना हमारे पास यहीं से डिसाइड करते हैं ठीक है आप मुझे बताइए इसमें डेट देखो आप डेट दिख रहा होगा लास्ट वर्किंग डे इसमें कौन सी बनता है वनडे थर्टी फर्स्ट लास्ट वर्किंग लास्ट वर्किंग डे है ना ये जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का लास्ट वर्किंग डे कौन सी डे है इसमें वनसडे सेकेंड लास्ट वर्किंग डे ट्यूजडे थर्ड लास्ट वर्किंग डे होता है तो लास्ट ट्वेंटी नाइन्थ होना चाहिए ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी होना चाहिए ये देखो ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी ठीक है एक काम करो इसमें चले जाओ आप किस में वैसे मैंने एक बार पहले भी दिखाया था दिसंबर में देख लो दिसंबर में बताइएगा यहां पे दिसंबर में लास्ट वर्किंग डे कौन सी बनता है आपका नहीं सैटरडे है दिसंबर है ना ये तो थर्टी है ना ये अच्छा थर्टी अरे थर्टी फर्स्ट भी है पर थर्टी फर्स्ट तो है नहीं वर्किंग डे सैटरडे भी वर्किंग डे नहीं है तो ये है हमारा लास्ट वर्किंग डे कौन सी ट्वेंटी नाइन्थ सेकेंड लास्ट वर्किंग डे ट्वेंटी एथ थर्ड लास्ट वर्किंग डे ट्वेंटी तो इसमें ट्वेंटी सेवेंथ होना चाहिए ये देखो ट्वेंटी सेवन्थ डिसंबर ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो करेंसी में कोई ट्रेड करते हैं तो उनके लिए थर्ड लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ मिलेगा अब एक और भी दिक्कत आएगा थर्ड लास्ट वर्किंग डे अगर होलीडे हो जाए तो उससे एक दिन और पहले आपका एक्सपायरी हो जाएगा ठीक है तो अब आगे देखिए एग्जाम्पल कॉन्टिन्यू कर रही है हम लोग एट थ्री मंथ एंड पे क्या होता है देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी विल बी उन दोनों का पोजिशन कैसा रहेगा देखो मैंने केस वन लिया है आपको याद हो गया बहुत आसान मैंने एक्साम्पल लिया है एबीसी का शेयर है पांच सौ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है अंडरलाइंग प्राइस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है क्योंकि एबीसी का शेयर प्राइस थोड़ा सा सस्ता होगा अब केस वन दिया कि एबीसी का शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया छे सौ पे कौन सी दिन पे मैच जिस दिन खेला जाना था उस दिन पे जाके शेयर का प्राइस कितने हो गए छे सौ और एक चीज और बता दू ये कौन सी प्राइस सही होता है पता है लास्ट थर्सडे का थ्री थर्टी का क्लोजिंग प्राइस वो तीन तीस का एल टीपी नहीं चाहिए अब एल टीपी में और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस नहीं तो करना इसमें एक लाइन बोलूंगा भी नहीं एलटीपी नहीं चाहिए LTP क्या होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो बायर सेलर का बोली मैच होता है एवरेज प्राइस कौन सी है जो तीन बजे से लेकर तीन तीस के बीच में जितने भी प्राइस पर ट्रेड होता है उसको एवरेज किया जाता है ये एक्सपायरी डे का एवरेज प्राइस सेटलमेंट होती है फ्यूचर समझ में आ गया प्राइस ऑफ एबीसी शेयर डिक्रीज टू यानी कि एवरेज प्राइस है थ्री थर्टी का जिसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं तो क्या होगा बताइए छह सौ पे चला गया तो क्या होगा भाई पांच सौ पे खरीदेगा फाइव हंड्रेड पे कहते हैं करेंगे, अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद एंटर किया गया तो उस पर फाइव हंड्रेड पे खरीदेंगे कितने रुपए देंगे फाइव लाख एंड टेक डिलीवरी ऑफ वन थाउजेंड शेयर थोड़ा सा दिक्कत क्या है आ, थोड़ा सा दिक्कत क्या है मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे दूं वैसे बुक तो हमने बाद में ये समरी बुक जो है आपके मैंने पब्लिश तो बाद में ही करवाया था बट मुझे नहीं पता किस तरीके से फाइल गई थी उसमें मैंने पहले सोचा था कि इसके ये जो सेटलमेंट्स की जो मैकेनिज्म चेंज हुई ना वो मैं बदल दूंगा लेकिन आपको समरी के अंदर अभी भी गलती से वही लिखा हुआ रह गया कि डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल अंडर डेरिवेटिव सेगमेंट तो वहाँ पर सेटलमेंट करवा दिया गया डिफरेंस अमाउंट से तो कोई बात नहीं वो जो मैं आपको रिविजन कराऊंगा अभी अभी मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा इसका डेरिवेटिव का तो उसमें मैं समरी का वो पेज चेंज करके और देन मिलेगा तो उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग और क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा निकल गई थी तो इसीलिए उसको हम बदल भी नहीं सकते क्योंकि होता क्या है मुझे लगा समरी में ज़्यादा कुछ हमें चेंज करना नहीं तो क्वांटिटी ज़्यादा बनवा लेते कलर बुक की प्राइसिंग जो कॉस्टिंग आती है बहुत ज़्यादा आती है ब्लैक एंड व्हाइट के सीधा ऐसे समझ जाओ फाइव टाइम्स आती है कॉस्टिंग ब्लैक एंड व्हाइट जितने मेरे को अगर एक रुपये में बनेगी तो मुझे उधर जाना होता है फाइव रुपीज़ में बट उसकी क्वान्टी जब बढ़ा देते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा का डिफरेंसेज जा आ जाते हैं अगर क्वांटिटी में डिफरेंस ले लोगे तो ठीक है तो मैंने ज्यादा ही क्वांटिटी बनवा लिया था इसलिए थोड़ा सा उसको बदल भी नहीं सकते तो आप वो इसको फील कर लीजिएगा ये अगर कहीं पे समरी में और यहाँ पे थोड़ा सा अगर रूल्स में कहीं पे डिफरेंसेज आएंगे तो ये हमारा क्या होगा फाइनल है समरी को थोड़ा सा बाद में ही रखिएगा चलिए तो ये कह रहे क्या इसको फाइव लाख पे करने हैं और पांच हजार का शेयर ले लेगा बेनिफिट टू मिस्टर ए वन लाख रुपीज हंड्रेड रुपीज पर शेयर अब सोचो कैसे भाई छह लाख का सामान मिला है कैसे जो सामान सिक्स हंड्रेड का चल रहा है सिक्स हंड्रेड रुपीज वाले सामान वन थाउजेंड मिला है आपको छह लाख रुपए मिला है जबकि आपको पे कितना पड़ा, करना पड़ा है बताओ फाइव लाख रुपीज तो क्या हंड्रेड रुपीज पर शेयर यानी कि वन लाख रुपीज का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ हुआ मिस्टर बी के लिए सोचो ना आप इधर इधर ही इधर ही मिस्टर बी के लिए सोचो अब ये क्या बताइए देखो ही इज बाउंड टू सेल शेयर

तो सेलर को लॉस होने वाला है और मार्केट और बायर को क्या होने वाला है गेन और वो तो हमने पहले भी पढ़ा था मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो बायर को फायदा होगा सेलर को नुकसान होगा और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है ओके तो आगे बढ़िए मार्केट में प्राइस चला गया फोर पे क्या होगा बताओ तब भी मिस्टर ए मजबूर है खरीदने के लिए फाइव पे अब बेचारे फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का सामान फाइव लाख में खरीदने को तैयार है खरीदना ही पड़ेगा फिफ्टी थाउजेंड का इसका क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा और मिस्टर बी अब वहाँ पे खुश है क्यों मिस्टर बी खुश है बताइए मिस्टर बी कहते हैं ही कैन सेल शेयर एट रुपीज़ फाइव हंड्रेड अंडर कॉन्टैक्ट इवन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज फोर फिफ्टी तो वो कहते हैं पचास हज़ार का तो मुझे फ़ायदा हो गया इसका मतलब जब मार्केट में प्राइस नीचे गई तो जो पहले से, से सेल करके बैठा हुआ तो उसको फ़ायदा हो गया क्योंकि उसको ज़्यादा प्राइस मिला है मार्केट से ओके देखिए क्या लिखा है नोट इन एक्सचेंज बायर डज नॉट नो अबाउट सेलर एंड सेलर डज नॉट नो अबाउट बायर क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट इस सेटलमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था एक्सचेंज हाँ जी बताइए टाइम वैल्यू कितना मिला होगा पांच सौ का थ्री रुपीज ले लो रुपीज ले लो उस दिन नहीं चल रहा होगा आपने स्टार्टिंग के बेसिस पे हाँ तो कांटेक्ट किया था तो फाइव हंड्रेड का था, तो उसका जो ए, जो था तो उसका उसका उस दिन तो उसका प्राइस सही महीने में पांच सौ से नीचे था उस दिन में उसकी प्राइस जो था सही महीने में देखा जाए तो हो सकता है ये फोर नाइन्टी का होगा अंडरलाइन का प्राइस कितना होगा बताइए बी का शेयर प्राइस फोर नाइन्टी तो हम लोग फोर नाइन्टी से थोड़ा ना कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो फाइव हंड्रेड से निकाल रहे हैं अब ध्यान से देखो ना आपको जो दस रुपये का अपॉर्चुनिटी बेनिफिट मिला था वो तो फाइव हंड्रेड में ऑलरेडी मिला हुआ है मिस्टर बी को क्योंकि मिस्टर बी ने बेचने के लिए अग्री हुआ था फाइव हंड्रेड में अब वो आज ये बोलेगा कि मुझे तो फाइव हंड्रेड का कम से कम महंगा मिला था तो मैं टाइम वैल्यू तो कमा लिया तो टाइम वैल्यू कमाया था कितने रुपये दस रुपये उसके बावजूद भी आप वन लाख रुपए गवा के बैठे हो सोच लो आप एक बार ध्यान से क्योंकि हमारा शेयर का प्राइस फोर नाइनटी ही था अगर मैं शेयर प्राइस से कंपेयर करूं तो हंड्रेड वेन का लॉस है उसको एक सौ दस रुपये का लॉस है लेकिन फिर भी हम कितने का लॉस बोल रहे हैं उनको सौ रुपये का क्योंकि आपने दस रुपए एक्स्ट्रा पे बेचा हुआ था ड्यू टू द टाइम वैल्यू दैल्यू टेन रुपीज क्योंकि उस दिन पे कितना चल रहा था फोर नाइनटी का मिल गया आंसर बढ़ सकते आगे चलिए अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं तो मैंने क्या बोला कि देखो जैसे अभी यहां पे कुछ लोग मैचिंग कराने लग जाते किसके साथ ए और बी के साथ और फीलिंग ले आते बीच में कोई फीलिंग नहीं लाना है मिस्टर ए को नहीं जान ए बी को नहीं जानता बी ए को नहीं जानता बात समझ में आ गया और यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग करोड़ों गंवा रहे होते लेकिन किसी को तकलीफ नहीं कोई देखता नहीं उसको कोई नहीं पहचानता उसको बात समझ में आ गया जैसे मान लीजिए ऐसे सोचो आप जैसे कभी कभी होते आप लोग भी कुछ फंक्शन पे कुछ कार्ड वगैरह प्ले करना शुरू कर देते होंगे पैसे के साथ दिवाली में चलो मैं यही बोलने वाला था मैं भी जाता हूं घर पे तो कभी कभी दिवाली या के टाइम पे कुछ बैठ के खेलने लग जाते हैं ठीक है कार्ड प्ले कर लेते हैं तब होता क्या है सामने वाले अब जहां बैठे तो हमें पता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है तो जब हम खेलने लग जाते हैं मान लीजिए वो हार गए और मैं जीत गया अरे कोई बात नहीं छोड़ दो क्यों छोड़ दिया बताओ क्योंकि मुझे पता है सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं क्यों लूँ उनसे पैसे है ना तो वहां पे क्या आ गया बताइए फीलिंग आ जाता है और मैंने छोड़ दिया इस बार भी मैंने दिवाली में अच्छा खासा कुछ था मैंने वाला। चलो छोड़ दिया है ना लेकिन मार्केट में वो फीलिंग नहीं आता है क्योंकि आपको पता है अगर मिस्टर ए कमा रहा है तो कोई तो है मिस्टर बी या मिस्टर सी जो गवा रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा चाहे वो पंखे पर लटकने वाले सिचुएशन में क्यों ना हो चाहे वो कर्जे में डूबे हुए इंसान क्यों ना हो हमें नहीं पता हम नहीं जानते हैं इसीलिए हमें कभी गम नहीं होता है मार्केट में आपको पता है जो करोड़ों कमा रहा है वो पता है कितने को रुला के कमा रखा है हो सकता है उन्होंने किसी का जान भी ले रखा है बहुत होगा बिल्कुल सही बोल रहे हो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों पता है क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे वजह से किसने सुसाइड किया हुआ है नहीं कर सकते ना कितना भी कर लो यही खासियत है एक मार्केट की यानी कि आपकी वजह से कोई पंखे पर लटक रहे लेकिन आपको बिल्कुल ही तकलीफ नहीं है इंडिविजुअल की वजह से कैसे लटक रहा है बट है ना कोई आप मुझे बताओ मार्केट में कोई करोड़ों कमा रहा है मार्केट में कोई करोड़ों कमा रहा है मतलब पता है कोई करोड़ों गवा रहा है और उस करोड़ों गवाने में से कुछ ऐसे जो कर्जे में डूबे हुए ठीक है क्योंकि वो इस उम्मीद से बार बार मार्केट में जा रहे थे इस बार तो हम ये सारे लॉस क्या कर लेंगे रिकवरी कर लेंगे मेरे पास एक बहुत बढ़िया पी एंडल मिलेगी अगर आपको दिखा भी दूंगा मैंने एक बार कभी यूट्यूब पे वीडियो भी डाल के बना रखा है ठीक है उसका पी एंडल मुझे आज भी मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन पिछले एक साल से शायद उसने ट्रेड नहीं किया है उससे पहले का आपको दिखेंगे एक एक साल में पाँच पाँच छ छ सात सात लाख की लॉस उसमें दिखेंगे आपको ठीक है और कमाता होगा कितना हो पचहत्तर के महीना कमाता है पचहत्तर हज़ार मल्टीप्लाई वे ट्वेल्व मोटा मोटा नाइन लाख का उसका सैलरी आता है इंजीनियर है वो है ना और छह छः सात सात आठ आठ लाख की क्या कर रखा है उसने लॉस कर रखा है बाद में कितना समझाया कितना समझाया कहते वो रिकवरी हो जाएगी ना वो एक वो तो सारे लॉस रिकवरी करने मुझे एक दिन लगेंगे क्योंकि उसने देखा हुआ है कौन सी वो मैंने एक बार बताया था ना दस हजार शाम को लगाओ तीन बजे के अराउंड और शाम तक दस लाख पहुंच जाएगा दस हजार कभी कभी बीस बीस लाख पहुंच जाएंगे उस दिन को देख के सोचते रहते अरे वो एक दिन में निकाल लूंगा मैं और उस रिकवरी के चक्कर में क्या करते रहते लगाते रहते लेकिन उसकी फाइनेंशियल बैकअप थी टॉप टेन कंपनी में काम करते हैं कौन सी टॉप टेन इंडिया के टॉप टेन कंपनी का नाम याद होगा आपको रिलायंस टी सी एस एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक विप्रो कहां से आ गया तो ट्राई करूंगा अभी इन्फोसिस इंफोसिस आई टी सी हिंदुस्तानी लिवर लार्सन एंड टिब्रो आईसीआईसी बैंक कोटक बैंक एस बी आई अच्छा टेन से ज्यादा हो गया तो उसको हटा दो टेन से ज्यादा मुझको हटा दो एस बी आई को हटा दो कोटक बैंक को हटा दो भारतीय एयर टेल को हटा दो क्योंकि थर्टीन लिया था हम लोगों ने हाँ बजाज फिनेंस को भी हटा दो ये चार को हटा दो तो बाकी दस बचेगी जो मैंने नाम लिया काउंट कर लीजिएगा इसी दस में वो काम करता है जिसकी मैंने बात कर रहा है अभी जो पाँच पाँच छः छः सात सात लाख की उसको पी में माइनस दिखेगी चलो वापस आते हम लोग कहाँ थे हम लोग कहीं तो थे यही खासियत है मार्केट की कि एक रो रहा होता है फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं होता है इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट मैंने यही बोला है क्योंकि ए बी को नहीं जानता बी ए को नहीं जानता तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सेटलमेंट की एक्सचेंज की अब लॉन्ग पोजिशन ऑलरेडी हमने डिस्कशन करा हुआ है क्या बताइए खरीदना लॉन्ग पोजिशन करना बेचना क्या हो जाएगा शॉर्ट पोजिशन अब ये सब चीज तो फॉर्मेलिटी पूरा कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे चीज कैलकुलेशन करके दिखा रखा है बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो टर्म लॉन्ग पोजिशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या बाई करना है आपको इक्विटी नहीं फ्यूचर

500 से आपको लगता है ऊपर जाके 600 पे जाने वाला है तो लॉन्ग पोजीशन वाले को फायदा होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बेनिफिशियल होने वाला है तो पहले आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट किधर जाने वाला है अगर ऊपर जाने वाला है तो लॉन्ग क्रिएट करो नीचे जाने वाला है तो शॉर्ट क्रिएट करो और इंतजार करो फिर एक्सपायरी का प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या बताइए जो कैश प्राइस है जिसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं अंडरलाइन के प्राइस को ही कैश प्राइस बोला जाता है मार्केट के टर्म में अब ये टर्म्स वगैरह जानना पड़ेगा जैसे राम घर पे जाते हैं रामू बन जाते पता है तभी तो उनको पता है ना अब घर पे गया और रामू बुला लिया किसी ने उसको पता ही नहीं कि मेरा नाम रामू भी है कहते रामू पानी लेके आ जा वो कहते मेरा नाम तो रामू है ही नहीं मेरा नाम तो क्या है राम मैं नहीं देता पानी तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ आपको ये पता होना चाहिए ना था कि कैश प्राइस किसको बोला जाता है कैश प्राइस किसको बोलते बताओ इक्विटी अब्लिक अंडरलाइंग प्राइस को ही कैश प्राइस बोला जाता है तो फ्यूचर का प्राइस कैसे निकालेंगे बताइए टाइम वैल्यू ऐड कर देंगे कैश प्राइस में कितना आसान है बताओ इसी पे क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें यह भी होता है कौन डिविडेंट अभी मैंने बोला है कि अगर एक डिविडेंट ना हो तो आपका फ्यूचर का वैल्यूएशन भी आ चुका है फ्यूचर का वैल्यूएशन आ चुका है टाइम वैल्यू ऐड करना है अब बोलोगे टाइम वैल्यू हम कितने रेट पे ऐड करेंगे अरे क्वेश्चन में दे रखा होगा रियल लाइफ में दिक्कत है ना आपको कि कौन सी टाइम वैल्यू ले क्या कहते हैं न्यूमेरिकल लाइफ में दिक्कत नहीं होती है क्यों नहीं दिक्कत होगी बताओ अरे वो बता रखा होगा कितने परसेंट का टाइम वैल्यू लेना है उतने परसेंट टाइम वैल्यू ऐड कर देंगे आगे हमारा फ्यूचर प्राइस अच्छा कितने दिन का टाइम वैल्यू लेंगे कितने दिन का टाइम वैल्यू लेंगे भाई जितने दिन बाद एक्सपायरी होने वाला है उतने दिन तो है का ही तो टाइम वैल्यू आनी है ना उसमें मैक्सिमम तीन महीने का मैक्सिमम तीन महीने उससे ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन करेंसी में तो एक साल तक जा सकती है ना करेंसी में ओके इक्विटी प्राइस कैश प्राइस कैश सेगमेंट प्राइस हमने ले लिया फोर नाइन्टी का इंटरेस्ट रेट ले लिया छह परसेंट का तो पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगा एक महीने का हमने कितने महीने ले रखा है बताइए थ्री मंथ तो थ्री मंथ का कितना हो जाएगा आपका जैसे, जैसे देखो एक मंथ का फ्यूचर इतने पे होना चाहिए टू मंथ का फ्यूचर इतने रेट पे जाना चाहिए थ्री मंथ का फ्यूचर इतने रेट पे जाना चाहिए जब आपका कैश प्राइस कितना होगा फोर नाइन्टी का और आप देख भी रहे थे एक वन मंथ का थोड़ा कम टू मंथ का थोड़ा ज्यादा थ्री मंथ का और ज्यादा आप चाहो तो इसमें चेक करके देख सकते हो और ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था ठीक है दीज प्राइस आर फेयर प्राइस ये जो हमने निकाला है ना ये क्या है हमारा सोच कहता है कि ये होना चाहिए इट मे डिफर फ्रॉम एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्सचेंज दैट इज प्राइस निगोशियटेड टूडे इन फ्यूचर सेगमेंट ये जो आपका फ्यूचर सेगमेंट में जो प्राइस निगोशिएट हो रही थी ना कौन सी वाले ये वाले अब कोई भी है जो भी सामने ये निगोशिएट किया गया प्राइस है तो ये जो प्राइस होगी आपका ये हमारा कैलकुलेट किए हुए प्राइस से डिफर भी हो सकता है जैसे आपने रिलायंस भी देखा था हम जो सोच रहे थे समथिंग सिक्सटी सिक्स आना चाहिए था वो कितना गया था बताओ सेवेंटी टू छाता है तो सेवन रुपीज का आपने कहते हैं डिफरेंस था नहीं फील आया कोई बात नहीं एक बार और ले लो कोई जल्दी नहीं है क्योंकि बस हो गया अगर इतना आपको समझ में आ गई ना तो समझ के चलो ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो चुका है कुछ है ही नहीं इसके अंदर अब बताओ इसमें क्या डिफ्रेंसेज लगा लोगों को डिफिकल्टीज लगा ये देखो कितने का प्राइस था ये ट्वेंटी फोर फिफ्टी फोर क्योंकि इसका प्राइस कितना था अंडरलाइन का प्राइस ट्वेंटी फोर थर्टी एट का तो जब हमने उसका प्राइस जब काउंट किया था निकालो सत्तर दिन का टाइम वैल्यू छः परसेंट से टू फोर थ्री एट प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाई सिक्स परसेंट डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी डेज क्योंकि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना कौन सी वाले अप्रैल वाले सेवेंटी डेज का कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमारा सोच कहता था कि ट्वेंटी एट रुपीज का टाइम वैल्यू होना चाहिए था टू फोर थ्री एट में यानी कि हमारा प्राइस कहता है ट्वेंटी फोर सिक्सटी सिक्स होना चाहिए ये कितना है बताइए ट्वेंटी फोर सेवेंटी टू क्या मैंने ये लैंग्वेज लिखा आपको समझ आया दीज प्राइस आर फेयर प्राइस हमने जो कैलकुलेटर पर निकाला है टू फोर सिक्स सिक्स दिस इज फेयर प्राइस विच मे डिफर फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्सचेंज अगर मैं कभी बोलता हूं एक्चुअल प्राइस तो यहां देखो कैसे बच्चे कंफ्यूज करता है एक्चुअल प्राइस का मतलब समझ जाता है क्या पता है? वो प्रिवेल कर रहा है वो वो नहीं नहीं टू, थ्री, समझ जाते हैं लोग एक्चुअल प्राइस तो ये अरे नहीं बाबा एक्चुअल प्राइस किसका डेरिवेटिव का जो कि हमारे कितने चल रहा है ये देखो ये है इसको समझने की कोशिश करो फील करना यहां बहुत मिस्टेक करते हैं मैंने पहले ही बोला है अरे जितने भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट सिर्फ प्राइस में मिस्टेक करते हैं क्योंकि तो पूरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ प्राइस घुमाएगा लॉस गेन निकालना ही खत्म हो गए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ है ही नहीं तो मुझे बताइए हमने जो निकाला टू फोर सिक्स हमने बोला कि देखो 6 का टाइम वैल्यू अगर मैं ऐड करता आज के प्राइस पे तो प्राइस आना चाहिए था टू फोर सिक्स सिक्स लेकिन ये जो लोगों ने जो डिसाइड किया है टू फोर सेवन टू ये रहा ये रहा ना कैसे डिसाइड किया बताओ ये रहा प्लस पे साइन पे क्लिक करो ये देखो ये जो लड़ा है ना लोगों ने जो लड़ाई किया है उस लड़ाई के अंदर कितना प्राइस लेके चला गया 2472 जो कि वो फेयर नहीं है हमारा फेयर कहता है 2466 का तो मैं अगर कहता हूं फेयर प्राइस प्राइस एक्चुअल से डिफर कर रहा है तो वो 2438 मत ले लेना क्योंकि तो वो किसकी प्राइस है अंडरलाइन अंडरलाइन को कभी मिक्सअप मत करना मैं कहता हूं कि क्रिकेट मैच होने वाला है हमने शर्त लगाया है तो मैं शर्त की प्राइस की बात करूंगा तो आप अंडरलाइन की प्राइस के बात पर चले जाना कि अच्छा क्रिकेट के मैच की प्राइस अरे मैच की प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं सर्त की प्राइस की बात कर रहा हूं और सर्त का प्राइस कैसे निकाला जाएगा करेंट स्पॉट प्राइस प्लस टाइम वैल्यू हमने जो टाइम वैल्यू निकाला उसके साथ मैच नहीं भी हो सकता उसको आप ऐसे भी फील एंटरप्राइजेस हमने सोचा था कि ग्यारह रुपये ऊपर टाइम वैल्यू होना चाहिए था उसका फ्यूचर प्राइस जबकि वो क्या हो गया था दो चार पांच रुपये नीचे ही था तो वो क्या था एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि वो प्राइस आपका कुछ और भी हो सकता है समरी भी बता रखा है समरी कंप्लीट करके देन हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेंगे देखो कैसे इक्विटी शेयर प्राइस कितना हो गया बताइए फोर नाइन्टी छह परसेंट का टाइम वैल्यू लिया हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया था देखो फोर 494 टू फोर 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 सेवन ये देखो ये क्या हो गया अच्छा ये अलग एग्जाम्पल ले लिया अच्छा ऐसा क्यों किया छह परसेंट पर एनम वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ यहाँ क्या किया मैंने अच्छा ओके ओके एक मिनट आओ इक्विटी शेयर प्राइस 490 का आज का छह परसेंट का टाइम वैल्यू सपोज इट इज मार्च फ्यूचर अच्छा एक ही फ्यूचर है एक ही फ्यूचर है कौन सी मार्च फ्यूचर ठीक है और टुडे इज फर्स्ट जनवरी अब ऐसे फील करो आज हम कहाँ नए साल पे खड़े हैं ये मार्च फ्यूचर है तो मार्च फ्यूचर का मतलब क्या हो गया बताइए एक काम करो इसको इसको अभी देखते हैं अभी ये ब्रेक के बाद देखते हैं ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये ये मेजर यही है यहीं से जाके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा क्लियर होगा तो हम इसको ब्रेक के बाद देखते हैं तो देखिए एक क्वेरी आ रहा है एक लाइव वाले का ये फर्स्ट टाइम कॉम्युनिकेट करे कौन है जी आकाश इतने दिनों से कहाँ थे जी आप लाइव में नहीं ज्वाइन करते थे इसका मतलब अच्छा पीछे जो बैठता है वो है इसीलिए फर्स्ट टाइम वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छा रोहिणी वाले है क्या ये हाँ जी इनका कहना ये है कि देखिए सर जो आपने बोला कि रिलायंस में जो टू फोर फाइव फाइव है वाले हैं वो तो बायर सेलर ने क्रिएट किया है कौन सी वाले प्राइस जो टू फोर फाइव फाइव प्राइस जो था अप्रैल वाले नहीं हमारा मार्च वाले था है ना मार्च वाले प्राइस कितना था टू फोर फाइव फाइव ये तो बायर एंड सेलर ने क्रिएट किया है बिल्कुल सही टाइम वैल्यू से जो प्राइस आना था वो निगोसिएटेड है जिनके बीच में जो डिफरेंस है जो आर्बिट्रेज होगा इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं इस वाले में डिफरेंस नहीं है कैसे इसमें तो एक्जैक्टली exactly मैच कर रहा था आपका एक रुपये का बस डिफरेंस था आई थिंक देखो कैसे अंडरलाइन का वैल्यू कितना है टू फोर थ्री एट तो टू फोर थ्री एट मल्टीप्लाई वे छः परसेंट का फिलहाल हम टाइम वैल्यू ले रहे जो कि फेयर एजमसन है अब हम ले रहे हैं फोर्टी डेज का तो डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई वे फोर्टी ये कहता है सिक्सटीन रुपीज का टाइम वैल्यू होना चाहिए तो सिक्सटीन प्लस टू फोर थ्री एट तो हमारे हिसाब से आता है टू फोर फाइव फोर टाइम वैल्यू को जोड़ के जो हमारा फेयर प्राइस आता है वो आता है टू फोर फाइव फोर और यहाँ पे टू फोर फाइव फोर पॉइंट फोर जीरो तो हम कह सकते हैं यहाँ तो जो निगोशिएटेड प्राइस है और जो कैलकुलेटेड फेयर प्राइस है उन दोनों के बीच में सिर्फ चालीस पैसे का डिफरेंस है तो आर्बिट्रेज की तो यहाँ सोचो ही मत हाँ, दूसरे वाले केस में जब यहां पे हम लोग गए थे कौन सी वाले में अप्रैल यानी हाँ, तो 247, तो है? है, जो फेयर टाइम वैल्यू के साथ जो कहता है वो और जो बायर सेलर ने जो निगोसिएट किया है वो ये बायर सेलर का निगोशिएटेड प्राइस है, हाँ इसमें आपका आर्बिट्रेज है कितने रुपए का जो भी छह रुपए के आसपास का डिफरेंस है वो आर्बिट्रेज है लेकिन उस आर्बिट्रेज को कमाने के लिए करना क्या होगा मैं बता देता हूं। आपको रिलायंस का शेयर एक बार खरीदना होगा एक बार बेचना होगा तो आप देखना टू फोर सेवन टू का अगर कोई शेयर खरीदने बेचने अगर जाता है ठीक है टू फोर सेवन टू का अगर कोई शेयर खरीदने बेचने अगर जाता है तो उस केस में क्या होगा टू फोर सेवन टू का अगर कोई शेयर खरीदने बेचने जाएगा तो इसका जो कॉस्टिंग आएगा एक काम करो वैसे तो डायरेक्टली ब्रोकर के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा कितना आता है एक्चुअल या तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो ठीक है तो मैं चलो इधर से जाके ही ब्रोकरेज दिखा देता हूँ आप कौन जाएगा ब्रोकर पे लॉग करने मैं जाता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रोकरेज कैलकुलेटर उससे ज़्यादा अच्छा वहीं पर लगता है क्या पता है ब्रोकर ही बता देता है इतना बस लॉग ही तो करना है हमें और क्या करना है हाँ जी ये मैंने यहाँ पे ब्रोकर के साइड पे जाके मैंने रिलायंस को ऐड कर दिया और एक मैंने रिलायंस एफ एंड ओ को भी ऐड कर दिया ठीक है ए, वो तो वो वाले सिस्टम आ गए ये देखो यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ बाई करने एक बार रिलायंस को तो देखिए यहाँ पे चार्जेस कुछ दिख रही है एक पे एक पे कितने रुपये का चार्जेस दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा है टू का मैं बाई करने जाऊं तो और यहाँ पे क्लिक कर दू तो सेल दिख जाएगा सेल की तरफ मुझे जाएगा टू रुपीज फिफ्टी फाइव पैसे का अब कैसे कैसे आया है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कहते एक पैसे का मैं ब्रोकरेज लूंगा आपका एक्सचेंज का टर्न फी हो जाएगा आठ पैसे का ट्रांजेक्शन एस ले लेगा ले आपको टू पैसे का है ना तो देखा जाए सरकारी ही ज्यादा है इसमें है ना बिल्कुल सही बोल रहे हो तो टू रुपीज फिफ्टी फाइव पैसे सेल पे चला जाएगा है ना और बाई साइड कितने जाएगा बस इस पर क्लिक कर देना यहां जो ऊपर ने टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ क्लिक करोगे तो बाई पे पहुंच जाएगा टू रुपीज नाइनटी बाई पे ज्यादा है ऐसे क्यों भाई सेल पे ज्यादा होनी चाहिए ना वेट, वेट वेट ऐसा नहीं होता है क्या चल रहा है ये बाई साइड भी ले रहा है, पैसे, सेल साइड भी ले रहा है, इक्विटी में दोनों साइड है क्या वो फ्यूचर में होता है एक सेकेंड यार से फ्यूचर है नहीं ये, मैंने इस फ्यूचर पे बाई करने के लिए डाला ये देखो फ्यूचर पे बाई करेंगे तो यहाँ बता रहे पचास रुपये देखो ये फ्यूचर है फ्यूचर के बाई साइड पे जीरो है दिख रहा है आपको स्टिटी जीरो और इसके सेल साइड पे अगर हम लोग जाएं तो ये कह रहे हैं नाइन्टी नाइन यानी कि आपको सिक्सटी रुपीज़ का एसटीटी है यानी कि इक्विटी साइड पे इक्विटी पे दोनों साइड आपका एसटीटी है अच्छा ये चेंज हुआ है रूल क्या मुझे तो याद था कि बाई साइड पे इक्विटी पे भी नहीं था चलो कोई नहीं हमारा एक कैलकुलेशन हो गई क्या वही बताइए टू रुपीज नाइन्टी टू पैसे यानी कि तीन रुपये बाई साइड पे जाएगी आपका सारा खर्चे और तीन रुपीज़ आपको सेल साइड भी जाएगा इधर टू रुपीज फिफ्टी फाइव पैसे यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो थ्री टू फाइव फाइव रुपीज़ फिफ्टी पैसे का क्या है आपके लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसको आर्बिट्रेज करने के लिए तो अब आप मुझे बताना कितने रुपये का यहाँ पर डिफरेंसेस था आपका कितने रुपए का डिफरेंसेस था छे रुपये का क्योंकि ट्वेंटी फोर सिक्स होना चाहिए और छह रुपए ट्वेंटी फोर थर्टी एट थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर थर्टी एट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड पॉइंट वन टू परसेंट का कॉस्ट आ रहा है नहीं समझे अगर कोई इक्विटी शेयर खरीदेगा तो उसका जो कॉस्टिंग आएगा ना पॉइंट वन टू परसेंट बेचेगा तो कितना आएगा पॉइंट वन टू परसेंट तो मोटा मोटा बोल सकता प्लस पॉइंट वन टू क्या ऐसे समझ जाओ एक बार शेयर खरीदना और बेचना है तो आपकी जो खर्चे हैं एस टी टी मिला के पॉइंट टू फाइव परसेंट आ जाएगा समझ में आ गया कुछ बात माइंड में सेट कर लो आप आगे से बहुत बार काम आएगा यहां पे कैश सेगमेंट में कोई अगर खरीदने और बेचने जाएगा किसको इक्विटी को तो पॉइंट वन टू परसेंट एक साइड का खर्चा पॉइंट वन टू परसेंट एक साइड का खर्चा तो टोटल खर्चा आपका पॉइंट टू फाइव परसेंट आ जाएगा मतलब अगर रिलायंस में कोई आर्बिट्रेज करने की सोचोगे तो छः रुपये का आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और यहाँ पे कितने का मिस प्राइसिंग दिख रहे हैं सिक्स रुपीज का हम कह सकते हैं कि वो आर्बिट्रेज नहीं कर पाओगे आर्बिट्रेज का मतलब होता है बिना किसी रिस्क का प्रॉफिट कमाना यानी कि जितने का मिस प्राइसिंग मिलेगा उतना हम लोग रियलाइज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोई रियलाइजेशन हमारा नहीं हो पाएगा ठीक है यहां तक चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते यहाँ पे हाँ जी उनके डाउट का क्लियरेंस मिल गए अब हम बढ़ते आगे आइएगा एक एग्जाम्पल में लेता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है अगर ये समझ आ गई तो समझ जाना कि फ्यूचर का आपका एक मोटा पोर्शन आपका क्लियर हो गया तो हम यहाँ पे क्या कहने जा रहे हैं ये देखिए थ्री मंथ का फ्यूचर चलता है हमने एक एग्जाम चलो यहीं पे ले लेते हैं यहाँ पे ले ही रखा है बस ऐसे समझो आप हमने क्या सोचा कि देखो 490 का आज का प्राइस है स्पॉट प्राइस किसी ए बी शेयर से का 6 परसेंट का टाइम वैल्यू ले रखा है हमने और सपोज इट इज़ मार्च फ्यूचर और आज हम स्टैंड करते हैं फर्स्ट जनवरी को सही है तो फर्स्ट जनवरी को हम अगर स्टैंड करते हम यहाँ पे आज हैं कोई दिक्कत नहीं कैश प्राइस कितने का है फोर का हमने फ्यूचर कौन से लिया है जल्दी मार्च फ्यूचर कितने महीने हो गए थ्री मंथ तो छः परसेंट का टाइम वैल्यू है कितने दिन का एक साल का तो एक मंथ का कितना होगा छः डिवाइड बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट तीन महीने का कितना टाइम वैल्यू होगा वन पॉइंट फाइव परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट ओके तो आप मुझे बताइए जब कैश प्राइस फोर नाइन्टी होगा मतलब अंडरलाइन का प्राइस जिसपे शर्त लगाना है वो अंडरलाइन का प्राइस शेयर का प्राइस अगर फोर नाइन्टी होगा तो तीन महीने का फ्यूचर प्राइस कितना होगा तो तीन महीने का तो थ्री परसेंट तो फोर नाइन्टी मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव परसेंट उसका टाइम वैल्यू सेवन रुपीज थर्टी फाइव पैसे होना चाहिए तो आपका प्राइस कितना होना चाहिए बताइएगा फोर नाइन्टी सेवन पॉइंट थ्री फाइव ये देखो फोर नाइनटी में तीन महीने का टाइम वैल्यू एड हो जाना चाहिए अगर कोई प्राइस निकालेंगे तो फोर नाइनटी सेवन पॉइंट थ्री फाइव यानी कि इसका मतलब आज मैं एन में, में जाऊं तो मुझे इक्विटी सेगमेंट में फोर नाइन्टी का प्राइस दिखेगा और फ्यूचर सेगमेंट में कितने का प्राइस दिखेगा फोर नाइन्टी सेवन पॉइंट थ्री फाइव का अब क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट किसी ने लगा लिया मिस्टर ए मिस्टर बी ने मिलकर शर्त लगा लिया और अब ये इंतजार कर रहा होगा किसका मार्च एंड का इंतजार कर रहा होगा क्या होता है टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया आ गए फर्स्ट ऑफ फरवरी कौन सी टाइम आ गए हमारा फर्स्ट ऑफ फरवरी कितने दिन बीत गए महीने आपको पता है स्पॉट प्राइस बदल चुका होगा सही है स्पॉट प्राइस बदल चुका होगा मैंने बोला कि देखो स्पॉट प्राइस पहुंच चुका है 500 पे कितना पे पहुंच गया 500 पे स्पॉट प्राइस पहुंच गया फर्स्ट फरवरी को तो क्या इस दिन मार्च फ्यूचर अभी भी चल रहा होगा क्योंकि जब तक एक्सपायरी नहीं आएगा तब तक तो ट्रेड होता रहेगा होता रहेगा रहे हो। तो क्या यहां पे बायर सेलर बोली लगा रहा होगा इस पर कितने रेट पर बोली लगा रहा होगा आप मुझे निकाल के बताओगे कितने रेट पे बोली लगा रहा होगा ये आप मुझे बताओगे हाँ जी मुझे बस प्राइस बता दो कि फर्स्ट फ़रवरी को फर्स्ट फ़रवरी को कैश सेगमेंट में भी प्राइस चल रहा है उस दिन 500 चल रहा है तो आपको पता है उस दिन फ्यूचर भी ट्रेड हो रहा होगा किस दिन हम अभी फर्स्ट फरवरी को खड़े हैं हम मार्केट में गए और डेरिवेटिव सेगमेंट में मैंने मार्च फ्यूचर सेलेक्ट किया तो क्या प्राइस दिखना चाहिए उचित प्राइस 505, 505, 505 आप लोग कह रहे हो यानी कि ध्यान से सुनिए जो टाइम वैल्यू आपने थोड़ा देर पहले सेवन रुपीज समथिंग का रखा था क्योंकि फोर नाइन्टी का कैश प्राइस तो आपने बोला फ्यूचर सेगमेंट में इसकी प्राइस होना चाहिए फोर नाइन्टी सेवन आपने कितने का टाइम वैल्यू लेकर ट्रेड कर रहे थे सेवन रुपीज थर्टी फाइव पैसे का अब आप क्या कह रहे हो इसकी प्राइस 505 होना चाहिए। याद रखना कोई हिंट नहीं लेना जब भी कोई चीज पूछता हूँ लिखा, तो लिखा, लिखा हुआ देखते ही ना माइंड में आपका माइंड सेट जाता है तो आप कह रहे हो फाइव रुपीज आपने कैसे किया क्योंकि फर्स्ट फेबर को वो मार्च फ्यूचर के लिए कितने दिन बचा होगा फेबर और मार्च टू मंथ तो सिर्फ वन परसेंट का ही टाइम वैल्यू होगा हो इस बात को तो इस केस में देखो फ्यूचर प्राइस जो होगा ना जितना हमारा फाइव हंड्रेड का प्राइस है उसमें ओनली टू मंथ का टाइम वैल्यू होगा तो ये बन जाएगा आपका फाइव जीरो फाइव अभी कितना आराम से आप लोगों को समझ आ रहा है जबकि यही चीज जब क्वेश्चन में करने जाता हो तो मिस्टेक ही मिस्टेक और आपको बताओ इंस्टीट्यूट भी मिस्टेक करते हैं यहां पे वैसे सात सात साल में इंस्टीट्यूट ने अपने करेक्शन किया हुआ है फिर भी अभी दो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक चल रही है टाइम वैल्यू का एडजस्टमेंट का आपको आगे बताएंगे आइएगा आगे अब पहुंच गए हम लोग फर्स्ट मार्च को अब तो आपको समझ आ गया जब पहला ही ठीक कर लिया तो पहले बार ऐसे समझ आ जाएगा आपको पता है फर्स्ट मार्च तक कैश प्राइस आपका गिर गया होगा आपको पता है जब कैश प्राइस गिर गया तो फ्यूचर प्राइस भी गिर चुका होगा हाँ या ना गिरा लेकिन अभी भी फ्यूचर कैश से ऊपर होगा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा अभी पूरा का पूरा कोरिलेट कर पाओगे आप तो आप मुझे बताइए फोर एटी ठीक है तो आप मुझे बताओ फ्यूचर प्राइस कितना होना चाहिए वन मंथ का टाइम वैल्यू क्योंकि हम फर्स्ट मार्च पे स्टैंड करता है मार्च एंड में एक्सपायरी हो जाएगी तो जिस दिन पे हमारा मैच खेला जाएगा मैच खेलने के टाइम तक का वन मंथ बचा हुआ है तो वन मंथ का टाइम वैल्यू होना चाहिए तो पॉइंट फाइव परसेंट का टाइम वैल्यू तो आपने क्या करा फोर एटी पे पॉइंट फाइव परसेंट टाइम यूज किया टाइम वैल्यू एड किया तो पॉइंट फाइव परसेंट यह अमाउंट हो जाएगा फोर एटी टू पॉइंट फोर जीरो फोर एटी टू पॉइंट फोर जीरो हमारा क्या बन जाता है वन मंथ का फ्यूचर प्राइस मजे की बात सुनो मार्च एंड आ गया यानी कि एक्सपायरी डेट आ गया कैश प्राइस हो गया फाइव फाइव हंड्रेड टेन का बताइएगा फ्यूचर प्राइस कितना जाएगा कितना क्या बात है मज़े की बात कर दी आप लोगों ने और टाइम वैल्यू किस बात का एक्सपायरी पे आपका फ्यूचर वैल्यू क्या होना चाहिए सेम तो याद रखिएगा आप लोगों के फ्यूचर पढ़ते पढ़ते आपको एक्सपायरी दिख जाएगी फ्यूचर पढ़ते पढ़ते आपको एक्सपायरी दिख जाएगी एक्सपायरी डेट जाके मैच करा लीजिएगा आपका कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों आपको क्या दिखेगा सेम दिखेगा ये देखो दिस इज कैश प्राइस दिस इज फ्यूचर प्राइस आपको दोनों सेम दिखेगा पांच दस पैसे का डिफरेंस होता है नहीं नहीं ये तो प्राइस है चार्जेस तो आपको जब ट्रेड करने जाओगे तो तो अलग से रहेगा ना वो तो अलग से ही रहता है हमेशा सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं अभी प्राइस की तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहां पे और यहां पे देखो गैप गया, आपका ज्यादा मिलेगा याद रखना ये ट्रेड सेम डे पे हो रहा है यही आपको इक्विटी सेगमेंट में और ये आपको फ्यूचर सेगमेंट में दिखेगी ठीक है तो कोई किसी को डाउट नहीं क्या मैं इसको टाइम लाइन पे यहां पे इस तरीके से ग्राफ बनाऊं तो समझ सकते हो क्या देखो अगर कोई इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसा ग्राफ बनेगा पता है आपको फ्यूचर और स्पॉट का कोई ग्राफ बनाना चाहेगा तो मैं बताता हूं देखो मान लीजिए यहां पे प्राइस था कैश ये ऐसे गया ऐसे गया मान लीजिए ऐसे पहुंचा ठीक है मैं उसी का ग्राफ नहीं बना रहा हूं। कोई भी एक ग्राफ बना रहा हूं तो कैश और फ्यूचर की क्या रिलेशन होता है देखना ये अगर कैश होगा ना तो फ्यूचर कैसे जाएगा देखो यहां ऐसे चलेगा देख लो होप आपको फील आ रहा होगा धीरे 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 क्या होगा देखो टाइम वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा याद रखना कैश बढ़ेगी फ्यूचर भी बढ़ेगी कैश घटेगा फ्यूचर भी घटेगा लेकिन कैश से फ्यूचर हमेशा ऊपर रहेगा धीरे 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 क्या हो जाएगा आपका इस पे आ जाएगा इंट्राडे में कभी कभी आपको अप डाउन दिख जाता है इंट्राडे में कभी कभी क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कभी कभी अप डाउन हो जाता है मैं आपको बता दूं कभी रियल लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन दिख जाएगा मतलब क्या हुआ पता है कुछ 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 सेकंड 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 के 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 लिए कुछ के लिए कैसे कुछ के लिए कैश से फ्यूचर सीधा वो जानबूझ मार्केट होती हो वो फ्यूचर में क्या करेगा एकदम से मार्केट ऑर्डर डाल देगा कोई कोई बड़े क्वांटिटी का फ्यूचर में मार्केट ऑर्डर डाल देगा एकदम से क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा लेकिन अंडर इक्विटी uh, में नहीं गया क्योंकि आपको पता है इक्विटी का बोली लगाने वाले मार्केट डेफ्थ अलग है फ्यूचर का बोली लगाने वाले मार्केट डेफ्थ अलग है मतलब ये समझ आ रहा होगा क्योंकि आपको पता है ये भी प्राइस जो डिसाइड हो रहा है ना कैश का ये फ्यूचर है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेट आपको फ्यूचर को इंडिकेट करता है ये कैश यानी कि स्पॉट मार्केट यानी कि इक्विटी को भी बोल सकते हो सी मतलब कैश सेगमेंट इक्विटी सेगमेंट तो इक्विटी सेगमेंट में और फ्यूचर सेगमेंट में ऑलमोस्ट आपको हमेशा नाइनटी फाइव परसेंट केस में 95% केस में ऐसे ही ग्राफ दिखेगा 5% केस में क्या होता है मिसप्राइसिंग दिख जाता है वो मिसप्राइसिंग आपको कुछ सेकंड के लिए होता है कभी कभी 30 सेकंड कभी कभी 10 सेकंड ऐसे मिलते हैं आपको वो जब आप रियल लाइफ में ट्रेड करने जाओगे तो आपको दिखेगा खास करके स्टार्टिंग के पांच मिनट में तो कुछ ज्यादा ही होता है स्टार्टिंग के नाइन से लेकर नाइन के बीच में तो कुछ ज्यादा ही होता है ठीक है अगर मौका मिला मौका मिलेगा नहीं आप लोगों का वैसे जब मॉर्निंग बैच होती है तो हर दिन मौका मिलता है क्योंकि मेरा फेवरेट ट्रेड है बी टी जैसे अभी डेरिवेटिव ट्रेड शुरू हुई ना ठीक है तो आज अगर मॉर्निंग के क्लास होता तो मॉर्निंग में ट्रेड लेके मॉर्निंग में नहीं 3:30 में ट्रेड लेता जब क्लास नहीं है और जब क्लास चल रहा होता उस टाइम उसके सामने में क्या करता एग्जिट करता क्योंकि नौ बजे होते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट ट्रेड है उसमें मुझे कोई डर नहीं लगता है मेरे को बी टी एस टी में डर नहीं लगता है मुझे तीन के अराउंड तीन बजे से लेकर तीन में मुझे एंट्री लेना है और सुबह नौ बज के पंद्रह मिनट में एग्जिट करना है वो मेरा सबसे फेवरेट ट्रेड है अस्सी परसेंट या होती है मेरे उसमें है ना तो वो मैं ट्रेड लेता हूँ एकदम बिंदास लेता हूँ जब भी, भी मेरे को बोला कोई तो आधे घंटे में वो ट्रेड ले सकता हूँ हाँ लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ नहीं अगर आप लोग आना चाहोगे तो आ सकते हो एक दिन क्यों मैं तो अभी फ्री हूँ अभी मेरे को जो रोहिणी अभी जाना होता था अभी कुछ दिन के लिए मैं अभी नहीं जा रहा तो आप मैं तो मॉर्निंग में फ्री हूँ अगर आप लोग को टाइम मैनेज हो जाता है तो मैं मॉर्निंग में करा दूंगा हाँ तो मंडे ही होगा हाँ मंडे से फ्राइडे के बीच में ही करना पड़ेगा ना संडे तो वैसे भी कल मॉर्निंग है संडे तो वैसे भी मॉर्निंग में है ना <coughs> कोई बात नहीं ठीक है अगर आप लोग मंडे मॉर्निंग में आना पसंद करोगे तो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक और भी चीज़ होगा ना हाँ ट्वेंटी <coughs> थर्ड के बाद ठीक है वो भी देख लेंगे क्योंकि मैं मंडे को शाम को ट्रेड लूँगा तो एग्जिट कब करूँगा ट्यूजडे को तो आप लोग ट्यूजडे को आके देख सकते चलो वापस आइए वो मॉर्निंग के फाइव मिनट जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इसमें जो है ना मिसप्राइसिंग दिखती है मिसप्राइसिंग क्या दिखेगा स्पॉट और फ्यूचर दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा कभी फ्यूचर नीचे चला जाएगा ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं दिखेगा फ्यूचर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं दिखेगा ज्यादातर केस में नीचे दिख जाता है कैसे अब ऐसा क्यों होता है वो डिमांड सप्लाई है डिमांड सप्लाई कैसे क्योंकि आपको पता है जब भी कोई मार्केट में ट्रेड करने जाता है तो आपको पता है देखो कैश सेगमेंट की जो बाई सेल डेफ्थ होगा ये देखो ये कैश सेगमेंट है होप दिख रहा होगा ये कैश सेगमेंट का बायर सेलर है यहाँ पे बायर सेलर की भीड़ अलग चल रही होती है और इससे एल डिसाइड होता है ये देखो नीचे कुछ लिखा हुआ है रिलायंस फेबरी फ्यूचर थोड़ा सा आपको तो बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उधर लैपटॉप पे तो बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे बड़ा नहीं हो पाता जैसे बड़ा करते मेरा पेज हैंग हो जाएगा फिर इधर उधर कुछ मूवमेंट नहीं होगी और मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाता है तो यहाँ पे मैं अगर जैसे क्लिक कर लिया अरे भाई साहब तुम क्या दिखाना चाह रहे दिस कॉन्ट्रैक्ट विल भी फिजिकली सेटल्ड हाँ पता है मुझे फिजिकली सेटल्ड तुम इसको हटाओ ना अब कैंसिल करो मैं इसमें देखो अब दो दिख रही है आपको मार्केट डेप्थ ये जो मार्केट डेप्थ दिख रही है अभी आपको नीचे वो किसका सेल है वो फ्यूचर का देखो फ्यूचर लिखा हुआ वहाँ पे फेबर फ्यूचर और ऊपर वाले कौन सी है इक्विटी का तो यहां बायर सेलर जो लड़ रहा होगा यहां पे कोई मार्केट ऑर्डर डाले बाई की तरफ तो एकदम से शार्प मूवमेंट किस में होगी इक्विटी में और जब तक शार्प मूवमेंट इक्विटी में हो जाएगा कोई जरूरी थोड़ा कि फ्यूचर वाले को पहले से पता है पहले से पता है कि कोई वहां पे दो लाख क्वांटिटी का मार्केट ऑर्डर डालने गया ऊपर की तरफ वो सेकंड में मूव हो जाएगा और इसको मूवमेंट होने में वैसे तो मैं बता दू रियल टाइम की गैप चलती है मुझे तो कभी कभी लगता है कि पॉसिबल कैसे हो जाता है

अभी मार्केट में प्राइस दिख रही होगी ट्वेंटी फोर समथिंग और अगला ही सेकंड स्क्रीन पे कितना दिखेगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आपको पता है इसमें भी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दिखेगी किसमें फ्यूचर में मुझे आज तक ये नहीं समझा भाई ऐसे कैसे होता है तो एक ही चीज में हो सकता है कि मैं अगर ऊपर डाल रहा हूँ प्राइस इतने चौबीस करोड़ की ऑर्डर तो कहीं ना कहीं मैं पोजिशन नीचे भी बना रहा हूँ बात समझ में आ गया तभी तो उन्हीं इंसान को पता होगा कि सेकंड में दोनों तरफ अगर एक ही बार एंट्री डाली तो दोनों तरफ क्या होगा सेकंड का भी गैप नहीं होता यहां पे तो ये कभी कभी जब मार्केट को देखते हैं तो कभी कुछ लोग नहीं कहते मार्केट को पहले से पता होता है इसीलिए कभी कभी मुझे एकदम बिल्कुल ही अनबिलीवेबल थिंग्स लगती है मार्केट मुझे क्योंकि भाई सेकंड के तो गैप हो ना भाई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का तो गैप हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी गैप ना हो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा सोचो यहां इक्विटी की बोली लग रही है इस कमरे में उस कमरे में लग रही डेरिवेटिव की बोली और जब यहां अगर प्राइस बढ़ गई उसी सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस कमरे में बोली प्राइस बढ़ रही है इसका क्या मतलब होता है समझाइएगा आप मुझे इसका मतलब कि सेम बंदे इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है उधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है तब ये पॉसिबल है अदरवाइज सेकंड का तो गैप आएगा मान लीजिए मैंने यहां मार्केट और डाल दिया इस कमरे में इक्विटी पहुंच गया पच्चीस सौ पे फ्यूचर वाले ने दिखा रहा है इक्विटी तो पहुंच गया पच्चीस सौ पे तो उसके बाद फ्यूचर जाता है एक सेकंड बात तो समझ आती है ना ऐसा ही नहीं उधर पच्चीस सौ दिखेगा अगले बार स्क्रीन पर इधर भी पच्चीस सौ दिखेगा समझ में आ गया तो ये सब चीज जो है ना आपको कभी कभी जब मार्केट को दिल से समझने लगोगे तो अगर यार ये हो कैसे जाता है अब होता है तो होता है अब इसमें क्या कह सकते हो तो इसीलिए मैंने बोला है 95% फाइव परसेंट केस में यही ग्राफ आपको दिखेगा कैश और फ्यूचर के अंदर 5% परसेंट केस में मिसप्राइसिंग हो जाता है उस सेकंड की गैप आ जाती है इक्विटी बढ़ जाएगी लेकिन फ्यूचर नहीं बढ़ेगी मान लीजिए एक इक्विटी एकदम से बढ़ गई लेकिन फ्यूचर वहीं के वहीं रह गए तो सेकंड का मिस प्राइसिंग आपको दिख जाएगा ठीक है तो उस केस में ग्राफ ऐसे नहीं दिखेगा कभी आपको ओवरलैप करते हुए अपडाउन आपको दिखेगा आप ग्राफ में कंपेयर करना अपडाउन दिख जाएगा पूछो जी ये टाइम वैल्यू है वो तो टाइम वैल्यू है अच्छा इधर हाँ इधर वही टाइम वैल्यू का गैप होगा देखो कितने का गैप दिख रहा है तीन रुपए का नहीं ये तो क्लोजिंग की बेसिस पे ऐसा हो रखा है इसको हाँ दोनों एवरेज प्राइस अभी दिख रहा है और एवरेजिंग में स्टार्टिंग अच्छा के पांच मिनट और एंडिंग के टाइम पे जो होती है ना अब तीन तीस में सबकी हालत खराब होती है तीन तीस पे जिसकी पोजिशन ओपन है ना वो बिना कुछ दिमाग लगाए मार्केट ऑर्डर डालता है जैसे हम लोग की कभी कभी पोजिशन ओपन होती है या कभी एंट्री लेना होता है क्योंकि मैं तीस मैं 259 तक एंट्री लेने वाले इंसान हूँ क्योंकि मेरे को बीटीएस टी एस्टिविटी करना होता है बी टी एस टी मतलब बाई टूडे सेल टूम एस्टिविटी मतलब सेल टूडे बाई टुमोरो आज सेल करूंगा कल मैं बाई करूंगा लेकिन मैं जाता हूँ किस सेगमेंट सेग्में, में डेरिवेटिव सेगमेंट में कभी कभी तो 259 पे जाके मुझे ऑर्डर लेना होता है 259 तो ज्यादा जल्दी हो गया 259 59 सेकंड तक मैंने ऑर्डर एंट्री लिया हुआ है उस टाइम पे कुछ नहीं दिमाग काम करता है सीधा कुछ ना जो चल रहा है चल रहा है भाई डालना है बस ऑर्डर मुझे उस टाइम ये प्राइस नहीं देखना होता है कि क्या चल रहा है अब बोलोगे ऐसा क्या मजबूरी आ जाता है मजबूरी मेरा ऐसा होता है क्योंकि मैं जब भी कभी अगर ट्रेड लेता हूं तो ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क होता है ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क होता है अब मैंने क्या किया मैंने दो ट्रेड ढूंढा एक ट्रेड ढूंढा बाई साइड का एक ट्रेड ढूंढा सेल साइड का अब मैं लिमिट ऑर्डर डालता हूं क्योंकि एक एक रुपए के गैप में दो दो तो हजार तो की प्राइस में डिफरेंस दिफ्र, चला जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का होता है अभी आप देख चुके हो छह लाख से नीचे का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नॉर्मली होता नहीं है अब छह लाख का एक कॉन्ट्रेक्ट ले रखे उसमें एक एक पैसे के पांच पांच, -पांच दस दस पैसे में बहुत ज्यादा अमाउंट का डिफरेंस जाता है होता है क्या है मैंने बाई ऑर्डर डाल दिया अब हर हाल में मुझे क्या करना है सेल ऑर्डर लेना ही लेना है मैं क्यों बता दूं मैं आपको क्योंकि रात में अगर कुछ हो गया अनहोनी हो गया जैसे अनहोनी हो रखा था डीमोनेटाइजेशन की डीमोनेटाइजेशन की अनहोनी मैंने अपने लाइफ में रियल लाइफ में देखा हुआ है, है ना <laughs> सुबह उठते ही सबकी कैपिटल जीरो आपको दिखाऊंगा मेरे पास स्क्रीन भी अवेलेबल है सत्तर सत्तर लाख की लॉस बुक करा है डिमोनीटाइजेशन के अगले दिन मॉर्निंग में कुछ मेरे जानने वाले टीचर ही है जो पढ़ाते हैं यहाँ पे सेवनटी लाख का लॉस बुक करा था डिमोनीटाइजेशन के दिन जबकि अगर वो सेवनटी लाख का वो खुद नहीं बुक करा ब्रोकर ने बुक करा अब ब्रोकर ने क्यों बुक करा क्योंकि आपको पता है डिमोनाटाइजेशन दिन दो दो बैड न्यूज आई थी एक तो डिमोनीटाइजेशन की रात में ही आ गई न्यूज तो रात में आ गई तो मार्केट जब ओपन होगी तो गैप डाउन ओपनिंग होगी बुरे न्यूज़ की वजह से और ऊपर से ट्रंप का भी रिजल्ट वो क्या कहते हैं ट्रम्प उसकी यू एस की जो रिजल्ट मतलब ट्रम्प जो आ रहे हैं इलेक्ट हुआ है वो भी न्यूज उसी दिन आई ठीक है और लोगों का मानना था कि ये ट्रम्प जो है ना वो वो ठीक नहीं है उनकी जो नेचर है वो अलग टाइप के है ये देश के लिए ठीक नहीं है तो दो दो डबल डबल बैड न्यूज आई एक ही दिन में तो क्या हुआ बताए क्योंकि मार्केट उसका न्यूज़ पहले आ गई तो मार्केट एकदम से क्रैश हुई और मार्केट जब क्रैश हुई तो सबकी मार्जिन शॉर्ट पड़ी अभी मार्जिन मुझे बताना है सिक्योरिटी मनी जो दिया ना बीस परसेंट सबकी बीस परसेंट शॉर्ट पड़ी तो अब उस केस में क्या करेगा ब्रोकर का तो रूल है भाई तो आपके पास अकाउंट में मार्जिन नहीं है तो मैं आपके अकाउंट में ऑर्डर को एग्जिट कराऊंगा ठीक है एग्जिट करा दिए अब होते ही कुछ लोग क्या होते हैं जब सबको पहले से पता है कि मेरा मार्जिन शॉर्ट होने वाला है तो लोग क्या करते हैं जैसे क्योंकि उनको पहले पता चल चुका है जिसने ट्रेड लिया है ओवरनाइट पोजीशन उनको पता है कि कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगी अगर मेरा बाई पोजीशन है तो मैं रोड पे आने वाला हूँ बाई पोजीशन है तो मैं रोड पे आने वाला हूँ कैसे बताओ क्योंकि मैंने बाई किया होगा हजार रुपये पे ठीक है ये नौ सौ ओपनिंग होने वाला है सौ सौ रुपये का क्या होने वाला है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी तो मुझे तो लॉस होना ही कन्फर्म है तो जब मुझे पता है मेरे अकाउंट में पैसे शॉर्ट होगी तो मैं पैसे डाल देता हूँ पहले ही पैसे डाल नहीं सकते थे <coughs> सोचो क्यों सारे बैंक बैंक फ्रीज थे कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहीं कोई कुछ नहीं कर सकते हो आप इवन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सारे फ्रीज थे आपका तो अब आप क्या होगा बताओ जा ही नहीं सकते ना आप पैसे डाल भी नहीं सकते आप पैसे नहीं डाल सकते मार्जिन हो गई आपके शॉर्ट मार्जिन शॉर्ट का मतलब क्या हुआ जो एडवांस मनी दिया था ना वो एडवांस मनी आपको कुछ लेवल तक आपको झेलेगा ना अब जितना मार्जिन डाला था उससे ज़्यादा लॉस हो गया तो ब्रोकर कहते हैं अब इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते आपके एडवांस मनी नहीं है अकाउंट में मैं आपको एग्जिट कराऊंगा लॉस बुक करूंगा आपका ब्रोकर लोगों ने लॉस बुक कर दिए और उसके बाद वो क्या हो गया बाउंस होकर वापस आ गए पॉजिटिव में मार्केट बंद हुई तो उनके लिए सोचो अगर ब्रोकर सुबह नहीं लॉस बुक करता तो सत्तर लाख का लॉस उनका नहीं होता एक कॉन्ट्रैक्ट में बजाज फिनेंस में सत्तर लाख का लॉस बुक करा हुआ है अब इमेजिन कर सकते हो हाँ अगर शाम तक अगर नहीं एग्जिट कराया होता तो वो मार्केट पॉजिटिव बंद हुई थी मार्केट पॉजिटिव बंद हुई थी यहीं पे कहीं पे दिख रहा है लॉकडाउन कहीं पे दिख रहा है क्या स्क्रीन पे देखना सर डीमोनेटाइजेशन कहीं दिख रहा है डीमोनेटाइजेशन नहीं दिख रहा है ये रहा ये है ना डीमोनेटाइजेशन ये देखो उसी का स्क्रीनशॉट है तो बोलोगे मेरे पास कैसे है कि किसी का सत्तर लाख का लॉस मेरे पास कैसे है उसका भी वह अच्छा खासा लंबा कहानी उसको छोड़ो अभी इसमें देखो को बजाज फिनंस दिख रहे है? कहीं पे देखो बजाज फिनंस ऑटो तो है ये बजाज ऑटो तो नहीं बजाज फिनंस ठीक है ये देखो आपका ये पच्चीस हजार क्वान्टिटी है बाई साइड में देख रहे हो आप पच्चीस हजार क्वान्टिटी बाई साइड में है बाई प्राइस कितने का है नाइन फोर्टी वन का और देखो सेल प्राइस कितने का है एट फोर्टी थ्री का इसमें आई थिंक होगा चौबीस लाख का लॉस ये देख रहे आपका माइनस है ऊपर 24 लाख का लॉस हो जाएगा आपका एक अकाउंट है दूसरे अकाउंट में भी था 25000 क्वांटिटी मतलब 50000 क्वांटिटी क्वान्टिटी थी उनके पास बजाज फिनेंस का अकेला अकेला ओनली बाई साइड का बात समझ में आ आगे था था। ब्रोकर एग्जिट करा देता है आपको बाई किया हुआ था ना पहले से उसेल करके आपको लॉस बुक कर देगा बात समझ में आ आगे अब मेरे लिए क्या था देखो अब ये कैसे हैं चलो बता देता हूँ क्योंकि जिन सर का ये अकाउंट है मेरे पास पहले पैसे नहीं होते थे ठीक है हाँ नहीं होते थे तब नहीं होते थे तो अब फ्यूचर में कैसे ट्रेड करें तो सर को ही बताया था कि सर ने एक बार ऐसे ही बात हुई तो बोला कि ठीक है तुम तो ट्रेड करते रहते हो तो मैं भी मैंने ही बोला था कि सर आप मतलब मेरे से सजेशन लेना चाहता था तो मैंने ठीक है अकाउंट ओपन करा लीजिए तो अकाउंट ओपन करा था तो फिर स्टार्टिंग में मैं नहीं बोला कि ठीक है लॉस होगा तो मैं बियर कर दूंगा प्रॉफिट होगा तो ठीक है आपका लाइए मैं आपका अकाउंट ट्रेड कर देता हूँ पैसे रखे थे सर ने तीन लाख रुपये उसमें तो उसी के अकाउंट से मैं ट्रेड करता था तो मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड हुआ करते थे तो वो जब 2014 की बात है ये उस टाइम जब 2014 से मेरे पास इस अकाउंट का पासवर्ड और नेम हुआ करते थे जब जब बदलना होता था तो सर मुझे दे दिया करते थे ठीक है तो उस टाइम पर भी टू में हुई थी लॉकडाउन सॉरी डिमोनीटाइजेशन तो उस टाइम भी मैं ट्रेड तो नहीं हाँ सिक्सटीन में हुई थी आठ आठ नवंबर आठ नवंबर रात को आठ बजे कैसे बोल सकते हैं तो मेरे पास पासवर्ड था तो मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि सेवन इतना बड़ा लॉस है कुछ दिन बाद जब बात हुई ना तो सर ने बोला कि उस दिन मैंने इतना बड़ा लॉस बुक करा था अच्छा इतना बड़ा लॉस बुक करा था मेरे पास यूजर ने पासवर्ड था फटाफट जाकर मैंने रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया मैंने रख ली <laughs> ठीक है तो फिर सर ने उसको छोड़ दिया था ट्रेड करना उसके बाद कहती मेरे मेरे नसीब की नहीं है ये नहीं तो कहता है अगर मेरे नसीब का होता तो भाई खुल के और वापस आ गए अब सोचो अगर ये लॉस नहीं बुक किया होता तो एक रुपये का लॉस नहीं था ये क्योंकि फिर मार्केट क्या हो गई थी ऊपर आ गई थी तो ये होता है ओवर का रिस्क ओवरनाइट का रिस्क मुझे पता है बात की रहा मेरा तो मैं उस दिन बिल्कुल खाली था पोजीशन मेरा कोई पोजीशन नहीं था क्योंकि मैं भी बेटी एस टी लेने वाला था मतलब लेते रहता था उस टाइम मैं एक्टिवली ट्रेड करता था अभी पिछले दो साल से ट्रेड नहीं करता तो मेरा पोजिशन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उस दिन अपने होम टाउन से यहाँ पे वापस आ रहे थे मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली सेवन के अराउंड मैं अपने घर पर पहुंचा देखता हूँ मोबाइल पे क्योंकि उस टाइम मैं ड्राइव करके पहुँचा था क्योंकि आपको बताया था एक बार कि मैं गाड़ी लेके गया था होम टाउन तो वो वापस लेके कुछ दोस्तों को लेके वापस आया था घर पे जैसे ही पहुँचे ओपन किया देख रहे कुछ लोगों को वो आज तक का स्क्रीन शेयर किए जा रहे दो हज़ार के नोट बैन मुझे लगा पहले मजे ले रहा होगा एक दिखा दो दिखा देख दिख रहा हूँ कह रहे बहुत ज़्यादा दिखने लग गया ठीक है तो मैंने फटाफट टीवी ऑन किए कह रहा हूँ एग्जैक्टली उस टाइम लाइव चल रही थी ठीक है तो लाइव चल रही थी तो मेरे लिए कितना खुशी की बात थी क्योंकि जो दोस्त मेरे पास आए थे ना उसने बीस हजार रुपये हंड्रेड का नोट लेके आए थे क्योंकि वहाँ हाँ क्योंकि नेपाल में जो होते हैं ना पाँच और हजार की नोट नहीं चलती है तो उनको यहाँ कुछ खर्चे करने थे घूमने आ रहे थे तो वहाँ जाते हैं बैंक में जब मांगने जाते हैं ना करेंसी तो उनको हंड्रेड की नोट देते क्योंकि अलाउड ही नहीं वहाँ पे फाइव हंड्रेड और थाउजेंड इवन देखा जाए अगर कोई फाइव हंड्रेड और टू थाउजेंड टू थाउजेंड रुपीज़ अगर नेपाल में पकड़े जाएंगे ना तो इल्लीगल माना जाता है इल्लीगल है वो आप रख ही नहीं सकते ठीक है तो वो चीज़ है तो वहां पे नहीं मिलते तो हजार के सौ सौ के नोट लेके आए तो उस टाइम में बहुत क्या कहते हैं अमीर था मैंने कितने लोगों को दिया था सबको दो दो सौ रुपये मांगते थे उस टाइम दो सौ रुपये की क्या कीमत है वो मुझे पता चलता था खुद के लिए आ, तो मेरा पोजिशन नहीं था क्योंकि मैं बाहर था तो मैंने इसीलिए पोजिशन लिया हुआ नहीं था मुझे नहीं पता उस दिन मेरा क्या लॉस होता गेन होता मुझे नहीं मालूम चलो वापस आते तो ये रिस्क कौन सी होता है ओवरनाइट की बी टी एस सी में ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसीलिए आज के रेट पे मैं अब क्या करता हूँ मैं वन साइडेड पोजीशन नहीं लेता हूँ बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो मैं क्या लूँगा वन साइडेड अदरवाइज वन साइडेड नहीं लेते मैं क्या करता हूँ मार्केट में दोनों चीज मिलता है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले स्टॉक मिलेगा एक नेगेटिव सेंटीमेंट वाले स्टॉक मिलेगा तो मैं बाई भी लेता हूँ मैं सेल भी लेता हूँ मेरे साथ मजबूरी क्या होता है अब बाई ऑर्डर एक्सीवट हो चुका होता है अब मुझे सेल लेना है तो लेना है अब कितना भी कर रहा हूँ वो मेरे लेवल की प्राइस आई नहीं रही है अब मेरे को बेचना है मार्केट गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते जा रहे तो मेरे को एंट्री नहीं हो रही है अब बच चुका है कितना मैं टाइमर लगा के रखा होता हूँ दो बज सरी तीन बज के उनतीस मिनट पचास सेकंड हो चुका है अब मेरे पास कितने सेकंड है दस सेकंड है भाई अब मैं नहीं इंतजार कर सकता अब तो मैं सीधा मार्केट ऑर्डर डालूंगा जो है प्राइस है मुझे लेना है तो लेना है अब समझ में आ गया तो मैं मार्केट में डालूंगा तो पता है वो लास्ट के जो पाँच मिनट या एक मिनट के अंदर जो प्राइस मूव होती है ना वो किसी ट्रेंड में नहीं होता है इसीलिए ये जो आपको दिखती है ना लास्ट में जो प्राइस इस सब पे कभी भरोसा मत करना क्योंकि वो लास्ट के एक मिनट में किसना किसको क्या दिमाग में आता है नहीं आता है पता ही नहीं चलता है समझ में आ गया बस उसको एंट्री लेना है एग्जिट करना है बस इतना ही होता है इसीलिए जब भी कभी आपको प्राइस कंपैरिजन करना हो ग्राफ कंपैरिजन करना हो 915 में भी मत कंपैरिजन करना क्योंकि नाइन फिफ्टीन का भी सिचुएशन ऐसा ही होता है क्योंकि मैं तो दोनों जगह पर ट्रेड किया हुआ इंसान ठीक है आपको नाइन नौ बज के बीस मिनट से जाके तीन पच्चीस तक की जो प्राइस होगी ना उसको मैच करना कराना परफेक्ट चलता है स्टार्टिंग के पांच मिनट लास्ट के पांच मिनट को इग्नोर कर देना हर दिन का कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस फ्यूचर हमेशा ज्यादा दिखेगा कैसे आपको हां ध्यान है आपका आज हमारा कैश भी चल रहा है आज हमारा फ्यूचर भी चल रहा है तो फ्यूचर में कुछ तो टाइम वैल्यू होगी या नहीं होगी तो टाइम वैल्यू होगा तो कैसे तो ऊपर ही जाएगी ना फ्यूचर बताओ यही तो मैं बोल रहा हूं ये देखो नहीं क्या है बताना कैश से फ्यूचर ऊपर ही तो है कैश से फ्यूचर ऊपर ही तो है आज के रेट पे कैश से फ्यूचर ऊपर ही तो है, एक तो है एक्सपायरी पे जाके कैश और फ्यूचर क्या होने वाला है सेम तो, तो एक दिन होगी ना महीने का महीने का एक दिन होगा ना ये चीज़ अभी तो एक्सपायरी नहीं आई है ना अगर एक्सपायरी का डे होगा तो सिचुएशन कुछ और होगा बात समझ में आ गई ये देखो एक्सपायरी का डे भी मिल जाएगा अरे सब कुछ रखा हुआ है मेरे पास क्लोजिंग एट थ्री थर्टी दिख रही आपको ये किसका है किसी का होगा कैश और फ्यूचर होगा आई थिंक नहीं ये तो एक ही है कोई भी देख लो दूसरा देख लो क्लोजिंग एट थ्री थर्टी क्या था इसमें एफ एन ओ क्लोजिंग वैसे देख लेंगे हम लोग अभी तो ये रहा कोई भी देख लो अरे दिख जाएगा क्यों टेंशन नहीं रहो ये देखो ये कौन सी प्राइस है ये देखो ये कौन सी प्राइस है नहीं इंडेक्स फ्यूचर कौन सी है ये निफ्टी कौन सी डेट की एक्सपायरी है ये ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई ऊपर देखो क्या लिखा है ये कौन सी डेट का स्क्रीन शॉट लिया हुआ है ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई कितने बजे का स्क्रीन शॉट है ऊपर लिखा हुआ है टाइम कहाँ भाग गया भाई साहब तो देखो इसमें कितने का टाइम का स्क्रीन शॉट लिया हुआ है तीन बज के तीस मिनट तीस सेकेंड आई एस टी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये उस टाइम का ही कोर्ट है मतलब मार्केट एक्सपायर हो, हो चुकी है नहीं एक्सपायर हो चुकी है अरे ये देखो न एक्सपायरी डेट कितना है ट्वेंटी नाइन्थ जून हमने स्क्रीन शॉट क्या लिया है ट्वेंटी नाइन्थ जून को अभी तीन तीस के बाद तीन तीस के बाद मतलब एक्सपायरी हो चुकी कि नहीं हो चुकी है हो चुकी है देखो कितने में प्राइस एक्सपायर हुई है यहाँ पे नाइन फाइव जीरो सिक्स का देखो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं अंडरलाइन का वैल्यू कितना है जीरो फोर कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको एक रुपये का लेकिन क्लोज होने के वो भी आपका एग्जैक्टली वही बन जाएगा क्लोज होने के बाद जब ये क्लोज होगी ना प्राइस अभी क्लोज नहीं आई है ये प्राइस क्योंकि क्लोजिंग पे सेटलमेंट होगी ना ये जब प्राइस क्लोज होकर आपकी आएगी तो प्राइस आपका देखना या नाइन फोर कहाँ गए, नाइन फोर जीरो फाइव फोर पॉइंट फाइव हो जाएगी या कुछ इसी के पच्चीस पैसे ऊपर पचास पैसे ऊपर नीचे होगी होप समझ आ रहा होगा कुछ ठीक है चलो आगे बढ़ते हम लोग ये देखिए मार्जिन मनी पर आ हम लोग फटाफट क्या बताइए ऑलरेडी हमने बहस किया हुआ था किसमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वही सेम चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लो जैसे यहाँ देखो आइए इधर आइए मैं गया रिलायंस फ्यूचर पे ये देखो रिलायंस फ्यूचर पे मैंने यहाँ पे बाई साइड पे क्लिक किया क्लिक किया वो नीचे जो ब्लैक में पॉप आउट हो रहा है ना वो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो जी एक हफ्ते बाद ये क्या होने वाला है पढ़ो इसको एक बार पढ़िए आप लो पढ़ से ध्यान से पढ़िए मैं बड़ा कर देता हूँ ये लो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल भी फिजिकली सेटल्ड ऑन एक्सपायरी ये क्या कहना चाह रहा है जे एक हफ्ते बचे होंगे ना तो बार बार ये आपको नोटिफाई करेगा कि आप समझ जाओ अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं तो छोड़ दो इसको मार्च में चले जाओ आप मार्च मार्च फ्यूचर लूंगा तो ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्योंकि देखो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी फिजिकली सेटल्ड ऑन एक्सपायरी एंड रिक्वायर्स एडिशनल फिजिकल डिलीवरी मार्जिन ऑन थर्सडे जो कि ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का है यू कैन ट्रेड इन दी इन नेक्स्ट एक्सपायरी इफ यू विश टू अवॉइड दिस ये जो डिलीवरी की बात हो रही है ना आपको छह लाख रुपए रखने पड़ेंगे अगर आपके पास पैसे कम है तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो आपको सात दिन के बाद फिजिकल डिलीवरी होने वाली है तो ज़्यादा अच्छा है कौन सी ले लो आप मार्च वो तो मार्च में जब मार्च में जाएंगे तब आपको डिलीवरी की बात होगी ना तो उससे बढ़िया होगा कि आप मार्च ले लो ये कहना चाह रहे हैं आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा है फिर भी आप चाहो तो आप ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं उस वो तो सिर्फ आपको क्या करा है आगाह कर दिया आगाही बोलते हैं ना ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया नीचे देखो क्या ये क्या आ रहा है इसमें हाँ जी इसमें देखो कुछ नीचे मार्जिन दिख रहा होगा आपको वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवन का कुछ दिख रहा है नीचे लेफ्ट साइड में इधर दिख गया तो बहुत बढ़िया है वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवन का मेरा अगर मान लीजिए इसी प्राइस पे मैं ट्रेड करता तो कितने का कॉन्टैक्ट वैल्यू लेना टू फोर थ्री सेवन पॉइंट अब कुछ लोग को फील नहीं आ गया एक काम करते इसको हटाओ हम लोग अभी तक किसको देख रहे थे बताइए रिलायंस का कौन सी वाले देख रहे थे कौन सी वाले देख रहे थे बताओ जल्दी से रिलायंस का मैं मार्च वो देख रहा था फील करो ना मार्च वाले से हम लोगों ने मार्च को करा था ना तो ये देखो मार्च वाले का देखिए अब थोड़ा सा फील लो ये लो देखो प्राइस आपको वही वाले दिखेंगे अरे भाई साहब इसको क्या करने की मूड है तुम्हारा जी ट्वेंटी अब आपको फील आ रहा होगा क्योंकि यही ट्वेंटी था ना तो इतने पे अगर ट्रेड करते हो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई कितना टू फिफ्टी कितना हो गया सिक्स लाख थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सही है सिक्स लाख थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इतने का ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन कितना देना है स्टार्टिंग में वन लाख थर्टीन थाउजेंड मैंने कर दिया डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी फाइव पॉइंट सिक्स फोर देखिये कितना दिख रहा है एटीन पॉइंट सिक्स फोर फोर सिक्स परसेंट के कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है है ना ये हम लोग करेंट प्राइस से निकाल रहे इसीलिए इसकी जो मार्जिन होता है वो नॉर्मली वो लोग प्रीवियस क्लोज से निकालते हैं तो उसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो बट उससे कोई फर्क नहीं हमें एक्जैक्टली exactly हमें देखने की जरूरत नहीं है तो ये कह रहा है कि वन लाख थर्टीन थाउजेंड का मार्जिन देना है मोटा मोटा में बीस परसेंट एज्यूम करूँ तो कितने पैसे देना पड़ेगा आज हमें ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट दे के आप ट्रेड कर सकते हो क्यों ट्वेंटी परसेंट हमसे ले रहा है क्योंकि आपके ईमानदारी पर भरोसा नहीं है एक्सचेंज को क्योंकि आपको पता है मिस्टर ए बी को नहीं जानता बी ए को नहीं जानता कल के डेट पे आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे है नहीं घर में बेच दिया ये कर दिया मैंने तो लोन ले लिया कर्जे में डूब गया मैं तो पैसे दे नहीं सकता कहते वो सब फीलिंग यहाँ नहीं चलता है पहले पैसे लाओ और तब ट्रेड लो पैसे नहीं है तो घर जाओ तो आप मुझे बताइए सिक्योरिटी मनी पेबल बाई ट्रेडर बोथ बायर एंड सेलर दोनों को देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का रिस्क है टू एक्सचेंज एंड ब्रोकर एट टाइम दिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज मार्जिन मनी सिक्योरिटी मनी एडवांस मनी ऐसे समझ जाओ मार्जिन मनी डिफर्स स्टॉक टू स्टॉक एंड ब्रोकर टू ब्रोकर अभी किसका मार्जिन मनी चेक किया आप लोगों ने रिलायंस का मजा आएगा अगर किसका चेक करोगे अदानी एंटरप्राइजेज का हर बार कुछ ना कुछ एक यूनिक होता ही है देखते हैं अदानी एंटरप्राइज का फेबर फ्यूचर क्यों मार्च फ्यूचर ही ले लेते हैं हम लोग ये लो मार्च फ्यूचर अब इसमें वो क्या कह रहा है कि देखो अदानी का इसमें बाई करना है कितने वैल्यू बनता है देखो सेवनटीन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ का प्राइस है सेवनटीन हंड्रेड ट्वेल्व थर्टी ही ले लो कोई दिक्कत नहीं सेवनटीन थर्टीन मल्टीप्लाई बाई टू फिफ्टी फोर लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड का क्या है इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है आपसे मार्जिन कितना ले रहा है टू लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड मोटा मोटा तो इसको करता हूं मैं डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई वाई टू लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड वन जीरो थ्री का ये कह रहा है देखो सिक्सटी एट परसेंट का मार्जिन चाहिए यानी कि मार्जिन क्या है अब आपको समझ आ गया होगा अगर किसी को ये लगता है किसी को नहीं एक्सचेंज को क्योंकि होता क्या है आप शर्त लगाते हो अब कितने दिन का इंतजार करेंगे एक्सपायरी तक का इंतजार करेंगे मैच के मैच का डे का अब उस बीच में अगर मान लीजिए जितना आपने पैसे दिया है उससे ज्यादा का अगर लॉस हो गया मान लो तो क्या होगा जितना आपने दिया है उससे ज़्यादा का लॉस हो गया तो आप बोलते हो कि ठीक है मुझे शर्त में नहीं रहना क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बताओ आप क्या करोगे एग्जिट कर लो मेरे अकाउंट में पैसे है नहीं लॉस है रिकवरी कर लो कैसे रिकवरी करोगे दो ही काम तो करना है रेंट पे रहते घर चेंज कर देते मान लीजिए हमारा पाँच लाख का लॉस हो गया यहाँ पे तो पाँच लाख का लॉस झेलू उससे ज़्यादा अच्छा है मैं रूम चेंज कर देता हूँ बस समझ में आ गया एड्रेस चेंज हो गई मेरा अब जिसका अपना घर है उसकी बात छोड़ दो है ना बाकी नंबर चेंज कर देते कांटेक्ट करते रहो तुम क्या कर लोगे बहुत सारे ऐसे लोग होते जो पैसे नहीं देते क्या कर लेता है कुछ नहीं कर पाते <laughs> आइएगा देखिए इसमें कितने बार हो रखा है मेरे को फोन करते बैंक वाले में एस बैंक से बोल रहा हूँ हाँ बोलो आप नागेंद्र बोल रहा हो हाँ इसको जानते हो हाँ भाई जानता हूँ तो इसने ना पचास हज़ार का क्रेडिट कार्ड का बिल ले रखा है आपके नंबर दे रखा था ठीक है तो आप इसको जानते हो तो आप रिकवरी करने में हेल्प करो मतलब जानता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता है कहाँ है तो नहीं पता है तो आपको देने पड़ेंगे ठीक है मैंने उसको बोला कितने फ्लोर पर बैठी हो फोन ऐसे ही सीधा बोला था कितने फ्लोर पर आपका ऑफिस है आके वहीं से नीचे फेंकूँगा तो सीधा बोला अरे एक चीज़ बताना भाई एक चीज़ बताओ आपको किसी को क्रेडिट कार्ड देते हो हाँ भाई बेहतर ऐसे ही बोलता हूँ सीधा कितने फ्लोर पे बैठी हो ऑफिस पे उतने वहीं पे आके वहीं से फेंकूंगा नीचे मैं भाई आपको किसी ने मेरा नंबर दे दिया और आप मुझे फ़ोन करें आपको पे करना पड़ेगा कि आपने वेरीफाई किया था मेरे से गारंटी साइन लिया था क्या मेरे से आपने वो तो किसी को भी हो जाता है जैसे आप दो क्रेडिट कार्ड जब ओपन आप जब अप्लाई करोगे तो बोले किसी को आप जानते हो उसका नाम लिख दो और नंबर लिख दो तो भाई कोई मुझे जानता होगा उसने क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई किया था तो मेरा नाम और नंबर लिख दिया अब आज को बोलते हो कि हाँ आप जानते हो तो हाँ जानता हूँ तो इसका मतलब मेरे से रिकवरी करवाओगे आप जाके ढूंढो सबसे पहली बात वो झूंढ ढूंढो आप आपके तो ऐसा होते रहते तो मैंने वही बोला कि अच्छा ठीक है मैं आज क्रेडिट कार्ड लेता हूँ मोदी जी का नाम और नंबर लिख देता हूँ जाके रिकवरी कर लेना तो समझ जा बहुत बार होता है कि उनको क्या लगता है कि अच्छा ऐसे बोलेंगे तो डर जाएंगे तो मुझे क्या करेंगे वो वो एड्रेस उड्रेस नहीं 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 एड्रेस व्रेस ढूंढ के देने की कोशिश करेगा तो मैं क्यों करूँ तुम तुम्हारा काम है तुम एड्रेस ढूंढो तु, ना मैं क्यों एड्रेस ढूंढ के दूँ हाँ ऐसे ही होता है चलो वापस आते हैं तो मार, तो क्या हुआ देखो ध्यान से अब वही चीज है कि मान लीजिए मैंने जितना मार्जिन दिया उससे ज्यादा का लॉस हो गया तो उस केस में रिस्क आ जाता है ब्रोकर के पास क्योंकि देखो जिसको फायदा होगा वो तो क्या करेगा वो तो पैसे मांगेगा ही मांगेगा आपको पता है पहले हुआ करता था एनएसएलपी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ईएल एनएस एन एस एल पी नहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हो ना अभी आप एक स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्पॉट एसपीओटी स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड जिसमें जिग्नेश शाह मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे यही चीज हुआ था फिफ्टी फाइव थाउजेंड करोड़ की सेटलमेंट में गपलेबाजी हुई क्या हुआ मतलब फिफ्टी फाइव थाउजेंड करोड़ की सेटलमेंट में डिफरेंसेज आई जिसने प्रॉफिट किया उसको नहीं मिला जिसने लॉस किया उसने नहीं दिया और लॉस करने वाले ज्यादा ब्रोकर थे वो ब्रोकर ही ट्रेड किए कहते हैं लॉस हो गया नहीं देते जो करना है कर ले बात समझ में आ गया तो इसमें से बीस हजार करोड़ का तो फिर भी सेटलमेंट हुई बाकी रह गए जितना आपका थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ अब से भी ने बोला कि भाई तुम्हारा जिम्मेदारी है तुमने अगर ये सब काम किया है तो तुम्हारे को क्या होना चाहिए था तुम इतना पैसे लेके रखते कि वो भाग ना पाए बिना पैसे रखे तुम उसको ट्रेड करा दिया आज लॉस हो गया वो दे नहीं रहा तो तुम्हारा जिम्मेदारी रिकवरी करो नहीं रिकवरी करोगे कोई बात नहीं आज भी शायद वो जेल में होगा एक बार जाके थोड़ा रिसर्च करो जिग्नेश सा एन एस वो आपको सारा केस आपके सामने आ जाएगा तो फिर उस टाइम पे जब जेल जा रहे थे तो उस टाइम बोला कि दूसरे की वजह से जितना इज्जत कमाए थे वो भी गया और जितने पैसे कमाए थे वो भी गए क्योंकि जितना उसका पर्सनल एसेट्स था वो सारा किया गया उसमें चला गया तो होते है तो वो सब चीज उसको जानना इसीलिए एक्सचेंज क्या कहता है हम देखो जिसमें ज्यादा रिस्क है मैं ज्यादा पैसे लूंगा उनको पता है अदानी एंटरप्राइजेज में पचास गिरने में एक दिन लगना है तो कहते हैं अड़सठ परसेंट में एक ही दिन में ले लूंगा बात समझ में आ गए हाँ जी हम्म बाकी का क्या अभी आओ ना वो एक दिन का है ओनली वन डे का है ये जो भी आपको मार्जिन अभी ले रहा है ना सिर्फ एक दिन के लिए ले रहा है अगले दिन तो आपको बोलेगा कि डालो अगर कम पड़ गया तो वो ये क्या मान के चलते कि एक दिन में जितना लॉस हो सकता है एक दिन में पास ट्रेंड को देख के उतना आपसे लेता है क्योंकि एक्सचेंज ये कहता है देखो अनहोनी को तो कोई कुछ नहीं कर सकते कहते जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है कम से कम उसके लिए तो हम सेफ होके चले जैसे अनहोनी हुई थी 2020 के अप्रैल में जब क्रूड ऑयल की प्राइस निगेटिव गए थे वो कहते ये कभी कोई सोच नहीं सकता सकता उस टाइम पे सारे सारे के सारे ब्रोकर फंसे कोई कोई कुछ नहीं कर सकता कोई नहीं कर था क्योंकि ये इमेजिन कर सकता कि इसका प्राइस निगेटिव सौ रुपये हो सकता है कि भाई मैं बेचू भी और पैसे भी दू भाई तुम कैलकुलेटर भी लेके जाओ मेरे से और सौ रुपये भी लेके जाओ ऐसा कोई सोच नहीं सकता है तो कहते देखो ऐसे सिचुएशन के लिए एक्सचेंज भी प्रिपेयर नहीं है बात समझ में आ गया तो जितना हमारे को प्रिपेयर है उसके लिए तो दे दो तो क्या कहता है देखो एक्सचेंज जाता है ढूंढते उसके पास हिस्ट्री एक दिन में कितना फ्लक्चुएट हो सकता है उनको लगता है कि रिलायंस एक दिन में 20 से ज्यादा तो किसी भी हाल में फ्लक्चुएट नहीं हो सकता वो भी ज्यादा रखा हुआ है कितना रखते बताता हूं एक दिन का जितना फ्लक्चुएशन होते हैं ना उसका टू टाइम्स और थ्री टाइम्सेशन लेके बैठता है वो तो मैंने बोला कि ये क्या बोल दिया आपने बताऊंगा आगे धीरे से स्टैंडर्ड स्टैंडशन जो होते प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके देता है आपको स्टैंडर्ड एवेशन रिस्क को मेजर करता है वो आपको बताना है मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड ये बताता है आपको कि आने वाले टाइम पे इसकी फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन कितनी तक मैक्सिमम मैक्सिमम जा सकती है उस को कंसीडर करके जितना आपका मार्जिन बनेगा सारा आज ले लेगा कितने दिन के रिस्क को कवर करने के लिए एक दिन का अब क्या होता है देखो रिलायंस में कितना लिया बीस परसेंट अडान एंटरप्राइजेस में कितना लिया सिक्सटी एट परसेंट तो कहते हैं कल तक उनको पता है कल तक 20 परसेंट से ज्यादा रिलायंस फ्लक्चुएट नहीं होने वाला है और 68 परसेंट से ज्यादा अडानी।, अडानी नहीं होने वाला है और वैसे भी टाइम मिल जाता है 10 परसेंट से ज्यादा के गैप गैप अप डाउन होगी ही नहीं सर्किट तो वहां भी लगा है ना 15 मिनट की टाइम तो मिलेगी उसके में भी अब ध्यान से सुनो मान लीजिए अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है इसका अडानी इंटरप्राइजेस का कितने से गैप डाउन होगी दस परसेंट मिनट का टाइम अभी भी है अगर उनको लगता है कि दस मिनट में आपकी मार्जिन शॉर्टफॉल हो गई तो ब्रोकर आपको दस मिनट के अंदर ही आपसे पैसे ले लेगा और नहीं लेगा तो अगले पंद्रह मिनट में आपको एक्जिट करा एग्जिट करा देगा वो एग्जिट कैसे कराएगा वो मुझे बताना अभी बाकी है चलो आगे बढ़ते मैंने बोला है कि मार्जिन डिफर्स स्टॉक टू स्टॉक एंड ब्रोकर टू ब्रोकर इट डिपेंड्स अपॉन द वॉलिटी ऑफ ए स्टॉक कितना फ्लक्चुएट होता है जो स्टॉक जितना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा उसका मार्जिन क्या होगा उतना ज्यादा होगा हाई वोलेटाइल स्टॉक हाई मार्जिन लो वोलेटाइल स्टॉक लो मार्जिन ऑनलाइन एग्जाम्पल मैंने कभी यहाँ पे निकाल के दे रखा होगा जेएसडब्ल्यू स्टील का वोलेटिलिटी चलो मैं एक काम करता हूँ मेरे पास भी है मैं भी क्यों ना बता ही, ही नंबर में मैंने खोल रखा था कभी आ, ये था शायद सीट हम लोगों का याद है कुछ हमने डाउनलोड किया था हमने बोला बहुत यूज करेंगे इसको हम लोग यहाँ देखिए कुछ वोलेटिलिटी यहां नजर आता है यही है ये पास्ट एक साल के डेटा को देख के यहाँ पे परसेंटेज निकाला हुआ है कि ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना फ्लक्चुएट होता है ऑन एन एवरेज वन डे में कितना फ्लक्चुएट होता है कौन सी स्टॉक ये बताता है वोलेटिलिटी देखो यहाँ पे वोलेटिलिटी पे कुछ परसेंटेज लिखा है नीचे मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है देखिए यहाँ पे यहां पे कहते हैं कि देखिए है ये जो वोलेटिलिटी है ना ये स्टैंडर्ड डिवेशन है वो मैं मेजर करना आपको सिखाऊंगा पूरे हम आधे घंटे क्लास लगाते सिर्फ स्टैंडर्ड डिवेशन में बहुत दिल से समझ आता है टेंशन मत लो आप फील करके आप लोग बिना देख के बता सकते हो ठीक है तो अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड एवियन इज दिटीजर्डियन ऑफ द डेली रिटर्न का भाई ये जो हमने स्टैंडर्डियन निकाला है वो एक दिन का डेटा नहीं है वो पिछले एक साल में जो दो सौ पचास ट्रेडिंग डे था टू फिफ्टी ट्रेडिंग डेज मैंने बता दिया था 52 वीक वीक में फाइव ट्रेडिंग डे 10 डेज आपको गवर्नमेंट हॉलीडे मिल ही जाएगा माइनस टेन डेज बता दो अप्रॉक्सिमेटली टू होती है ट्रेडिंग डेज होती है दो दिन की फ्लक्चुएसन को कंपेरिजन करके उसने आपको ऑन एन एवरेज बता रहा है कि एक दिन में यह स्टॉक इससे ज्यादा इस तरह का फ्लक्चुएट हो रहा है ऑन एन एवरेज में लेकिन अब एक चीज सुनिएगा जैसे मैं इसको शॉर्टिंग कर देता हूं ठीक है यहां कैसे शॉर्टिंग मिल जाता है शायद कॉलम एक्शन ये रहा शॉर्ट असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर कर देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन एन एवरेज एक का दिख रहा है फोर पॉइंट फोर परसेंट का ऑन एन एवरेज एक दिन का किसका है ये अडानी एंटरप्राइजेज ये ओके तो अडानी एंटर जबकि अभी ज्यादा फ्लक्चुएशन तो कब हुई है अभी फेबररी में हुई है अभी तो अगले मंथ में जब ये डेटा आएगा ना तो हो सकता है छह सात ना पहुंच जाए अगले जब अगले मंथ में जब डेटा आएगा तो छः सात परसेंट ना पहुंच जाए कोई बात नहीं इधर बता, बता रहे मार्जिन समझ नहीं आएगा तो ये कहते एक साल के डेटा को जब मैं डेली बेसिस में फ्लक्चुएशन को कंपैरिजन किया तो मुझे ऑन एन एवरेज 4.4 परसेंट का फ्लक्चुएशन दिखा इसका मतलब एक दिन का फ्लक्चुएशन इसका दस परसेंट भी होगा और एक दिन का फ्लक्चुएशन इसका जीरो परसेंट भी होगा क्योंकि ये एवरेज है एवरेज पे मैंने शायद एक बार आपसे बात किया था याद है कुछ एवरेज को किसी को दिल से फील करना है तो नदी की एग्जाम्पल याद कर लेना याद है कुछ तभी जाके एवरेज फील होता है एक नदी है क्रॉस करना है नहीं थे कोई तो मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दू एक मिनट में कोई टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा आपका लेकिन फील करने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, है बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि देखो भाई मिनिमम डेफ्थ इस नदी की गहराई जो है एक फिट की और इसकी जो मैक्सिमम डेफ्थ है ना इस नदी की छः फिट की जो एवरेज से बार बार डिसीजन लेता है एक मैथमेटिशियन था उसको नदी क्रॉस करना था वो क्या कहता है एवरेज से हम डिसीजन लेते हैं ना भाई जब एक फिट का भी डेप्थ है छः फिट का डेफ्थ है तो हम क्या लेंगे एवरेज से डिसीजन लेंगे बोला वन प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू कितना आ गए साढ़े तीन फिट वो कहता है ठीक है सड़े साढ़े तीन फीट का ऑन एन एवरेज गहराई है मेरा फीट मान लीजिए बहुत लंबा था वो फीट की हाइट वाले था वो सोचते अरे हमसे ज्यादा हाइट वाले कौन है हम तो नदी क्या करेंगे पार कर लेंगे तालाब नहीं है ये नदी है जिसमें बहती हुई पानी आती है बिल्कुल समझ और नदी में तो अब आप लोगों ने नदी का एक्सपीरियंस लिए हो नहीं लिए हो लिए हो कभी आप लोग हम तो बहुत लिए क्योंकि हम तो डेली जाते ही थे स्कूल पढ़ने नदी पार करके पैदल और हमारे अब समझ जाओ हमारे दो किलोमीटर आगे जो होते हैं ना पहाड़ शुरू होती है कितने दो किलो दो किलोमीटर आगे चले जाओ नॉर्थ की साइड दो किलोमीटर तो वहाँ से पहाड़ शुरू हो जाती है तो आपको पता होगा जब पहाड़ से जब कोई नदी आती है तो वहाँ का प्रेशर कितना ज़्यादा होते है ते बहुत तेज़ नदी में क्या कहते हैं पानी की तेज़ होती बहुत तेज होती जब कभी कभी जब हम लोगों को जाना होता था ना स्कूल तो जब नदी बह रही है तब हम लोग पानी जाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते थे इतने के आसपास जो होते ना एक घुटने के जितना तो यहां पे निकलना है ना तो हम लोग पहले ही चले जाते थे इधर से यहाँ पहुंच जाते थे ठीक है और फिर इस तरीके से क्रॉस करते थे नदी क्योंकि आप ऐसे नदी क्रॉस नहीं कर पाओगे प्रेशर में बात समझ में आ गया तो बताइए ये थ्री पॉइंट फाइव फीट वाले का क्या हालत होगी वहां पे नदी क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इतना ज्यादा प्रेशर होती है कि वो नहीं निकल पाएगा तो एवरेज का डिसीजन कैसा रहा बहुत अच्छा रहा बिल्कुल वो दूसरा जो रहा दूसरा कहते बिना बिना दिमाग लगाने वाले कहते भाई मुझे एवरेज ओवरेज समझ नहीं आता छः फीट कहीं तो गहरा है ना तो हम क्या कर सकते इसको नदी को पार नहीं कर सकते उसने नदी पार नहीं किया इसका मतलब क्या है देखिए ध्यान से सुनिएगा जब भी मैं बोलूँ एवरेज थ्री पॉइंट फाइव है तो किसी टाइम वो थ्री पॉइंट फाइव से ज़्यादा भी है और किसी टाइम वो थ्री पॉइंट फाइव से कम भी है इसका मतलब आप मुझे बताइए ये जो वॉलेटिलिटी बता रहा है वो कितने दिन का वॉलीडिलिटी था जल्दी से अरे यहाँ नीचे पढ़ो ना वोलेटिलिटी के अंदर लिखा हुआ था कैसे निकाला गया निकालने का तरीका बता रखा है उसने कि देखो जी वोलेटिलिटी जो हमने बताया है वो ऑफ द डेली रिटर्न है तो पहले डेली रिटर्न को समझो ना एक दिन की फ्लक्चुएशन है वो एक दिन का रिटर्न है वो कहां से हमने कंपैरिजन किया है पूरे एक साल को यानी कि 250 दिन के ट्रेडिंग में जो फ्लक्चुएट हो रखा है उसको हमने एवरेज किया है ठीक है एवरेज किया है और उस एवरेज के बेसिस पे हमने आपको बताया है फोर पॉइंट फोर मतलब एक्चुअल फ्लक्चुएशन फोर पॉइंट फोर से ज्यादा भी है फोर पॉइंट फोर से कम भी है तो अगर हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा फील ले तो इसको फील ले सकते हो वो क्या कहना चाहता है कि देखो ये एवरेज है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डवेशन एवरेज होता है याद रखना तो कभी फ्लक्चुएशन ज्यादा भी होगा कभी फ्लक्चुएशन कम भी होगा स्टैटिस्टिक्स वाले क्या कहता है आके यहां पे कि देखो जी जिसका स्टैंडर्ड फोर 4.4 होगी ना एक साल के डेटा को देख के तो कहते इसकी फ्लक्चुएशन मैक्सिमम साढ़े तीन थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स नहीं जा सकता है। अब ये मैंने के, क्या चाइनीज बोला आपको ऑप्शन में पढ़ाऊंगा मैं ये चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या कहते हैं बताता हूं कि वो ये कहता है कि हमारा डेटा जो है ना ज्यादातर टाइम इसी के आसपास रहेगा एक दिन का फ्लक्चुएशन मोटा मोटा फोर पॉइंट फाइव फोर के आसपास होगा ज्यादातर फ्लक्चुएशन इसी के आसपास रहेगा लेकिन कितना भी अनहोनी हो जाए कितना भी अनहोनी हो जाए चलो एक काम करता हूं थोड़ा सा मैं कुछ देख के अगर बात करूंगा ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा फील होगा मैं बताता हूं कितना अनहोनी की बात करता है ताकि एक चीज क्योंकि देखो पढ़ना तो है ही अगर मैं ये कुछ आपके सामने रख के बात करूंगा ना तो कुछ ज्यादा फील आएगा आपको ये कुछ मैंने सामने रखा है ठीक है वो ये क्या कह रहा है कि देखो आपकी फ्लक्चुएशन सुनते रहिएगा प्रैक्टिकली लिंक करोगे तो ज्यादा मजा आएगा फोर पॉइंट फोर परसेंट आपने बोला है ना तो यहां से आज के डेट से फोर पॉइंट फोर परसेंट निगेटिव और फोर पॉइंट फोर परसेंट पॉजिटिव यानी कि इधर फोर पॉइंट फोर परसेंट माइनस और फोर पॉइंट फोर परसेंट प्लस आज जहां है वहां से इसमें रहने की जो पॉसिबिलिटी है इसको बोला जाता है इस वन टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सुनिए कुछ बोलोगे ये क्या बीच में ग्राफ ला दिया देखो ये हम आज यहां पे स्टैंड करते हैं ठीक है हम कितने परसेंट स्टैंडर्वेशन था 4.4 परसेंट एक काम करते हैं वन टाइम्स ऑफ स्टैंड इधर आ गए और वन टाइम स्टैंडवेशन ऑफ इधर चले गए मतलब क्या हुआ समझाइए कोई मुझे कि देखो ये ऐसा है ऐसा है देखो ना मैं बता रहा हूं ये है हमारा प्राइस इधर ये प्राइस है ना प्राइस कम ज्यादा हाँ प्राइस ही कर रहे हैं हम लोग तो प्राइस को आपको ऐसे समझ जाओ ना यहां से प्राइस नीचे कर दो मान लीजिए अभी सत्रह सौ कितना है सेवनटीन हंड्रेड चलो मोटा मोटा ले लो ना सेवनटीन हंड्रेड ही ले लो ना तो ज़्यादा फील आ जाएगा आ, ये ले लो सेवेंटीन हंड्रेड कौन अदानी इधर निगेटिव करो फोर पॉइंट फोर परसेंट जल्दी करो पॉजिटिव करो फोर पॉइंट फोर परसेंट वन टाइम्स ऑफ ए स्टैंडर्डवेशन कर दिया आप लोगों ने अरे जल्दी करो सेवेंटीन हंड्रेड माइनस फोर पॉइंट फोर परसेंट स्टैंडर्वेशन था उसका कहते देखो एक दिन में सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव से लेके सेवेंटीन हंड्रेड प्लस फोर पॉइंट फोर परसेंट सेवनटीन हंड्रेड सेवनटी फोर इसके शेयर प्राइस यहां से यहां के बीच में रहेगा इसकी जो पॉसिबिलिटी है कितना से है one times, तो यहां पे चला जाओ चौतीस परसेंट प्रोबेबिलिटी पॉइंट थ्री फोर था ना कहते देखो इधर रहने की पॉसिबिलिटी है थर्टी फोर परसेंट इधर रहने की पॉसिबिलिटी है थर्टी फोर परसेंट मैं जानबूझ के इसको लिंक करा रहा हूं देखो पढ़ना हमें है ही लेकिन जहां पढ़ाऊंगा वहां फील आएगा थियरिटिकल अभी मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसको फील कर रहे हो प्रैक्टिकली तो उससे क्या हो जाता है उसमें इंटरेस्ट बने रहते हैं तो थियरटिकल चीजों को अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेते हो तो यही तो ऑब्जेक्टिव है हमारा समझ में आ गया तो चौंतीस परसेंट पॉइंट थ्री फोर परसेंट नहीं गलत लिखा मैंने पॉइंट थ्री फोर का मतलब होता है थर्टी फोर परसेंट बोलोग यह क्या देखा आपने मैंने देखा यह है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डवेशन दिस इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्वेशन हमने क्या बोला है एक गुना स्टैंडिवेशन है फोर पॉइंट फोर परसेंट होता है टू टाइम्स स्टैंड डिवेशन ध्यान कहा है फोर पॉइंट फोर परसेंट नहीं 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 मैंने इसकी बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड कुछ नहीं था वो अडानी एंटरप्राइजेस का ये स्टैंड डिवेशन था जो मैंने मार्केट से लाया था क्योंकि जब कोई डेटा मार्केट से आते हैं तो हम उसको दिल से फील कर रहे होते हैं और क्योंकि आप अभी इसका ग्राफ देखोगे तो अभी आपको पता चलेगा पिछले दिन भी अगर आप जाके चेक करोगे तो को ऐसा ही कुछ आपको दिख रहा होगा ये देखो अभी भी दिख रहा है देखो आप उधर पिछले दिन की आपका। है आपका ना तो ऐसा नहीं है एक दिन में तीस तो परसेंट भी गया हुआ है ये अभी देखोगे तो एक दिन में तीस परसेंट भी गया हुआ है मैक्सिमम इसका चेंज जो है ना मैक्सिमम आई थिंक थर्टी टू परसेंट के आसपास गया हुआ है हाँ जो भी गया है आप एक बार चेक करोगे ना इसको तो मैक्सिमम थर्टी फाइव के नीचे ही था थर्टी फाइव परसेंट देखो ना स्टार्ट काम करता ही नहीं करता आपको समझ आ जाएगा और मैंने स्टार्ट को समझने के लिए एक और भी चीज़ बोला था आपको याद है कुछ अगर किसी को स्टार्ट को फील करना है ना तो मैंने आपको क्या बताया था हम टेलीग्राम पे पोल करते हैं याद आ गया एग्जाम्पल दो सौ वोटिंग आ जाए दो सौ वोटिंग कभी आप लोगों को नहीं होगा तो कोई भी अगर पोलिंग करेगा ना कोई भी पोलिंग करेगा आप उसको नोटिस करना बस आप मान लो कि थोड़ा देर रुक जाना दस पंद्रह मिनट उसमें 200 वोटिंग आ गए आप उसका स्क्रीन ले लेना किसी की भी चैनल पे अगर वोटिंग चल रहा हो तो आप उसका स्क्रीन ले लेना फिर आधे घंटे बाद दोबारा उसी पोल पे जाना और देखना हो सकता है वहां हजार वोटिंग आ चुका होगा और हजार वोटिंग की भी परसेंटेज देखना ऑलमोस्ट आपका सेम होगा बताओ ऐसे हो कैसे गया दो बच्चे की पोलिंग वो वोटिंग जो है वो हजार के वोटिंग से कैसे मैच कर जाएगा वो जो 800 जो बच्चे आए हैं उसकी ओपिनियन बहुत बड़ा गैप भी तो हो सकता था नहीं मिलेगा ये स्टार्ट की कमाल स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं जो 200 बच्चे के भीड़ सोचता है वही 800 और बच्चे को भी लाओगे तो उसके भी भीड़ में ओपिनियन आपका सेम आएगा इससे ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे सामने कुछ नहीं है समझ में आ गया इसी से सैम्पलिंग और पॉपुलेशन की डेटा आ जाता है आइए वही चीज स्टैटिस्टिक्स उसी सब चीजों को पकड़ के यहां पे प्रोबेबिलिटी निकाला है उसने क्या बोला कि देखो आपके स्टैंड कितना है फोर क्या है ये अब ये अगर नहीं समझ आए तो गए अरे एक दिन में एक दिन में जितना चेंज होता है वो मैंने कंपेयर किया 250 दिन एक एक दिन का चेंज जैसे किसी दिन आ गया पॉइंट परसेंट कभी 2 परसेंट कभी 10 परसेंट कभी 50 परसेंट बीस परसेंट सारे मैंने 250 डेज का चेंज को उठा लिए और मैंने उसको एवरेज कर दिया वो मेरा चेंज कितना दिख रहा है 4.4 इतना तो आप फील कर सकते हो स्टैंडर्ड एवेशन 4.4 का मतलब एक दिन का डेली चेंज एवरेज में 4.4 पॉइंट फोर परसेंट वैसे उसको प्रिसाइजली हम आगे बात करेंगे वो मीन से होता है ऐसे निकाला जाता है बाद में देखेंगे अभी मोटा मोटा समझ जाओ मैं ये कह सकता हूं एवरेज में एक दिन में कितना चेंज आता है 4.4 याद रखना है? इसको आप बहुत ही एक्यूरेटली मत मेजर करना जो मैं भी बोल रहा हूं मैं बहुत ही अप्रोक्सीमेट वे में वर्ड यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन में कब बताऊंगा आपको पोर्टफोलियो में आइए वापस एक दिन में कितना चेंज हो रहा है जल्दी से फोर पॉइंट फोर परसेंट तो स्टार्ट क्या कहता है कि देखो आप जहां स्टैंड करते हो ना वहां से फोर वन टाइम स्टैंडर्ड वन टाइम स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन का मतलब क्या हुआ टू टाइम्स स्टैंडर्ड स्टैंड का मतलब समझाओ पहले मुझे टू टाइम्स स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि देखो दो गुना स्टैंड फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट पॉइंट एट परसेंट यानी कि यहां से यहां तक एट पॉइंट एट परसेंट चला जाए और यहां से यहां तक टू टाइम्स स्टैंडर्डेशन एट पॉइंट एट परसेंट चला जाए इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है वो बता रहा है स्टार्ट वाले हमें नहीं उतना दिमाग लगाने वो स्टार्ट वाले ने दिमाग लगा रखा है स्टार्ट वाले ने क्या बोला है कि देखो अगर आप अपने जहां पे स्टैंड करते हो वहां से 4.4 पॉइंट दूर चले जाओ यानी कि वन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डवेशन तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 34 फोर परसेंट यह कैसे है उसके बेगहराई में आपको नहीं जाना स्टार्ट वाले ने अपना जिंदगी लगा रखा है इसके अंदर ठीक है कितने परसेंट आती है बताइए थर्टी और अब वो क्या कहते हैं तो यही मैंने बोला है कि देखो हमारा मार्केट में प्राइस अडानी एंटरप्राइजेज की अगले दिन कल 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 यानी कि मंडे को ये क्या हो गया ये नहीं है ये कुछ कैलकुलेशन में गडबड हो गई सत्रह सो माइनसो पच्चीस बन रहा था सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ध्यान से सुनिएगा जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो अडानी एंटरप्राइजेज की प्राइस सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से लेके 1774 हंड्रेड सेवेंटी फोर के बीच में रहेगी इसकी पॉसिबिलिटी है देखो स्टार्ट कहता है कि इधर किन टाइम थर्टी प्रोबेबिलिटी इधर जाएगा प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितना बनता है 68 है कि अडानी एंटरप्राइजेज मंडे को इसी दोनों के बीच में रहेगा होप आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज समझ आ रही है अब आपको ये जो आपने बचपन में जो जो भी कुछ पढ़ा था रट्टा लगाया था वो इस तरीके से यूज किया जाता है और ये रियल लाइफ में मैच करता है में आ गए? कि वो ये कहना चाह रहा है 250 दिन, अगला 250 दिन को जाके कंपेयर करो आप, वो ये कहना चाह रहा है। आने वाले 250 दिन करो आप उस 250 दिन के अंदर 68, 68%, 250 by, का यही तो होता है क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स आप कह रहे हो अड़सठ परसेंट प्रोबेबलिटी है मतलब वो क्या कह रहा है पता है आने वाले 250 दिन एक साल में टू तो फिफ्टी ट्रेडिंग आवर्स होते ट्रेडिंग डे होता है उसका सिक्सटी एट परसेंट कितना दिन बन गया एक सौ सत्तर एक सौ सत्तर दिन आने वाले एक साल में ये इसी के बीच में रहेगा चार परसेंट से फोर पॉइंट फोर से नीचे ही इसका चेंज आएगा ठीक है अब वो क्या कहता है देखो दो गुना है सन जाने की पॉसिबिलिटी कितना बनाता है ये देखो टू टाइम्स से सन जाने की पॉसिबिलिटी बन जाता है फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट मोटा मोटा फोर्टी एट बोल सकते हो आप आपको पता चला क्या यहां से यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी कितना है आपको फोर्टी एट तो पता है सत्रह सौ माइनस एट पॉइंट एट परसेंट यानी कि लेके 1700 हंड्रेड आज का प्राइस मैंने जूम किया है वो भी होगा के पास, पास ही है एट पॉइंट एट परसेंट ये बन रहा है एटीन हंड्रेड फिफ्टी बन देता हूं मैं यानी वो क्या कह रहा है पता है यहां से यहां तक इन दोनों के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी कितना था इधर फोर्टी फोर्टी एट फोर्टी एट मोटा मोटा यानी यहां यहां टू है? यहां 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 कहते हैं नाइनटी सिक्स परसेंट पॉसिबिलिटी दो सौ पचास दिन के ट्रेडिंग डे में ना दो सौ पचास मल्टीप्लाई नाइनटी सिक्स परसेंट दो सौ चालीस दिन प्राइस इसी के बीच में मिलेगा आपको ये कहना चाह रहा है ठीक है और कहते हैं टाइम्स दूर जाना है अगर आपको मैक्सिमम इससे दूर नहीं जा सकता है इसके बाहर नहीं निकल सकता है कितने से ज्यादा थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स से बाहर नहीं निकल सकता एन एस सी को यह पता है सेबी को यह पता है क्या पता है कि देख भाई ये जो स्टार्ट कहता है पास्ट ट्रेंड को देख के थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन से बाहर यह नहीं जा सकता एक दिन में नॉर्मल कंडीशन में एबनॉर्मल को छोड़ दिया जाए एबनॉर्मल तो यह कहता है अभी हम जा रहे हैं कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं तो हम आज के लिए इतना क्यों सोच रहे ये होता है एबनॉर्मल अडानी एंटरप्राइजेस को से भी कहते है, ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन में तीस परसेंट चला जाएगा स्टार्ट यह कहता है कि फोर पॉइंट फोर मल्टीप्लाई थ्री पॉइंट फाइव पंद्रह परसेंट नीचे और पंद्रह परसेंट ऊपर थर्टी परसेंट से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता एक दिन में एक दिन मतलब नीचे पंद्रह परसेंट एक दिन का हो गया फोर पॉइंट फोर परसेंट स्टैंडर्डविशन ये कह रहा है पास्ट एक साल को देख के थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स मतलब ये समझ, ये समझ थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स समझ आई कुछ नहीं समझ आया अरे आज के डेट से साढ़े तीन गुना पे स्टैंडर्डविशन ऊपर निकल जाओ कितना आ गया फोर पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट फाइव यह आता है फिफ्टीन पॉइंट फोर परसेंट बात समझ में आ गया तो ये 15.4 परसेंट आज से 15 परसेंट ऊपर और आज से 15 परसेंट नीचे ये इसी बीच में रहेगा इसकी पॉसिबिलिटी 100 नहीं है 100 नहीं है पॉइंट कितना छूट गया है देख लो आप पॉइंट फोर पॉइंट फोर नाइन नाइन एट पॉइंट फोर नाइन नाइन एट मल्टीप्लाई बाय टू कहते हैं नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट चांस है वो स्टार्ट वाले को भी समझ आता है भाई कुछ भी हो सकता है तो उसने कितना छोड़ दिया बताओ पॉइंट जीरो जीरो यानी कि पॉइंट जीरो फोर परसेंट पॉइंट जीरो फोर परसेंट बन गया इतने परसेंट की पॉसिबिलिटी है किसके बाहर निकल सकता है बात समझ में आ गई तो तो उसने क्या करा सुनिएगा किसने किसने सेबी ने रूल बनाया कि देख भाई हम एक दिन का कितना मार्जिन लेंगे एक दिन का कितना मार्जिन लेंगे जितना स्टैंडर्वेशन है उसका, उसका साढ़े तीन गुना तो लेंगे ही लेंगे अब आपको समझ आ गया कि साढ़े तीन गुना क्यों लेता है ठीक है अब ये याद करने में भी, भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ये थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ आती है ना उसको सबके दिमाग में आता है थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स पे जाके प्रोबेबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है इवन थ्री टाइम्स भी एग्जॉस्ट हो जाती है लेकिन एक्सचेंज ने रूल बना रखा है देखो इंडेक्स तो एवरेज है इंडेक्स में ज्यादा चेंज तो होता नहीं है तो चलो इसमें तीन गुना ही ले लेते हैं स्टॉक के केस में स्टॉक के केस में जो इनिशियल मार्जिन लेते हैं आज के रेट पे मार्केट वो लेते हैं थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स डिविजन होप ये आपको लॉजिक समझ आ गई होगी ये स्टार्ट को यूज करता है कहते इतने से काम नहीं चलेगी उनको अभी भी संतुष्टि नहीं है किसको सेबी को ब्रोकर को एक्सचेंज को इस पर भरोसा नहीं है कि भाई किसी दिन अगर अनहोनी हो गई जैसे अभी हो रखी तो तीस परसेंट गई ये तो कितने परसेंट लेके चल रहा था बताओ पंद्रह परसेंट तो अनहोनी को भी कवर कर रहा है ये कौन एक्सचेंज कहता है भाई दो दिन का और चेंज लूंगा एवरेज डेली एवसोल्यूट अच्छा इसमें डेली है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दिन के बेसिस पे लेकिन आज जो मार्केट में चलती है रियल लाइफ में टू डेज का चलता है दो दिन का एवरेज सीधा एबसुलूट चेंज लेता है वो एबसोलूट चेंज स्टैंडर्वेशन नहीं एबसुलूट चेंज कितना जैसे आप एवरेज में चेंज देख रहे होंगे ना अभी जैसे पीछे गई तीस परसेंट का तीस परसेंट गया तो अब उसमें भी एक दिन तीस परसेंट है एक दिन बीस परसेंट है एक दिन पंद्रह परसेंट है तो उसको भी एवरेज कर लिया तो मान लीजिए वो आगे बीस परसेंट तो कहते चालीस परसेंट तो वो भी लेंगे और साढ़े तीन गुना ये भी लेंगे तो चालीस और पंद्रह कितने हो गए नहीं समझे बात रिपीट करता हूं देखो एक दिन कितना चेंज आई थर्टी परसेंट आया था ना बीच में पीछे किसी दिन थर्टी परसेंट आई कभी थर्टी परसेंट कभी बीस परसेंट आई कभी दस परसेंट आई तो अब इसमें यह चीज एक चेक करना रहेगा कि कितने दिन का एवरेज ले रहे हो आप क्योंकि स्टैंडर्ड इवेशन तो एक साल का निकाला गया है और एक साल का एवरेज के अगर बेसिस पे बात करोगे तो कुछ और बन जाएगा क्योंकि और बता दू स्टैंडर्ड इवेशन जो निकाला गया है ना उसका बेस जो है ना वो मीन है उसकी बेस क्या है मीन डेटा है यहां कहते हैं मीन उन नहीं। हम सीधा एक दिन का चेंज उठा रहे हैं। सीधा, मुझे लगता है बहुत छोटे पीरियड का लेता है आई थिंक वन वीक का शायद डेटा लेता है ये वन वीक का डेटा सीधा उठा है। क्योंकि रिसेंट में क्या चल रहा है रिसेंट में मान लीजिए वन वीक में हमने देखा कि मोटा मोटा पच्चीस तीस बीस इस तरीके से चल रहा है तो हमने क्या किया पच्चीस ले लिया तीस ले लिया दस ले लिया और मान लीजिए पांच दिन का डेटा होगा डिवाइड बाई समथिंग पांच करके पांच से डिवाइड कर दिया तो मुझे एबसोलूट वैल्यू का चेंज आ जाएगा बीस परसेंट का मान लो इसमें मोटा मोटा एक हफ्ते में बीस परसेंट का चेंज आ गया एक दिन में तो क्या कहते हैं पता है एक दिन का एब्सुलूट चेंज जितना बनेगा वो और प्लस थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडिविजन इतना बनता है एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए क्या करोगे एक दिन में एवरेज चेंज कितना आता है वो प्लस थ्री पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ स्टैंड डिविजन एग्जाम के लिए क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसको डिस्कशन कहीं करा नहीं कहीं डाला नहीं बात समझ में आ गई एक बार मैं इसको देख लूंगा किसका नए वाले स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने कितना करा हुआ मैं देख लेता हूँ मार्जिन फ्यूचर मार्जिन इनिशियल मार्जिन लिखता हूँ मेरे को इसीलिए तो जा रहा है ना क्योंकि देखो ना एवरेज चेंज उसका ज्यादा हो गई ना मार्जिन डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रेटर देन द इक्वल ये क्या लिखा है ग्रेट अच्छा ये शॉर्ट वो था एम सी क्यू था रुको मार्जिन रिकॉर्ड बिफोर एंट्रिंग इन टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द रिस्पेक्टिव ट्रेडर्स कैलकुलेशन दिखा देते फटाफट कहीं भाई नहीं है एक सेकंड रुको मैं सी एम ए वाले का नया स्टडी मार्ट देख रहा हूँ इनिशियल मार्जिन वाज सेट एट इतना पर कॉन्ट्रैक्ट वाले मेंटेनेंस मार्जिन वाज वितना इनिशियल मेंटेनेंस मार्जिन वर्नली मेंबर ऑफ इन एक्सचेंज का स्पैन मार्जिन extreme loss margin 1% span margin there are two types of margin initial and नहीं मिल रहा है कुछ ठीक है एक काम करते हैं मार्जिन को तो क्या बोलेंगे थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंड डिविजन वो तो होगा नहीं ऐसे भी मार्जिन ठीक है उसको देख लेंगे एक बार हम लोग कभी उसको एक बार कोई मैं थोड़ा सा तसल्ली से इसको एक बार चेक करता हूँ पूरी एक एक लाइन करके कि वो कितना मार्जिन में फार्मूला लगा रखा है Institute ने जो अभी तक ले रखा है ना उन्होंने अपने कैलकुलेशन में उसने एक दिन का ही चेंज लिया है कितने दिन का चेंज एक दिन का चेंज और कितना इंडेक्स केस में, के में. के में हो लेता है तीन गुना थ्री टाइम्स ऑफ ए स्टैंडर्वेशन ठीक है तो चलो इसको कंक्लूड करते, करते लॉकडाउन में, में जब वो जो बहुत भारी जो चेंज आई ना उस टाइम में सारे मार्जिन शॉर्ट हो रहे थे एक एक दिन में भी नहीं कर पा रहे थे वो क्योंकि एक दिन में पुराना एक साल का डेटा देखो तो चल रही थी एक परसेंट दो परसेंट के स्टैंडर्वेशन एक दो परसेंट के स्टैंडर्डेशन में साढ़े तीन गुना ले भी लोगे तो ये आ जाएगा थी समथिंग परसेंट और उधर का एक समथिंग क्या कहते तीन चार परसेंट का डेली चेंज था तो आठ दस परसेंट बनती थी उस टाइम तक एक दिन का स्टैंडर्डेशन कितना सॉरी एक दिन का मार्जिन कितना बनती थी मुश्किल से दस लेकिन जब लॉकडाउन में इतने बड़े बड़े जब मूवमेंट हुई सर्किट पे सर्किट लगना जब शुरू हुआ तो उस केस में एक्सचेंज को लगा कि नहीं अनहोनी में हमारा एक दिन के मार्जिन जो है ना वो एक दिन के चेंज से कवर नहीं हो पा रहा है तो उसने रूल बदल के कितना कर दिया दो दिन का यानी कि दो दिन का चेंज का मार्जिन एक ही दिन में लेने लग गए तो हमारे केस में कितना बनेगा मान लीजिए एब्सुलूट चेंज अगर बीस आता है तो कहते हैं दो दिन का चेंज लेंगे मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा तो कहते हैं कि देखो दो दिन का मैं ये ले लूंगा और प्लस साढ़े तीन गुना लूंगा किसका स्टैंडर्ड स्टैंडशन जो कि एक साल का एवरेज है तो इसके बेसिस पे 4.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट फाइव आ जाएगा आपका 15 परसेंट और इधर आ गया 30 40 परसेंट तो 40 परसेंट ये लूंगा और 15 वो लूंगा तो मोटा मोटा मैं कितना ले लूंगा 55 परसेंट के अराउंड क्या करूंगा आपको मैं मार्जिन लूंगा जबकि हमारा उससे भी ज्यादा है और अड़सठ तो परसेंट ले रहा है अभी ये बात समझ में आ गई लॉकडाउन के टाइम पे हाँ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्ट एग्जिट होता था आज आपने पोजिशन लिया गैप डाउन में सीधा दस परसेंट दस परसेंट मार्जिन लेते थे पहले पहले मार्जिन टेन परसेंट चलता था अब कुछ लोग बोलेंगे सर उधर टेन परसेंट बोल रहे हो उधर वो जो हम अभी बोल रहे हैं ना देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा बीस परसेंट जा रहा है सारे स्टॉक का और जो ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है उसका मार्जिन क्या दिखेगा सिक्सटी एट परसेंट सत्तर परसेंट ऐसे दिख रहा है आपको समझ में आ गया तो पहले दस परसेंट मार्जिन लेता था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जब गैप डाउन ओपनिंग होती है हर दिन सीधा दस दस परसेंट की सर्किट लग रही है एक ही दिन में क्या हो रहा है उसका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रही है तो एक्सचेंज को लगा कि इतना मार्जिन हमारे लिए सफिशियट नहीं है तो उसने बोला कि दो दिन का चेंज लूंगा तो सीधा मार्जिन बढ़ के टेन से कितना हो गया उसका ट्वेंटी कराउंड चला गया तो आज देखना मिनिमम मार्जिन आपको ट्वेंटी कराउंड दिखेगा हर एक स्टॉक के अंदर ठीक है चलिए वापस आते हैं जी देखो मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उस टाइम पे लिया हुआ था किस टाइम पे जिस टाइम देख रहे थे अब आज आप लोगों ने देख लिया आप चाहो तो कहीं पे अपडेट कर लीजिएगा आज हमारे लिए रियल है जीएसट अडानी इंटरप्राइजेज जो कि कितना दिख रहा था आपको 68 परसेंट जबकि आपको मैं बता दूं उस टाइम पे सबसे ज्यादा इसका मार्जिन था जीएसडब्ल्यू स्टील का जो कि सत्ताईस परसेंट था सॉरी सत्ताईस इसका टाटा स्टील का बत्तीस परसेंट चलता था आज के डेट पे अगर टाटा स्टील को देखना चाहोगे तो आप लोग ये चेक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई ज़रूरी नहीं ब्रोकर के साइड पर जाना है आपको मार्जिन चेक करने के लिए मेरे को तो यहाँ जल्दी से दिख जाता है इसलिए मैं यहाँ चले जाता हूँ अदरवाइज आप क्या करो बताए गूगल पे जाओ और लिखो मार्जिन कैलकुलेटर सबका आ जाएगा जीरोदा का आएगा एंजल वन का आएगा अप स्टॉक का आ जाएगा क्या कहते हैं जितने भी ब्रोकर का अपना नाम जानते हो ना सबके उसके सामने आ जाएगा सब अपना अपना कैलकुलेटर देता है आप मार्जिन कैलकुलेशन कर लीजिएगा ठीक है तो ये सब देखो हाँ एक चीज़ आप याद रखना निफ्टी और बैंक निफ्टी की जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेड है ठीक है तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ एक बार यहीं से निफ्टी बैंक का फ्यूचर मैंने रखा है यहाँ पर नहीं रखा हुआ है कोई बात नहीं मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ नहीं फ्यूचर नहीं था ऐड किया हुआ निफ्टी का मैं फेवरे फ्यूचर ले लेता हूँ निफ्टी का मैंने यहाँ पे फेवरे फ्यूचर ले लिया और मैं निफ्टी बैंक का भी ले लेता हूँ निफ्टी बैंक का बस छुट्टी कर रहे हैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक का फेब्रवरी फ्यूचर ठीक है दो रख लिया मैंने बाकी अपना वो फिन का निफ्टी फिन का देखते रहना आप लोग फिन निफ्टी का ये देखो यहाँ पे मैं निफ्टी फ्यूचर पे गया और बाईस साइड डाल रहा हूँ देखो आपको वो दिख जाएगा कितना है हाँ जी एक लाख पाँच हज़ार दिख रहा है कैलकुलेशन करना कितने का प्राइस चल रहा है सेवनटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी फोर इसका जानना जरूरी है सेवनटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाई पचास का लॉट साइज चल रहा है उसका तो एट लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई वन लाख फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड मोटा मोटा बारह परसेंट का अराउंड आपको दिख रहा है एक काम करता है ये निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट था मैं निफ्टी बैंक में भी आपको बाई साइड बाई सेल दोनों का सेम ही मिलेगा ठीक है देखो अभी बाई में कितना दिख रहा है वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड मैं इस पर सेल पे क्लिक कर दिया देखो वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड थोड़ा सा सौ डेढ़ सौ रुपये का डिफरेंस होता है ड्यू टू तो क्लोजिंग प्राइस की वजह से है ना तो मैंने इस पर कर दिया देखो एक लाख बयालीस हज़ार कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखना आप निफ्टी बैंक चल रहा है फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड का फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव मल्टीप्लाई बाय पच्चीस का लॉट साइज चल रहा है इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है टेन लाख थर्टी थाउजेंड का टेन लाख थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड एट जीरो नाइन का यानी कि आप देखोगे मोटा मोटा थर्टीन पॉइंट एट सिक्स यानी कि फोर्टीन परसेंट के अराउंड तो हैवी इसमें ज्यादा क्यों है क्योंकि निफ्टी से स्टैंडर्ड इसका सेटैंड ज़्यादा है निफ्टी बैंक का निफ्टी बैंक में ज़्यादा वोल्टिटी है इन कम्पेरिजन टू तो निफ्टी और यही रीज़न है कि मुझे निफ्टी पसंद है निफ्टी बैंक नहीं पसंद है क्योंकि इसकी वोल्टिटी ज़्यादा है और परसेंटेज टर्म में भी ज्यादा और अमाउंट के टर्म में तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा क्यों बताओ क्योंकि ये फोर्टी के समान है फोर्टी वन थाउजेंड में एक परसेंट भी चेंज हो गया डेढ़ परसेंट चेंज होगी तो कितना फोर्टी वन थाउजेंड फोर्टी वन थाउजेंट मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव परसेंट डेढ़ परसेंट चेंज होती है सीधा छह सौ पॉइंट हो जाती है इसके अंदर ठीक है और निफ्टी में देखोगे एक डेढ़ परसेंट जो होते हैं वो कम बनता है तो इसलिए मुझे निफ्टी ही पसंद है ये नहीं पसंद मुझे कुछ लोग को बैंक निफ्टी ही पसंद है क्योंकि वॉल्टिटी उसमें क्या है ज्यादा है तो देखो इसमें क्या रखा है जिस टाइम हमने यहाँ पे लिखा हुआ था उस टाइम इसका चल रहा था बारह परसेंट और ये सोलह परसेंट अभी भी वही दिख रहा था चौदह के बाकी स्टॉक में, तो के में आपको 20 के दिखेगा। में कितना दिखा था यूएसडी दो परसेंट मिलेगा क्रूड ऑयल का बीस परसेंट मिलेगा गोल्ड का दस परसेंट मिलेगा अब या तो मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा या तो ये होमवर्क रहा हाँ ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए एक चीज याद रखना है सबसे कम मार्जिन किसमें लेता है सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ओनली टू परसेंट डॉलर में लेगा कितना टाइम है हमारे पास नहीं है नहीं है टाइम रहने दो हो गया अगले दिन बल्कि चेक कर लेंगे डॉलर डॉलर नहीं मतलब करेंसी में सबसे कम उससे ज्यादा गोल्ड में उससे ज्यादा आपको किसमें मिलेगा क्रूड ऑयल में स्टॉक में भी ट्वेंटी के अराउंड मिलेगा इंडेक्स में ट्वेल्व टू सिक्सटीन परसेंट का मिलेगा वैसे याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी एक भी याद करने की जरूरत नहीं है एक सिर्फ मोटा मोटा आइडिया दिया है जो मार्केट में ट्रेड करता है उनके लिए कि एक लाख ट्रेड करोगे तो सिर्फ आपको दो हजार ही देना है किसमें यूएसडी में ठीक है तो चलो अब इस पर हम लोग और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे आज के लिए इतना ही